हेलो जुनेद आवाज़ आ रही मेरी हेलो ज़ूम कनेक्टेड है वीडियो आ रही मेरी हेलो 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 वॉइस आ रही मेरी माइक टेस्टिंग हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो Hello, why is Aria? Hello, my question. हेलो यार बच्चा तो आया नहीं एसएमडी बंद कर दें फिर एसएमडी बंद नहीं है नहीं चली रहने दो अभी तो के टीचर तो आ गए हैं के पढ़ानी है मैं कह रहा हूं टीचर को बैठ के पढ़ा ले यहां पे ठीक है फिर यही करेंगे टीचर बैठ के पढ़ा देंगे अगर कोई बच्चा नहीं आया तो यही हो सकता है सही है टीचर से पूछ लेना ना अगर कोई बच्चा अगर आए तो फिर ठीक है वरना एस एम डी बंद कर देना कोई इशू नहीं है अभी सही है अभी हमारा जूम पे तो सेशन चल ही रहा है वैसे निशान भाई आवाज आ रही है एक मिनट में चेक करता हूं आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी नहीं आ रही आवाज हां हो गया अच्छा अच्छा मैं भी कह रहा हूँ मैं मेरी आवाज सुनी जा रही थी पहले आप बताइए प्रिंट करना आई साइड देना पेन वाला बिल्कुल और बात हां 안녕하 निशानवी <laughs> बहुत आ रही है

लादे रही ये आपके पास मौका है टेक्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स और इतनी कम ऑडियंस के अंदर ठीक अच्छा, है बाकी ऑनलाइन होंगे अच्छा स्टेशन कौन से ऑनलाइन है जीशान कौन कौन से ऑनलाइन है कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है तो आप आगे आ सकते हैं प्रॉब्लम है कोई अच्छा तो यहां पे इकट्ठे हो जाएं फिर ये नहीं प्रॉब्लम है लाइक सारी प्रॉब्लम अल्लाह तला आपके लिए आसानी करे और कामयाब करे आपको इसी सेशन के अंदर वी ऑल आर हेयर फॉर दिस रीजन के अल्लाह तला कामयाब करें आप कॉलर माइक ठीक है अगर सर यहाँ पे आंगे तो ये नहीं यहाँ यहाँ पे आना ठीक है एक कॉलर माइक दे दें सर को या सर ये वाला माइक भी है अवेलेबल मतलब ये कि मैं जब होम फीड आऊँगा कॉलर माइक ठीक कॉलर माइक

<clears throat> Dear students, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. I welcome you all in these exam focused VN sessions May 2023. Today we are conducting a session of CFAP 5 text planning and practices. Today is first day of these two days sessions. Tomorrow will be second day. Inshallah. The timing of today's session would be from ten thirty am to five pm with sixty breaks. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Peshawar, and Gujranwala. Today is a problem of internet. So, we will put the recording of these sessions on our Facebook page and YouTube channel. The students on Facebook page can ask their question the comment section. The material being used today will be available through a link in the comments section of this video. We are lucky enough that we have Sir Mirza Munabar Hussain with us for these sessions. He is also my teacher, he has over 40 years. Of working experience, he is Chief Executive of Munover Mirza and Company Tax and Corporate Consultants Lahore. Mr. Mirza served many national and international universities and organizations. Mr. Mirza possess around thirty years of experience in field of education like child Accountancy and Cost and Management Accountancy. He has authored various books in the field of tax and corporate laws. He is serving the profession of accountancy in various capacities and held various positions in professional bodies as well. He is a member of various professional bodies, including Finance, Accountant, Institute of Corporate Securities of Pakistan, Institute of Cost and Management Accounting of Pakistan. Without any further ado, please welcome Sir Mirza Munawar Hussain. <clears throat> अस्सलाम वालेकुम <coughs> मैंने दाइयों पहले एक किया था कि मैंने प्रोफेशन की खिदमत करनी और कई कैपेसिटीज में करता रहा आज का सेशन भी उसी का एक हिस्सा है नॉर्मली मेरी एज के लोग अब इस किस्म के सेशंस नहीं करते लेकिन आ... चूंकि मेरे जिम्मे कुछ है और वो जिम्मे मैंने अपने खुद लगाया हुआ है इसलिए इसको जारी रखेंगे अब आते हैं आज के इस सेशन की तरफ एडवांस लेवल की टैक्सेशन और नाम टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस इसका मतलब यह कि बेसिक नॉलेज से जरा अब ऊपर उठ के बात होगी अब आपके हवाले से सिलेबस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनकम टैक्स का जो है ये फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट वेटेज है सेल टैक्स और एक्साइज की थर्टी से फोर्टी फाइव है एथिक्स है और इस तरीके से लेकिन अगर हम फौरी पिछले कुछ छह सात रिजल्ट देखें तो इसमें इस, इस वक्त विंटर 22 का है 20 परसेंट ऊपर अगर आप देखें तो एवरेज अगर इसकी सारे की कैलकुलेट करें पिछली ये छह सात अटेम्प्ट तो ये बीस परसेंट ही बनती है एक है जिसमें ये फोर्टी सिक्स परसेंट है लेकिन तरफ फाइव परसेंट और टेन परसेंट भी तो ये एक एवरेज बन रहा है इसका मतलब क्या है कि या तो ये सब्जेक्ट इंतहाई मुश्किल है या जिस किस्म की इस पे तवज्जो देनी चाहिए उतनी नहीं है। और मैं इसकी एक तीसरी रीजन भी समझता हूं और वो रीजन क्या है कि जब आप ओपन बुक पे चले जाते हैं तो एग्जामिनर की आपसे तवक्कुआत बढ़ जाती अब वो यादाश्त की गलती जो है उसको माफ करने को तैयार नहीं होगा किताब आपके सामने पड़ी हुई ठीक है okay. अब प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट को देखें तो ये सब्जेक्ट खासा कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से है कि इसकी बहुत सारी पढ़े तो फिर बात समझ में आती है। और अगर आपने मेरी किताब टैक्सेशन आपकी नजर से गुजरी हो तो उसमें कई जगहों पे मैंने ये डिस्कशन की है कि ये कंट्राडिक्ट्री है ये पोर्वियंस आपस में और कंट्राडिक्टी है तो वहां आपने डिसीजन करना है अब डिसीजन दो तरीके से हो सकते हैं या तो आ, अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए या दूसरी चीज ये है कि किसलास उसको देखते हुए इसका मतलब यह कि ये एक खासा ही संजीदा सब्जेक्ट है और जब तक को रिलेट ना करें बात नहीं बोलती इसी को सामने रखते हुए मैंने एडवांस टैक्सेशन की जो किताब लिखी थी वो बेसिकली इसीलिए लिखी थी हालांकि इससे पहले पढ़ी हुई है तो इकतालीस बयालीस एडिशन उसके जा चुके हुए लेकिन यहां जो जरूरत है वो क्रिटिकल एनालिसिस और स्टडी की जरूरत तो आपने यकीनन अब जब इस क्लास में पहुंचे हैं तो बहुत सारी स्टडी कर ली हुई है प्लानिंग कर ली हुई है अब आपने उसकी रिविजन करनी है और ये हमारे ये जो दो दिन के सेशन होंगे इसमें आज का पूरा सेशन इनकम टैक्स की जो की प्रोविजन है उसको हम डिस्कस करेंगे कल हम लंच तक एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स को देखेंगे और लंच के बाद हम जो पिछले चार पांच पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ये हमारा है और इसमें अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन भी चाहते होंगे तो वो भी हम कर लेंगे बुनियादी मकसद ये कि आपको फैसिलिटेट करें जिसकी बिना पे जो चंद गलतियां जिसकी जो जिनसे बचा जा सकता है और चंद कंसेप्ट जो क्लियर होने जरूरी वो अगर हो जाए तो फिर बेहतरी हो सकती बेसिक कंसेप्ट में अब बहुत ब्रीफली सिर्फ वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जिन पे मेरे ख्याल में तो जानी चाहिए अदरवाइज ये बहुत सब्जेक्ट है आप जानते हैं बेसिक रूल जो है वो ये है कि इफ देर इज एनी कंट्रेडिक्शन बिटवीन दुर्वियंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्सनेस एनी अदर लॉ फॉर दाइमिंग इन फोर्स दुर्वियंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई ये बेसिक रूल जो सेक्शन थ्री में डिस्कस है लेकिन सेक्शन में टैक्स ट्रीटी को डिस्कस किया गया टैक्स ट्रीटी क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा के दरमियान टैक्स मैटर्स के हवाले से अगर एग्रीमेंट है अंडर सेक्शन तो बायोलेटरल भी, भी हो सकते हैं तो इफ देयर इज कंट्रेडिक्शन बिटवीन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड अप्लाई माजी में मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं तो तीन चार पेपर्स में ये डिस्कशन हुई है और इसकी बिना पे पेसिक कंसेप्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सुपरसीड करते हैं तमाम को तो टैक्स ट्रीटी को भी समय लेते हैं तो ये चीज बचने की जरूरत है अच्छा जिस भी स्टेज पे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसी वक्त कर लीजिएगा अब नोटिफिकेशन का स्टेटस क्या है नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि एस को कहते हैं एस रेगुलेटरी ऑर्डर लॉ है उसको डील करते तो किन-किन चीजों के लिए की जरूरत हैल्डिंग ये चार चीजें हैं जिसके बारे में कानून ये कहता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है अब इसके लाइफ और स्टेटस क्या है लाइफ जो है अगर तो एग्जेंप्शन के हैं, तो एसआरओ जो है ये दो डिफरेंट किस्म की ती, तीन तीन किस्म की कैटेगरी में चले गए टैक्स होल्डिंग के जनरल और एग्जेंशन के तो जो इशू किए थे टिल थर्टियून टू थाउजेंड सेवनटीन वो उस वक्त तक वैलिड रहेंगे जब तक इसको रिसेंड नहीं कर दिया जाता कैंसिल नहीं कर दिया जाता लेकिन उसके बाद जो है अच्छा विद होल्डिंग वाले भी जो है टैक्स विद होल्डिंग के इलाजा से उसमें भी सूर्तयाल यही है कि जब तक आप उन्हें और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है रिसेंट के हवाले से वहां तो लिखा होता है ना आप टू थर्टी जून टू थाउजेंड जो एग्जेपन के जो टैक्स विद होल्डिंग के हवाले से है उस पर किसी किस्म की कोई कैपिंग नहीं है के कब से कब तक हो सो जितने भी इशू किए हैं उस वक्त तक वैलिड होंगे जब तक उन्हें कैंसिल नहीं किया जाए इस हट के बाकी जितने भी हैं वो वैलिड होंगे टिल क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन दीज आर इशूड इसका मतलब यह है कि जितने भी एग्जैम्पन के सर्ट सर ओज हैं ये जो साल के अंदर इशू किए जाते हैं उसे लाजमी तौर पर इन दार्लियमेंट पेश करना है एट द टाइम ऑफ मनी बिल अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुके और इसका <coughs> स्टेटस क्या है बुनियादी तौर पर एस आर ओ इज बाइंडिंग ऑन बोथ टैक्स डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर सो इट इज पार्ट ऑफ द लॉ सो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग बार्टी, है लेकिन ये सर्कुलर्स का अगर आप देखें तो दीज आर बाइंडिंग्स ओनली ऑन द टैक्स डिपार्टमेंट एंड द टैक्स इंप्लॉईज These are not on the इसी तरीके से कमिश्नर अपील जो है उसके लिए भी बाइंडिंग नहीं है सर्कुलर बुनियादी तौर पर गाइडेंस ऑफ दिपार्टमेंट एंड दस पेयर इशू किए जाते हैं नॉर्मली इसे हम वैल्ड समझते हैं और नॉर्मली लोग इसे एक्सेप्ट भी करते हैं, इसको यूज करते हैं और इसकी बेस पे अपनी असेसमेंट करवा भी रहे होते हैं लेकिन अगर वो चाहे तो इसको रद्द भी कर सकते हैं टैक्स पेयर पे ये कानूनी तौर पे बाइंडिंग नहीं <coughs> अब में दो चीजें देखने वाली अंडर अदर लॉस मिसाल के तौर पे कॉपिड लॉस में आपने पढ़ा होगा मुदारबा ऑडियंस में कि इफ नाइनटी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ मुदारबा आर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट होल्डर्स देन इनकम ऑफ दोदारबा इज ट्रीटेड एज एग्जॉपला में पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो मुदारबा ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगरबा आर डिस्ट्रीब्यूटेडा सर्टिफिकेट होल्डर्स देन इट्स इनकम विल बी एग्जाम यह कहता है कि किसी भी कानून में ये सेक्शन फिफ्टी फोर किसी भी कानून में किसी किस्म की कोई एग्जेपन फ्रॉम द इनकम टैक्स दी हो वो उस वक्त तक वैलिड नहीं होगी जब तक के वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी मेंशन ना हो अब कुछ साल पहले तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी आ, सेकंड शेड्यूल की क्लास हंड्रेड थी जिसमें मुदारबा की एग्जैक्ट उन्हीं कंडीशंस के साथ इनकम वाज फ्रॉम टैक्स जो मुदारबा ऑर्डिनेंस में थी अब उसको खत्म कर दिया गया अब वो सेकंड शेड्यूल में एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब यह नाउ अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इट इज नॉट एग्जेम फ्रॉम टैक्स

मिसाल के तौर पे अगर आईटी सर्विसेज या आईटी टी एनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हवाले से आपको पता है कि क्या सूरत हाल है बेसिकली इट इज एग्जाम बात में थोड़ी सी है तो अगर उस बिजनेस हाउस से जो आपका ये काम कर रहा है उससे को बंदा सैलरी ले रहा है तो उसकी सैलरी विल नॉट बी एग्जाम एग्जामेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अपू दी ओरिजिनल रेसिपिएंट ऑफ दर्सन टैक्स पेबल एंड टैक्स क्रेडिट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि टैक्स पेबल एन टी आर क्या होता है income multiplied by rate, reduced by tax credits. और income आप जानते ही हैं अच्छा जी अगर टोटल इनकम कहा जाए कि आपने कंप्यूट करनी है और टैक्सेबल इनकम तो इन दोनों में फर्क क्या होगा ये एक माइक आप इनको भी दे दें दे जी बच्चे एक माइक आप इनको दे दें माइक आपके पास है जी ठीक है बिल्कुल ये बड़ा बारीक सा है कि एग्जामिनर आस्क करता है कि जी टोटल इनकम निकालें तो उसमें एग्जाम इनकम को भी शामिल करना है लेकिन अगर वो टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं तो फिर आपने टोटल इनकम में एग्जाम इनकम्स को शामिल नहीं करना है और फिर उससे डिडक्टिबल अलाउंसेस रखने ठीक अच्छा अब इसमें अगर आप देखें तो ये रेड एंट्री कुछ हुई पड़ी बस रख ले इधर रख ले जिस वक्त जरूरत पड़े उस वक्त इस्तेमाल इस कर आपने टैक्स क्रेडिट्स की एप्लीकेशन किस तरीके से करनी और रेड खास तौर पे इसलिए लिखा है कि ये नजर से घुस है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरन टैक्स क्रेडिट सेक्शन वन जब आपने टैक्स क्रेडिट देने हैं तो सबसे पहले ये कानून कह रहे हैं और उसमें लिखा हुआ देन इसके बाद ये करना है वो जो रूटीन में आपके टैक्स क्रेडिट्स इन्वेस्टमेंट डोनेशन वगैरह हैं ये करने हैं और उसके बाद जो टैक्स डिपॉजिटेड या डिडक्टेड और विदहेल्ड फ्रॉम पर्सन वो माइनस करना है तो इस तरतीब को ये खास में रखना है कि ये अगर तरतीब चेंज करेंगे तो जवाब गलत हो सकते हैं टोटल इनकम जानते हैं जी डिडक्टेबल अलाउंसेस इसमें जो चीज जेन में रखने वाली है ओनली सो मच ऑफ दी डिडक्टेबल अलाउंसेस शेल बी अलाउड एज कैन बी एब्सॉर्ब बाई दोटल इनकम इसका मतलब यह है कि टोटल इनकम खुद से नेगेटिव हो सकती है लेकिन डिडक्टेबल अलाउंसेस की बिना पे नेगेटिव नहीं हो सकती सो डिडक्टेबल अलाउंसेज उतने ही माइनस करने हैं जितनी टोटल इनकम एब्जॉर्ब कर सकती है बाकी का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा ना कैरी फॉरवर्ड ना कुछ और कुछ नहीं है। कि सिर्फ जितनी टोटल इनकम है डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ उतने ही माइनस हो सकते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते ठीक सो नेगेटिव इनकम तो हो सकती है जिसे हम लॉस कहते हैं वो तो टोटल इनकम हो सकती लेकिन है लेकिन डिडक्टेबल अलाउंसेस की बिना पे नेगेटिव टैक्सेबल इनकम नहीं डिडक्टेबल <स्थियो> अलाउंसेस में जकत इंडिविजुअल के हवाले से अगर आप देखें तो इंडिविजुअल को जक़ात जो अवेलेबल है ये तीन सिर्फ हो सकती हैं जिन्हें हम डिटेक्टेबल अलाउंसेस के तौर पे ले सकते हैं इसके अलावा कोई नहीं हो सकता जकत डिटेक्टेड बाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिपोजिट्स

जक़ात एंड के तहत डिडक्ट हो गई हो या डिपॉजिट हुई हो सिर्फ वही जक़ात डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे है बाकी किसी किस्म की कितनी ही तौर पे वैलिड क्यों ना उसका इनकम टैक्स के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है फिर एक और चीज देखी जिसमें एग्जामिनर ने उसको गलत ट्रीट किया है कि इसे फिर डोनेशन ले ली सोल्यूशन में उसने डोनेशन ले लिया है डोनेशन और जकत में जमीन आसमान का फर्क है सदकात जकत ये तीन डिफरेंट चीजें ये आपस में मिक्सअप नहीं हो सकती है सो so अगर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को जकत के नाम पे पैसे दिए तो डेट कैन नॉट बी टर्म एज डोनेशन और उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा <coughs> अब टैक्स ईयर आप जानते हैं कि नॉर्मल स्पेशल ट्रांजिशनल एक सर्कुलर है उनकी बेस पे इनकम फ्रॉम डिफरेंट हैविंग डिफरेंट टैक्स ईयर्स तो उसमें टैक्स ईयर कौन सा लेना है स्पेशल टैक्स ईयर एज वेल एज नॉर्मल टैक्स ईयर अगर सूर्त हाल यह है स्पेशल भी है और नॉर्मल भी है तो जो स्पेशल होगा वो लिया जाएगा तो उसकी तमाम इनकम के हवाले से देन सोर्सिस हैविंग डिफरेंट स्पेशल टैक्सीयर एक से ज्यादा है सोर्सेज हैं जिसके डिफरेंट हैं तो क्या होगा स्पेशल टैक्स ईयर एंडिंग लास्ट शेल बी टेकन एज ईयर ऑफ रहा होगा उसे मेंबर ऑफ एनओपी जो एओपी के होंगे वही मेंबर ऑफ एओपी का फिर टैक्स ईयर होगा और दो या दो से ज्यादा अगर एओपी का मेंबर है तो इस सूरत में ईयर एंडिंग लास्ट शेल बी ईयर ऑफ दबर तो ये चंद चीजें हैं जिसको जेन में रखना है कि टैक्स ईयर इसका कौन सा है कब खत्म होता है उसके लिए इन को जेन में रखना है है क्लियर जी स्पेशल और नॉर्मल हो तो स्पेशल लेना है एक से ज्यादा स्पेशल हो तो सबसे एंड पे हो रहा था वो लेना है एओपी और मेंबर्स का एक ही लेना है और वो एओपी वाला लेना है और अगर एक से ज्यादा एओपीज हैं जो सबसे एंड पे क्लोज हो रहा है वो वाला लेना है टैक्स रिजीम्स एन टी आर नॉर्मल तरीके से जो हम टोटल इनकम में शामिल करते हैं इनकम्स इसका मतलब यह है कि जो हेड्स ऑफ इनकम में शामिल होंगे वो इनकम्स आपकी टोटल इनकम का हिस्सा बनेगी उसमें से रोटीन के डिडक्शंस आप माइनस करते हैं एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तब इनकम आती है तमाम हेड्स को एड करते हैं तो टोटल इनकम आ गई और डिडक्टेड अलाउंसेज माइनस किए तो टैक्सेबल इनकम आ गया उसपे रेट अप्लाई किया तो टैक्स आ गया और टैक्स क्रेडिट्स ये तो टैक्स पेबल ये टैक्स रिफंडेबल हो गया और लॉसेज जो हैं उसमें प्रोसीजर दिया हुआ कि किन किन लॉसेज को तो आप सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एन टी आर एस टी आर और एफ टी आर इन दोनों में बुनियादी फर्क ये है एफ टी में टैक्स विद होल्ड होना जरूरी है और जो टैक्स विद हेल्ड था दैट इज एज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर दीस्पेक्टर लेकिन इसमें एस में, में लाजमी नहीं है नॉर्मली इसमें भी होते है नॉर्मली इसमें भी होते है बट लाजम नहीं कि इस पर टैक्स कटाओ बुनियादी तौर पे आपने ये अच्छा फिर एफ की जो इनकम है उस पर टैक्स उसे आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी में शामिल नहीं करते उसे से जबकि एस टी आर में जो है, इसकी टैक्स लाइबिलिटी को आपको अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करना होता है इसका मतलब यह कि पहले आपने नॉर्मल तरीके से जो टैक्स है वो निकालना है एन टी आर का फिर एस टी आर का जो है वो टैक्स इलाह से निकाल के उसे उसमें ऐड करना है और यू टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर बनती है तो बुनियादी फर्क यही है लेकिन दूसरी तरफ एस और एफ दोनों में कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है कोई डिडक्टेबल नहीं है किसी हेड ऑफ इनकम में ये टैक्सेबल नहीं है और अगर हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल नहीं है तो इसका मतलब ये टोटल इनकम का ये हिस्सा नहीं बनते और फिर इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता मिनिमम टैक्स रजीम सिंपल सी कहानी ये इन दोनों का कंबिनेशन समझ एन एनटीआर और एफटीआर इसमें तय कर देते हैं कि कम अज कम इतनी लाइबिलिटी जरूर होगी पहले ये सिर्फ सेक्शन 113 तक महदूद था बहुत सारी मिसाल के तौर पे 153 में कई ऐसी चीजें जिस पे मिनिमम टैक्स है इसी तरीके से इंपोर्ट्स की सूरत में बाद जगहों पे कि मिनिमम टैक्स है कभी वो सारे के सारे एफ में होता था अब मिनिमम टैक्स है सो so, जहां भी मिनिमम टैक्स होगा नॉर्मल तरीके से जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कंपेयर करेंगे विद द मिनिमम लाइबिलिटी जो मेंशन की गई होगी इसका मतलब यह कि इस पे दोनों सिस्टम लगने हैं एक तो नॉर्मल तरीके से लगना है वो नॉर्मल तरीके से जो इनकम uh, निकालनी है टैक्स निकालना है वो एक फिगर आ गई और उसके बाद जो मिनिमम टैक्स जैसे इंपोर्ट्स की सूरत में है जैसे वन uh, फिफ्टी का है वन थर्टीन का है वन थर्टीन ए का है ये मुख्तलिफ जो है फिर इनमें से जोन सा अप्लाई होता है वो अप्लाई करके देखेंगे विच एवर एस दायर ये ऑटोमेटिकनेट इमर्सनल टैक्स चूंकि अभी सेक्शन uh, जरूर आ गई है लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें क्या है कि इसके तवस्त से वो ये चाहते हैं कि टैक्स पेयर की विथ टैक्स डिपार्टमेंट मिनिमम इंट्रेक्शन प्रोविजंस इसको जेन में रखना जरूरी है ये बहुत सारी अगर हम नोमरिकल्स देखें तो उसमें ये मसला एक आ रहा है है बड़ा सिंपल कि जब कोई इनकम नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल नहीं है तो नॉर्मल प्रोसीजर की कोई चीज उस पर अप्लाई नहीं होती अब वो प्रोसीजर्स क्या होते हैं ये देखें वही है कि नंबर वन इट शेल नॉट बी टैक्सेबल एनी हेड ऑफ इनकम क्योंकि नॉर्मल तरीके से सारे के सारे किसी ना किसी में जाने नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसिस नो डिडक्शन डिडक्टेबल अलाउंस एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसिस टैक्स कंप्यूटेड है स्पेशल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू दैट इनकम नो टैक्स क्रेडिट टैक्स पेड शेल डिस्चार्ज टैक्सिटी टू एक्सटेंट ऑफ दस डर विदाउट Tax withheld shall not be refunded except where it is in excess of the tax payable by the taxpayer. Where tax is not withheld or is short withheld, the amounts may be recovered under section 162 and where all the incomes of the person is subject to final taxation. This rule is FTR, pe bhi hai, STR, pe bhi hai. Ye sirf Final taxation. Ki baat kar hai. अगर सारे के सारे उसके सोर्सेज और इनकम जो है एफ में जाती हैं, तो फिर एन असेसमेंट बी हैव अंडर सेक्शन समझेंगे कि उसकी असेसमेंट हो गई अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी आपको पता है कि नॉर्मल तरीके से जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके तवस् से जो असेसमेंट uh, होती है दैट इज अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी लेकिन इस सिलसिले में कहते हैं वो समझ लेंगे कि हो गई इसका मतलब यह कि रिटर्न उस तरीके से फाइल नहीं होगी उस तरीके से असेस नहीं होगी जो डिक्लेयर्ड है वो जब आप उसमें दे जाएंगे तो डेट इज टेकन एज फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स से और ये समझेंगे कि उसने टैक्स पे कर दिया अच्छा इसी से एक और चीज इंप्यूटेबल इनकम ये कंसेप्ट क्लियर है आपको इम्प्यूटेबल इनकम का हाँ जी कोई मसला तो नहीं इसमें ठीक अब इम्प्यूटेबल इनकम किसी जमाने में यह पूरे पे अप्लाई होता था अब यह पूरे पे अप्लाई नहीं होता मखसूस कर दिया गया ये दर्ज में रखिएगा मखसूस कर दिया गया और अगर आप मेरी किताब में देखेंगे तो उसमें वो जो पांच सात जहां वो अप्लाई हो सकता है उसमें मेंशन इसके अलावा कहीं नहीं कंसेप्ट खत्म हो गया इम्प्यूटेबल इनकम यह है कि जो टैक्स आपने एफ के थ्रू पे किया है अगर उस अमाउंट को वर्क बैक करें टैक्स टेबल के हिसाब से तो जो इनकम बनती है एक्चुअली अब वो यहां पे नहीं है इसी वजह से जब आपकी डिफरेंट सोर्सेस से इनकम आ रही होती है एफ टी आर एन टी आर खासतौर तो फिर आपको बकायदा अगर वेल्थ स्टेटमेंट चाहिए अगर वेल्थ स्टेटमेंट चाहिए तो फिर उसके लिए बकायदा तौर पे क्या करना पड़ता है कि आपको उस पार्ट की भी इनकम निकालनी पड़ती है जो आपका एफ है और नॉर्मली हम एग्जामिनेशन में कॉलमनर फॉर्म में ले लेते हैं कि एफ टी आर में है ये एन में है ताकि इनकम अगर आपको सोर्स ये बताना हो कि किस सोर्स से ये मेरी वेल्थ जनरेट हुई तो उसके लिए फिर अब इंप्यूटेबल इनकम नहीं होगी बल्कि उसी इनकम पे नॉर्मल तरीके से इनकम निकालते हुए जो इनकम बनती है वो इसका मतलब वही आपके अपोर्शनमेंट ऑफ आप डिडक्शन सारी चीजें अप्लाई होती तो यहां क्या कह रहे हैं कि अगर आपके सारे के सारे सोर्सेस एफ के हैं तो यू समझेंगे कि असेसमेंट हो चुकी अंडर सेक्शन वन लेकिन इफ दैट पर्सन इज इंडिविजुअल और उसने वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है तो उसकी इनकम आप नॉर्मल तरीके से टैक्स रूल्स के मुताबिक निकालेंगे और फिर वो जो है वेलट सोर्स ऑफ इन वेल्थ हम उसे ले सकते हैं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान सोर्स फॉरेन सोर्स ये जानते हैं आप इसमें कोई मसला नहीं है सिर्फ इसमें इस दफा एक जो चीज ऐड हुई थी वो ये थी कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान का रेजिडेंट तो नहीं है अपरेंटली लेकिन किसी दूसरे मुल्क का भी रेजिडेंट नहीं है, है वो पाकिस्तानी सीएनआई से उसके पास मौजूद है तो फिर अगर वो किसी भी और टैक्स में रेजिडेंट नहीं है तो उसे हम पाकिस्तान में रेजिडेंट समझेंगे पहले ये था कि उसका डेज मोर पाकिस्तान में होना जरूरी है अब उसके साथ एक और चीज भी आ गई है जो आप जानते हैं कि अगर वो किसी दूसरी टैक्स जो रिस्ट्रिक्शन का रेजिडेंट नहीं है और पाकिस्तानी है तो उसे भी रेजिडेंट समझे रूल्स फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अगर आपने इस दफा जो रिजल्ट आया है, उसके एग्जामिनर्स कमेंट्स पढ़े हों नजर से गुजरे नहीं गुजरे उसमें पहला ही क्वेश्चन की पहली चीज ही वो ये कह रहा है कि ये अपोर्शनमेंट गलत हुई है अपोर्शनमेंट के लिए बड़ा कॉमन सेंस को यूज कर और वही रूल है कॉमन सेंस क्या है कि अपोर्शन करना ये खर्चा उन हेड्स में या उन इनकम्स में जिससे ये रिलेट करता है जैसे हम कॉस्टिंग में कॉस्ट चार्ज करते हैं कि किसको है, किस चार्ज करनी है किसको नहीं चार्ज इसी तरीके से अगर वो किसी सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड नहीं है तो उसमें उसके हवाले से कोई पैसे नहीं जाने लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हुआ है तो सारे के सारे वहीं जाने मिसाल था था के तौर पे अगर कोई एक्सपोर्ट के एक्सपेंसिस अगर सेक्शन है किलैदा इंपोर्ट का मौजूद है और उसकी सैलरीज और उसकी बाकी सारी चीजें तो वो आपने उसी कैटेगरी में लेके जानी है जिससे रिलेट करता है बाकियों में अपोर्शन नहीं करना और बाकियों में जो अपोर्शन करना है वो उनकी ग्रॉस रिसीट्स बेस पे करना तो ये बहुत बारीकी से इसको देखना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ए पर्टिकुलर क्लास और क्लासेज ऑफ इनकम शेल बी एलोकेटेड टू डेट क्लास आर क्लास ऑनली नॉन बिजनेस फाइनेंशियल एक्सपेंड शैल बी एक्सक्लूडेड अब अगर बैंक से लोन लिया और उसमें से कुछ बिजनेस के लिए यूज कर लिया और कुछ के लिए इस्तेमाल कर लिया तो उस पर जो फाइनेंशियल उतनी ही सिर्फ बिजनेस को चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला और वो क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर उसको उनकी टोटल ग्रॉस रसीट्स उसकी बेस पे आपने अपोर्शन कर देना है सो टोटल जिनमें अपोर्शन करना है उन सबका टोटल से डिवाइड कर दें और उनके इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई कर दें माइक uh, ताकि उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए so, इसमें दो क्वेश्चन है एक ये जो डिडक्टेबल अलाउंसेज है इसकी भी इसी तरह अपोर्सनमेंट होगी और दूसरा क्वेश्चन है कि इसका सब रूल फोर है जो अदर इनकम को डील करता है उसका भी गाइड कर दें तो वो अदर इनकम के लिए स्पेसिफिक कह रहा है इसकी परसेंटेज यूज करनी है वो गाइड कर दें अभी 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 देखते हैं जी अभी देखते हैं देखें डिडक्शंस कहाँ होती हैं हेड ऑफ इनकम ड ऑफ इनकम ठीक है डिडक्टेबल अलाउंसेस कहां आती टोटल इनकम के बाद तो ये कहानी तो उससे पहले की है जब आपने हेड्स ऑफ इनकम में इनकम निकालनी है तो उस स्टेज पे आपने अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कर है ठीक है इसका मतलब यह कि वो डिडक्टेबल अलाउंसिस उसके बाद की खानी है ना डिडक्टेबल अलाउंसिस इज नॉट एक्सपेंस पहले ये जरा में यह इट इज नॉट ए डिडक्शन डिडक्शन की बिना पे अगर डिडक्शन ज्यादा है तो लॉस हो सकता है ठीक है लॉस क्या है डिडक्शन आर मोर देन दूस तो जब आप एक हेड ऑफ इनकम की बात कर रहे होते हैं तो उसमें खर्चे पोर्शन आएंगे अब आपकी टोटल इनकम आ गई उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस आते हैं दीज आर नॉट एक्सपेंसिस अलाउंस कहते हैं जो किसी कानून के मुताबिक आपको माइनस करने की इजाजत दे दी गई जैसे डेप्रिसिएशन अलाउंस डेट इज नॉट एक्सपेंस डेट इज अलाउंस और अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो इट इज ए प्रोविजन प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट द बिजनेस जो कानून के मुताबिक का इनकम टैक्स में तमाम और ये के लिए वो इस्तेमाल करते हैं अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं ये अपोर्शनमेंट का हिस्सा नहीं है इसलिए खर्चे ऊपर रह गए ये कॉमन डिडक्शन खर्चों की बात हो गई क्लियर हो गया हाँ फॉर well, एग्जाम्पल एक कंपनी है उसके एक्सपोर्ट्स भी हैं और लोकल भी है उसके मेजर एक्सपेंसि एक्सपोर्ट्स में एलोकेट हो जाते हैं टोटल इनकम जो नॉर्मल की निकलती है उसमें से डिडक्टेबल सारा सारा तो ही, ही ही अलाउंसिस अभी हमने ये कॉमन एक्सपेंसिज पढ़े ना इसमें पॉइंट नंबर थ्री जरा देखें नो डिडक्शंस डिडक्टेबल अलाउंस जब आप एफ में जा रहे हैं तो उसमें इस किस्म की कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी एस में भी कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी ठीक है ग्रॉस रसीट विच बी और बात सूरतों में इट मे बी एन एक्सपेंस विच इज ट्रीटेड एज इनकम इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है ना फिक्शन ऑफ लॉ इनकम की डेफिनेशन में आप देखते हैं ना तो उसमें कहते हैं कि सर्टन ट्रांजेक्शन आर ट्रीटेड एज इनकम मिसाल के तौर पे आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं एंड द पर्सन इज द कमर्शियल इंपोर्टर उसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है तो जो इंपोर्ट पे कॉस्ट इनको दैट इज एक्सपेंस बट दैट इज एज इंपोर्ट ठीक है presumed, तो चूंकि कानून ये कह रहा है कि आपने ये जो चीजें माइनस करनी है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्सेशन के तहत जो इनकम है उसमें माइनस करनी है और किसी से नहीं करनी ठीक है ना और जो डिडक्शन है उनकी बिना पे लॉसिस हो सकते हैं सकतेन लॉसिस और लॉसिस में भी सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड एज पर लॉ लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि जब हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेना है तो वो उतने ही माइनस हो सकते हैं जितने टोटल इनकम की अमाउंट है उसे ज्यादा नहीं कर सकते तो दिस इज द डिफरेंस नेचुरली so इसके अलावा और कई जगहों पे क्वेश्चन आते हैं कि यार ये ये तो अनजस्टिफाइड नहीं है इनकम <coughs> टैक्स में एक और चीज जब आपने फील्ड में जाना है प्रैक्टिस में जाना है लेगेलिटी आर

एलोकेटिंग कॉमन एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली द द सेलिंग नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम बी ये उसको एलोकेट करना है या नहीं जो कॉस्ट सेंटर्स आपने कास्ट अकाउंटिंग में कहीं पढ़े होंगे पढ़े नहीं पढ़े या अभी पढ़ने आगे चल के तो वो कॉस्ट सेंटर्स की एलोकेशन भी लॉजिक की बेस पर क्या ये खर्चा उसको एलोकेट हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसको खास देन में रखना देन बेसिस यूज फॉर एलोकेशन शुड बी सर्टिफाइड बाई सी आर सी एम इट शेड बी एक्सेप्टेड बाई कमिश्नर अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन और सिग्निफिकेंट को कहते हैं टेन परसेंट प्लस माइनस फ्रॉम द एलोकेशन अंडर दिस फॉर्मूला सो एक फिगर इस फॉर्मूले के तवस्थ से आती है एक फिगर वो है जो कंपनी ने खुद से डिटर्मन की हुई है अपनी बेसिस और उस बेस को सर्टिफाई कर देते हैं सीए या <coughs> सी में और इसमें अगर टेन परसेंट प्लस माइनस तक है तो कोई मसला नहीं जो कंपनी ने खुद की हुई है वो लगेगी ये जरा खास में रखने टैक्स पेयर ने खुद एलोकेशन की है जो वो वैलिड होगी अगर इस फार्मूले के तवस्त से जो फिगर निकलती है उसे टेन परसेंट प्लस माइनस इसका मतलब ट्वेंटी परसेंट मार्जिन प्ले इसमें मौजूद है अगर टेन परसेंट माइनस है और टेन परसेंट प्लस है ठीक है तो अगर इतनी वेरिएशन है तो जो कंपनी ने खुद की हुई है वही वैल्यूएशन आपने लेनी है अपोर्सनमेंट के लिए और इट शुड बी सर्टिफाइड बाई ए क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंट हर हालत में इस फार्मूले को नहीं अपनाना इस फार्मूले की एप्लीकेशन कहां होगी जहां वो जो फार्मूला कंपनी ने टैक्स टैक्सपेयर ने खुद किया हुआ है अगर उसमें वेरिएशन टेन परसेंट से ज्यादा हो जाए बहुत सारी जगहों पे है ना कि जो उन्होंने खुद किया है या जो टैक्स रूल्स के मुताबिक आ रहा है इनमें से टैक्स रूल्स वाला लेना यहां ऐसी बात नहीं है यहां जो खुद टैक्स पेयर ने डिटर्मन किया वो वैलिड होगा इफ इट इज सर्टिफाइड बाई द्वालिफाइड अकाउंटेंट शर्त यह है कि इस फार्मूले के तौर से जो एलुकेशन हो सकती है वो टेन परसेंट प्लस माइनस उसके अंदर तो ये जेन में रखने वाली चीज ग्रॉस रिसीट को डिफाइन कर दिया गया मीनस रसीड्स विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नेटिंग ऑफ रिसीट्स

अब क्लासेस ऑफ इनकम बड़ी सिंपल सी कहानी है जी ये आपकी पंद्रह बनती है याद करने की जरूरत नहीं कुछ नहीं है आपके हेड्स ऑफ इनकम कितने है? हैं पांच पांच है? इस स्टेज रहे हाँ जी कितने इसमें नहीं लिखा हो हाँ जी आपके हेड्स ऑफ इनकम है छटा कौन से पांच तो सबको पता है ना छठा आपका है, स्पेकुलेशन बिजनेस चार जगहों पे लिखा हुआ है फॉर ऑल पर्पजेज ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट हेड ऑफ इनकम कैफ लेवल पे पांच ही ठीक है थीके? तो आपके लेवल पे छ है ऑफ इनकम दो सोर्सेज ऑफ इनकम पाकिस्तान एंड फॉरेन सोर्स बारह हो गए सिक्स इंटू टू और तीन आपके एग्जैम्स एस टी आर और एफ टी आर सो टोटल पंद्रह बनते हैं फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन कॉस्ट ऑफ एसेट में <coughs> रूटीन में आप जानते हैं क्या होता है लेकिन अगर कोई एसेट फॉरेन करेंसी लोन से बनाया है और उसका हेजिंग एग्रीमेंट उसको जेन में रखते हुए अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन उसकी लाइबिलिटी रुपीस पे असरअंदाज होता है तो जितनी लाइबिलिटी कम या ज्यादा होगी जब तक उस लोन को रीपे नहीं कर चुके उस वक्त तक आपने उसको अगर लाइबिलिटी इन पाक रूपीज बढ़ी है तो कास्ट बढ़ा देनी है इन कम हुई आ, आ, हुई है तो आपने उसकी कॉस्ट कम और ये देखना कब है इसको तो फिगर नहीं लेनी बल्कि इसको करना ये कि जो उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में जितनी पेमेंट्स हुई हैं जितने फालतू पैसे देने पड़े उतनी ही टैक्स की कॉस्ट ऑफ बढ़ा देनी है और अगर कुछ कम पे करना पड़ा तो कॉस्ट कम कर देनी है अब जिस भी टैक्स ईयर में ये एडजस्टमेंट होगी इससे पहले कॉस्ट थी उसकी उस पर कोई डेप्रिसिएशन आपने अलाउ की थी ठीक वो जो डेप्रिसिएशन अलाउ की थी उसी ही डेप्रिसिएशन को माइनस करना है इस एडजस्टेड कॉस्ट में से टू तो अराइव एट द रिटर्न ऑन यानी कि सारी शुरू से कैलकुलेशन नहीं करनी जितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके उसको माइनस करना है और बाकी इज द रिटर्न ऑन वैल्यू फॉर डेप्रिशिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर टैक्स ईयर उसको आपने यूज कर <coughs> रिप्लेसमेंट एसेट ये हमने सेक्शन सेवेंटी नाइन में पढ़ा हुआ है सेवेंटी नाइन में ये है कि किन सूरतों में गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगा ठीक है उसमें एक चीज ये भी है कि अगर कोई एसेट आपसे गया तो उस पे भी गेन और लॉस कंप्यूट नहीं करने लेकिन कंडीशन क्या है कि पेड़ा वन उसी किस्म का कोई और एसेट उसे परचेज कर दिया वो जो एसेट परचेज किया गया डेट इज टर्म रिप्लेसमेंट एसेट तो इस रिप्लेसमेंट एसेट की कॉस्ट कैसे निकालें अब वहां जेन में रखें कि वहां गेन और लॉस कंप्यूट नहीं हुआ

कॉस्ट ऑफ दी रिप्लेसमेंट एसेट ठीक है और ये सिर्फ उस औरत में अप्लाई होगा जहां आपने उस एसेट को जो आपसे जबरदस्ती ले लिया गया किसी कानून के तहत और उसके पैसे मिल गए डिस्पोजल हुई और उसके इवश एक साल के अंदर अंदर आपने नया एसेट परचेज किया ब्रोश टेन है जो इसको डील करता है इसमें कुछ चीजें हैं जो आपकी फाइनल लेवल पे देखने वाली While determining cost of an asset, value of the following transactions may be included or excluded from cost. Number one, debt incurred. To pay the amount or to provide a non-cash benefit is part of the cost. Debt incurred is part of the cost. To pay the amount or to provide a non-cash benefit. It is generally the unpaid amount of any loan, credit, liability, etc., debt was incurred to pay the cost and the unpaid amount of the accrued markup, interest, profit, etc., that was included in the cost of the asset. Yeah, that incurred ki definition. In Likin. Agar, cost of an asset is reduced by an amount of waiver of the debt incurred in acquiring an asset. Agaros may mafiati. तो आपने कॉस्ट को भी रिड्यूस करना इट इज ट्रीटेड एज कंसिडरेशन सी एंड डिस्पोजल ऑफ एन एसेट तो कॉस्ट में से उतना माइनस करते तो ये एक खास पॉइंट है जो जेन में रखने वाला देन रिकूपमेंट ऑफ कॉस्ट इन कट इन अक्वायरिंग एन एसेट इज ए रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट इट कि आपको कुछ पैसे उसमें से मिल गए रिकूप

फिर वो सब्सिडी के पैसे उसमें से माइनस नहीं होने उसके बाद क्वेश्चन है सेल टैक्स का कि क्या सेल टैक्स पार्ट ऑफ कॉस्ट होगा या नहीं तो बड़ी सिंपल कहानी सेल टैक्स के दो उसके एंड ट्रीटमेंट्स होते हैं एक ये कि आप उसे पासन कर देते हो टू योर कस्टमर्स और एक वो है जो बर्दाश्त करते हैं खुद से ठीक ये दो ही इफ इट इज पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू दस्टमर्स देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड जिसके हवाले से ये पे कि लेकिन इफ इट कैन बी शिफ्टेड टू द कस्टमर्स इसमें एक चीज और में सेल के <coughs> सेल में आपने कहीं पड़ा होगा कि अगर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द गुड्स उस पर अगर इनपुट टैक्स पे किया था दैट इज अवेलेबल एज टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स इवन उसमें सेक्शन एट बी आप नहीं होती एट बी आप जानते हैं कि नाइनटी परसेंट ऑफ दी

स्पेसिफिक चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है बाकी तो रूटीन में आपने सारा कुछ ही पढ़ा होगा और बल्कि एसेट्स पे एक पूरा चैप्टर है तो एक लंबा है लेकिन जो स्पेसिफिक चीजें बाकी रूटीन की चीजें अच्छा जी डिस्पोजल कंसिडरेशन ऑफ दी एसेट दो सूरतें होती हैं सेल किया आपने या लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हुई सेल हुआ तो कंसिडरेशन इन कैश हायर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस्पोज अगर फेयर मार्केट वैल्यू इज हायर देन दंस्ट रिसीव तो डिस्पोजल कंस्टिटन इज दाइएस्ट लेकिन इसके बरक्ष भी जरा जीन रखे क्योंकि आपने प्लानिंग भी करनी है दूसरी साइड भी देखनी है जिस बंदे ने अक्वायर की है फर्ज करें कि सौ रुपए का एसेट था छे मार्केट वैल्यू और उसने नब्बे रुपए में ले लिया उसकी कॉस्ट कितनी होगी हाँ जी डिस्पोजल कंसेशन तो सौ रुपया होगी विच एवर इज हायर कॉस्ट शेल बी एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट क्योंकि इसका उस टैक्स वालों को इसका भी बेनिफिट क्योंकि वहां जब उसने उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो उस पर गेन लॉस उस कॉस्ट की बेस पे होगा ना सो so, दोनों तरफ एक्चुअल पेड प्लस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट द दूजेबल कंडीशन ठीक है ना और इधर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस्पोज आर दी एक्चुअल कैश कंसन विच एवर शैल अच्छा फिर <coughs> अगर

वो कैश भी हो सकती है और अदर देन कैश भी हो सकती है ठीक है अदर देन कैश अगर है तो जो एसेट लिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे यहां फेयर मार्केट वैल्यू होगी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है तो एक्चुअल कंस्ट्रेशन या नंबर टू फेयर मार्केट वैल्यू इन दोनों में से हायर हमने लेना है बात समझ आई कि जो डिस्पोजल कंसन है एक्चुअल कंसिडेशन रिसीव्ड एक्चुअल कैश में भी हो सकती है अदर देन कैश भी हो सकती है अगर अदर देन कैश है तो जो एसेट मिला है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है दैट विल बी टेकन एज एक्चुअल कंसिड्रेशन ये एक फिगर लेके इसको कंपेयर करना है विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ तो दोनों में से जो आंसर आएगा दैट विल बी टेकन एज डिस्पोजल कंसिड्रेशन लॉस्ट आर डिस्ट्रॉयड एसेट इसके कहीं से कुछ मिल गया वो इंश्योरेंस हो सकती है वो डैमेज हो सकती है वो उसकी सेल्वेज वैल्यू हो सकती है कहीं से कुछ मिल गया डेट विल बी टेकन एज डिस्पोजल कंस्टिट्यूशन ठीक है कहीं से कुछ भी मिल गया और इसमें देखिए अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशनिटी डेमेज इस रिसीव फ्राम इंश्योरेंस पॉलिसी इन डेमिटीमेंट इसटलमेंट आर ए जुडिशियल कहीं से कुछ भी मिल गया डिस्पोजल ऑफ एसेट्स इस कमरे में जो जो चीजें वो सारी इतने में बिक गई उसमें चेयर्स टेबल ए सी बाकी चीजें इनकी हर एक की इंडिविजुअल की अगर डिस्पोजल कंस्टिट्यूशन तैयार नहीं की तो टोटल डिस्पोजल कंस्ट्यूशन रिसीव को आपने अपोर्शन कर देना है इन तमाम में क्योंकि जब आपने राइट ऑफ करना है टैक्स पॉपिस के लिए तो हर एसेट को कंप्लीट करना, है उस पे करना है। और इसको अपोर्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है एक्चुअल कितने लिए हैं सो एक्चुअल डिवाइडेड बाई टोटल फेयर मार्केट वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट के हवाले से दो तीन चीजें जेन में रखनी है और ये दोनों एस्पेक्ट हम देख लेते हैं लेसर का भी और लसी का भी डेप्रिसिएबल एसेट को अगर हम देखें तो डेप्रिशियबल एसेट की डेफिनेशन में तीन कंपोनेंट्स हैं। होती है टू टूसोल्यूशन uh, किसी भी चीज की बिना पे ये अगर कंडीशंस पूरी होती हैं तो देन इट इज डेप्रिसिएबल एसेट अब लीजिंग में तमाम एसेट्स चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो अकाउंटिंग में तो इनका फर्क है फाइनेंस लीज में हम उनको अकाउंट फॉर करते हैं बकायदा उसकी लाविटी इलाजा से बुक करते हैं ऑपरेटिंग में जो लीज रेंटल्स है वही लेते तो टैक्स में तमाम लीजेज आर ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग लीज अब इसका एक पहलू ये है कि अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो हमने आमतौर पर अकाउंटिंग में ये पढ़ा हुआ कि जो लीज रेंटल्स रिसीव्ड हैं That is taken as आप और दूसरी तरफ जिसने लीज पे लिया हुआ है दो अपोर्समेंट उसकी करते हैं ना एक प्रिंसिपल रीपेमेंट और दूसरा उसका लीज चार्जेस तो ये यह यहां पर मौजूद नहीं होगा ठीक है इसका मतलब ये है कि अगर एसेट लीज पे लिया हुआ है और किसी भी किस्म का हो हम तो उसे ऑपरेटिंग समझेंगे फॉर टैक्स पर्पिज नॉर्मली नाइन्टी नाइन परसेंट लीज जो है वो आपके फाइनेंस लीज होते हैं अल्टीमेटली वो एसेट बन जाता है उस बंदे उसी हिसाब से उसने अकाउंटिंग की होती है तो अकाउंटिंग में जो लेसी है उसने चार्ज किया होता है नंबर लीज चार्जेस नंबर टू उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है ये गलत है फॉर टैक्स पर्पसिस आपने इसको रिवर्स कर देना अगर लेसी की टैक्सेशन कर रहे हैं तो लीज चार्जेस इन द लीज इंस्टॉलमेंट प्लस डेप्रिसिएशन आर इन एडि इनको एडबैक करके और लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग टैक्स पीरियड शेल बी डिडक्टेड एज एक्सपेंस अब दूसरी तरफ <coughs> रेंटल्स रेंटल रिसीव टेकन एज इनकम अब एसेट Is owned by the leasing company, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो चुकी तो बेसिक कंडीशन एस एट इज ओन बा नहीं है वो ओनर नहीं है इसका मतलब वो डेपोजिशन चार्ज नहीं कर सकती दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन क्या थी इट इज बींग यूज फॉर द बिजनेस ऑफ द पर्सन तो यहां एक झगड़ा आ गया कि डेपल एसेट तो तब बनेंगे जब वो इसे यूज भी कर रहे हो तो यहां फिर कानून ने एक फिक्शन ऑफ लॉ को शामिल किया उसने कहा कि इट शेल बी ट्रीटेड इज बींग यूज बाई दीजिंग कंपनी

के अब यहां कैपिंग आ गई एक तरफ उन्होंने लीज रेंटल्स रिसीव किए दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन उन्हें अलाव की जाएगी लेकिन डेप्रिसिएशन मैक्सिमम उतनी होगी जितनी उस साल की लीज रेंटल्स हैं। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो फालतू तो अगले साल ले जाएंगे और उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे ये आमतौर पर पहले साल में हो सकता है जहां वो एसेट एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट भी हो जिसपे इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है वहां यह सुरत हो सकती है कॉस्ट ऑफ दी कल नॉट प्लाइंग फॉर हायर शुड नॉट एक्सीड रुपीज से लेकिन नीचे सेक्शन ट्वेंटी एट के रेफरेंस अगर आप देखते हैं फॉर डिटर्मनिंग डिडक्शन एन अकाउंट ऑफ लीज रेंटल्स जर ट्रांसपोर्ट वील नॉट प्लाइन स्टडीज में गौर किया था या नहीं किया था तो फर्क आ गया डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट से और उसी एसेट की जब लीस रेंटल एक्सपेंस की बात करें तो टू पॉइंट फाइव मिलियन तो करेंगे क्या इसकी पूरी हिस्ट्री ये है कि पहले ये पांच लाख था दोनों जगहों पे, फिर दस लाख हुआ दोनों जगहों पे, फिर पंद्रह लाख हुआ फिर बीस लाख हुआ फिर पच्चीस लाख हुआ और अब गुजशत साल बजट में ये एक जगह पे पचहत्तर लाख हो गया और दूसरी जगह पे पच्चीस लाख करेंगे क्या है हाँ एग्जाम में आपने जब एक्सपेंस के तौर पे लेना तो है तो 2.5 ही लेना है प्रैक्टिस में अगर करना है तो 7.5 लेना देना है ठीक है क्योंकि लेजिस्लेचर जो है उसकी कंसेंट और उसका माइंड आपके सामने क्लियर है ये जब से इंसर्ट हुआ है पिछले 25 सालों से ये दोनों एक ही फिगर्स हैं और लॉजिकल भी क्या है कि अगर डेप्रिसिएशन आपको उतने की दे रहे हैं तो खर्चा उतने का क्यों नहीं दे रही ठीक है ना तो प्रैक्टिस के लिए आपने 7.5 लेना है लेकिन जब यहां बैठना है इम्तिहान में तो बेशक आप उसमें नोट पुट कर दें कि ये इतना होना चाहिए था लेकिन चूंकि एज सेक्शन 28 प्रोवाइड्स 2.5 मिलियन सो लीज रेंटल एक्सपेंस शेल नॉट एक्सीड टू पीस 2.5 मिलियन इफ इट्स कॉस्ट इज मोर देन दिस पर्टिकुलर अप्लाई फॉर डिटर्मनिंग एंड डिस्पोजल कंस्ट्रेशन वो क्या है इसी लीज एस को उसकी कॉस्ट कैसे डिटर्मन करनी है वो अभी हमने देखा और फिर उसकी डिस्पोजल कंस कैसे करनी है ये इसमें देखते हैं। अब डिस्पोजल कंस्टेशन जो है लीज के एग्रीमेंट्स तो आप जानते हैं ना दो किसम के होते हैं एक तो यह कि वो टर्मिनेट होता है अनमेचोरिटी और दूसरा टर्मिनेशन प्री मेच्योर टर्मिनेशन जिसे कहते हैं ड्यूरिंग दर्म ये हो सकता है इसकी कंडीशन दी होती है अब दोनों में डिस्पोजल कंसेशन कितनी होगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी ठीक अच्छा इसमें ए लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द रेज़िडुअल वैल्यू एंड बार्गेन परचेज प्राइस अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन है तो बार्गेन जो है परचेज प्राइस उसमें दी हो। तो डिस्पोजल कंसेशन अन मेच्योरिटी दी रेजल वैल्यू रिसीव्ड बाई एलिजी कंपनी शेल बी दिस्पोजल कंसेशन ऑफ साथ आपने एक कंडीशन और भी पड़ी हुई है याद है कोई रेजिडल वैल्यू हाँ जी प्लस प्रिंसिपल पार्ट ऑफ याद आया कंपेरिजन ही प्राइमरीली इट इज द रेजिडल बट इस कंडीशन के साथ वैल्यू प्लस प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लीज रेंटल इज इक्वल टू आर मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दू दीज इ कम लीजिंग कंपनी के हां उनकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो एसेट लीज पे दी है उस कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए इन दोनों को मजबूर देन रेजिवल वैल्यू शैल बी टेकन एज डिस्पोजल कंसेशन इफ कॉस्ट इज मोर देन दिस तो जितनी ज्यादा है उतना रेजिटल वैल्यू में एड कर देंगे दिस विल बी कम डिस्पोजल कंसेशन क्लियर हो गया ठीक है तो ये जेन में रखना और प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ लीज जो है बारगेन परचेज प्राइस शेल बी डिस्पोजल कंस्ट्रक्शन ऑफ अब दूसरी तरफ इसकी कॉस्ट है जिसमें ने एक्वायर की द रेस्टल वैल्यू ऑफ द एसेट पेड Of of प्लस इंसिडेंटल अपने पेड फॉर डॉक्यूमेंटेशन लिए ऑफ टाइटल कंडीशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा उसने किया होगा उसमें ऐड हो जाएगा दिस विल बिकम कॉस्ट और दूसरी तरफ अगर है तो बार्गेन परचेज प्राइस और उसमें यही खर्चे ऐड कर ले तो लेतेम और लीज़िंग कंपनी में हर किस्म का इंस्टीट्यूशन शामिल है जी। गेन और लॉस किन सूरतों में रिकॉग्नाइज नहीं करना डिस्पोजल ऑफ सेक्शन सेवेंटी नाइन इफ डिस्पोजल इज बिटवीन स्पाउस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट लेकिन उसके साथ आगे ये कहा हुआ है कि अगर ये एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के बगैर इलादा रह रहे हैं तो फिर ये वाली पुरवीन अप्लाई नहीं है ये एक्चुअल डाइवोर्स भी हो सकती है ये और जो जदी दुनिया में चल रहा है मॉडर्नाइज वर्ल्ड में के तलाक के बगैर ही दोनों इलादा हो जाते हैं परमानेंटली एज एन एग्रीमेंट ये दोनों इसमें <coughs> कवर्ड है देन रीजन डिस्पोजल इज बाई रीजन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एसिट ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में बेसिक फर्क क्या है ट्रांसफर इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन चेंज इन ओनरशिप ड्यू टू एग्रीमेंट और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं कि वैलट तब होता है जब उसकी कंस्टिट्यूशन मौजूद

तो सेक्शन बड़ी क्लियर है इसके हवाले से कि ये सिर्फ तीन किस्म की अगर डिस्पोजल हुई है तो उस पे नॉन रेजिडेंट का गेन और उस एसेट पे गेन और लास्ट नहीं करना अगर ये ट्रांसफर हुई है टू तो दी नॉन रेजिडेंट कंपलसरी एग्जीबीशन के थ्रू कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन और ऑन इट्स रेजोल्यूशन अच्छा ये मैं इन्हें गुजारिश करूंगा कि ये स्लाइड्स आपको शेयर कर दें ताकि आसानी रहे अच्छा अब अगर गेन और लॉस कंप्यूट नहीं करना तो उसके साथ कुछ और चीजें भी लागू हो जाती है ना क्योंकि तो मैंने कुछ देर पहले यह कहा कि कोई भी ऐसा कोना नहीं जिस पे किसी टैक्स पेयर को, को बेनिफिट मिल सकता हो वो कहीं ना कहीं जाके टैक्सेबल हो जाएगा तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर इस तरीके से हुआ तो इट शैल बी ट्रीटेड एट दर्सन अक्वायरिंग दूस सेम करेक्टर एज पर्सन डिस्पोजिंग इट ऑफ कि जिस बंदे के पास जिस किस्म का था अगर उसके पास कैपिटल एसेट है तो यहाँ कैपिटल एसेट आ जाएगा उसके पास बिजनेस बिजनेस एसेट एसेट है तो यहाँ होगा ठीक है जो करेक्टर उसका डिस्पोजल के वक्त जिसके पास था वो है वही करेक्टर इसका एक्वायर के पास आएगा एंड एट द सेम कॉस्ट ये उस वैल्यू पे आ रहा है जो वैल्यू पिछले के पास थी तभी गेन और लॉस कंप्यूट नहीं होगा ना गेन और लॉस के लिए तो हमने करना क्या होता है डिस्पोजल कंसेशन लेस कॉस्ट बल्कि कॉस्ट नहीं रिटर्न रिटर्न ऑन वैल्यू ये गेन और लॉस होगा ना अगर जो वैल्यू उसकी आ रही है डिस्पोजल के पास अगर उससे हट के कोई वैल्यू होगी तो क्या होगा गेन और निकालना पड़ेगा तो उसके हां जो जिस वैल्यू पे वैसेट आ रहा होगा उसी वैल्यू पे डिस्पोज समझा जाएगा और यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी एक्वायरिंग दिस एसेट ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट्स इसमें बुनियादी चीज क्या है कि उनके यहां ब्रेक करनी आगे चले जी ये रिकॉर्डिंग जरा बंद करें पांच मिनट की ब्रेक कर दें <coughs> Gracias. No. No. Sei, tá <coughs> estre. <coughs> <coughs> <coughs>

अगली लाइन में आ जाए ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक आर्टिकल्स कहां के हैं अच्छा और आर्टिकल चल रहे हैं या चल रहे हैं? जी अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है जी अच्छा पुरानी बात पुरानी बात जी स्टार्ट कर दीजिए अच्छा ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट्स में जो मेन चीज देखने वाली है वो सिर्फ इतनी है कि जो उनके दरमियान ट्रांजेक्शन है वो फेयर वैल्यू पे होना चाहिए बस सिंपल सी कहानी इसमें इतनी कि जिसे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है अगर उसमें बगैर किसी कीमत के तय किए एक ने दूसरे को माल दे दिए या आ, रेट पे दे दिए तो उसमें ये बताया कि किस किस तरीके से करना है इसके लिए रिकरेक्टराइज करना है और प्रिंसिपल पे ये काम करना है <coughs> और उसमें सिर्फ एक ही चीज रखने वाली कि अगर ये आपस में एसोसिएट्स ना होते तो क्या करते ये अगर पॉइंट एक समझ आ जाता है बाकी सारी डेफिनेशन है ट्रांजैक्शंस uh, uh, क्या हैं और Uncontrollable transactions क्या है ठीक है तो ये इसमें असल है देखने वाली उसको आपने देख लेना और उसके साथ तीन हैं, फॉर्मूलाबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मैथड रीसेल प्राइस मैथड एंड कॉस्ट प्लस मैथड ये तीन हैं जो यूज होने हैं नॉर्मली ये मैथड्स नहीं पूछे जाते लेकिन आपको इसकी खबर होनी चाहिए <clears throat> प्राइस रीसेल प्राइस मेथड को जरा आप थोड़ा सा देख लें कि इसमें क्या चीजें कि ये कैसे डिटरमिन करते हैं कि रीसेल प्राइस लेस रीसेल ग्रॉस मार्जिन अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ द प्रोडक्ट जैसे कस्टम ड्यूटी और ये अगर लेस कर दें तो बाकी आपकी आर्म्स लेंथ रिजल्ट आ जाता बेसिक चीज वही है जिसे हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं या इनकम सेल टैक्स में ओपन मार्केट प्राइस कह रहे हैं यहां ट्रांजेक्शन कह रहे हैं <coughs> और ये नाइन uh, के थ्रू कमिश्नर को मौजूद है वो क्या कर सकता है ही में रिकेक्टराइज ए ट्रांजेक्शन और एनी एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजेक्शन डेट वॉज एंटर्ड इन टू एज पार्ट ऑफ द अब टैक्स अवॉइडेंस स्कीम प्राइमेली क्या है कि कोई सा भी ऐसा मेथड जिसके तवस्त से टैक्स लाइबिलिटी कम करना चाह रहे हैं या रिफंड बढ़ाना चाह रहे हैं दैट इज टैक्स अवॉइडेंस स्कीम तो अगर ये उसका हिस्सा है तो फिर ये रिकेक्टराइज कर सकता है देन डिस रिगार्ड ए ट्रांजेक्शन डेट डज नॉट इकोनॉमिक इफेक्ट रिकेक्टराइज ए ट्रांजेक्शन द फॉर्म ऑफ द दशन डज नॉट रिफ्लेक्ट दि सब्सटांस Disregard an entity or a corporate structure that does not have an economic or commercial substance, as or was created as part of the tax avoidance scheme, or treat a place of business in Pakistan as P <clears throat> transfer pricing method. अच्छा लिमिटेशन पीरियड <coughs> किसी भी कानून के तहत और किसी भी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेस के तहत जहां टाइम लिमिट दिया हुआ है उसको यह सेक्शन टू ट्वेंटी सिक्स रेगुलेट करती है फॉर अपील एंड अदर एप्लीकेशन अंडर इनकम टैक्स डे कंप्लेन ऑफ वास्प किस तारीख से आपने उस दिन को गिनना है किस तारीख से दिन गिना जिस तारीख को वो ऑर्डर सर्व किया गया The 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 time requisite for obtaining copy of the order if the taxpayer was not provided with a copy of the order when notice of the order was served. <coughs> जी तीस दिन के अंदर अपील करनी है या इस टाइम के अंदर ये काम करना है तो जब किस तारीख से उसको गिनना है जिस दिन वो ऑर्डर उसको सर्व सर्व किया किया गया गया जिस दिन नोटिस नोटिस उसको किया गया। और अगर नोटिस के साथ कॉपी ऑफ़ नहीं है जिसको करना है तो जितना टाइम लगता है उस कॉपी ऑफ़ ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी जैसे आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी पीरियड इफ एनी फॉर विच एनी प्रोसीडिंग फॉर दर सस्पेंडेडिंग ट्रिब्यूनल कोर्ट या वगैरह वगैरह जब तक वहां फैसला नहीं होता नेचुर आपने उसको आगे काउंट नहीं कर का। <coughs> <रपील और> <coughs> चाय पी के तो गला गड़बड़ कर बैठे <laughs> अच्छा इसकी आमतौर पर पढ़ने की जरूरत नहीं है जब भी कोई नया कानून आता है वो पुराने कानून को रिपील करने के लिए एक सेक्शन देता है या सेक्शन ऑफ लॉ देता है और पुराने कानून के तहत जो किए गए अकदाम है उनको प्रोटेक्शन देता है यहां इसकी जरूरत क्यों पड़ती रिपील तो बड़ी सिंपल कहानी है कि इनकम टैक्स ऑर्डेंस 2001 ने रिपील कर दिया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 को और किस तारीख से जिस तारीख से ये एप्लीकेबल हुआ और ये एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1st जुलाई 2001 ये तो कहानी थी अब सेविंग के हवाले से अगर आप देखें तो ये सेक्शन 239 एक लंबी आपको सेक्शन मिलेगी <स्थाथ> इसमें जो चीज देखने वाली है वो सिर्फ एक है कि जो तो उस वक्त के तहत ऑर्डर पास हुए वो ठीक है वो उसी कानून के ताबे होंगे जो उस पीरियड की असेसमेंट है वो उसी कानून के तहत होंगे लेकिन जितने भी एक्शंस हैं या ऑर्डर्स हैं या सर्कुलर्स हैं या एस आर ओस हैं वो किस कंडीशन के साथ आ, उन्हें सेव किया गया तहफुज दिया गया ये कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर अप्रूवल गिवन रिकॉग्निशन ग्रांटेड और खास और पे ये पॉइंट ई e जो है डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन नोटिस ऑर्डर और रूल इशूड इनकी सेविंग है लेकिन किन कंडीशंस के साथ ये कंडीशंस बहुत अहम कि अब रेफर्ड एक्शन अंडर द रिपीट ऑर्डिनेंस शेल कंटिन्यू इन फोर्स टू दब्जेक्ट टू कंडीशंस पहली कंडीशन क्या है इट वॉज इन फोर्स एट द टाइम वेन इट वॉज रिपील्ड कि जिस वक्त ये कानून खत्म हुआ था उस वक्त ये प्रोविजन ये डायरेक्शन uh, ये नोटिफिकेशन ये सर्कुलर वाकई एक्चुअली एप्लीकेबल था टू इट वॉज नॉट इनकिस विथ दॉरस्पॉन्डिंग प्रोवियंस ऑफ द इनकम टैक्स और एनी एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट एंटर टू अप्रूवल गिवन रिकोग्निशन ग्रांटेड डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन एक्सेट्रा अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो तीन चीजें बनती नंबर वन ये उस वक्त एग्जिस्ट करता था एंड इट इन इनफोर्स वो पर्टिकुलर एस आर ओ सर्कुलर खासतौर पर उनकी जरूरत पड़ती नंबर टू उसी किस्म की प्रोविजन नए कानून में भी मौजूद है और तीसरी चीज जो है कि इसको कैंसिल नहीं किया गया था ये तीन कंडीशंस अगर पूरी हो तो फिर जाके ये बात बनती है इसके हवाले से सिर्फ एक हम चीज लेके फिर वापस आते हैं इस पर टैक्स ऑन सैलरी पेबल बाई इंप्वायर ये वो जो अभी हमने पढ़ा कि पुराने कानून की प्रोवियंस नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वैलट कब होते हैं उसको सामने रखते हुए इसको देखें इसे हम टैक्स एंड टैक्स भी कहते हैं और अगर हम किताब में पढ़ें तो उसमें एक सर्कुलर थर्टी फोर ये पॉइंट डॉट अगर थ्री देखें सर्कुलर थर्टी फोर ऑफ नाइनटीन फोर्टी उसका रेफरेंस देखे तो दिया हुआ कि कितने स्टेप्स तक आपने जाना है और कैसे उसका टैक्स कैलकुलेट करके सैली में ऐड करना है बुनियादी तौर तो पे प्रोविजन क्या है <coughs> कि सैलरी इनकम ऑफ द इंप्लॉय शेल बी इंक्रीज अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय बाई दॉयर ने जितना टैक्स पे किया उतने से उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी सेक्शन बारह की सब सेक्शन थ्री आपने उसे ग्रॉसअप नहीं करना Tax paid by the shall be एक तरफ इनकम है, तो है और जो तीन चार पांच स्टेप्स तक उसको एड कर रहे हैं ये, 1940, इसकी रीजन क्या है पढ़ा सेक्शन टू थर्टी नाइन उसके मुताबिक क्या है ये उस वक्त एग्जिस्ट करता था जिस वक्त ये कानून आया इन्फोर्स था उसी किस्म की पूर्वीन नए कानून में भी है और उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन या सर्कुलर को बाजा तौर पे कैंसिल नहीं किया गया तब वो एप्लीकेबल हो अब 1940 का जो सर्कुलर इशू हुआ था इट वाज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922 ट्वेंटी टू विच वॉज रिप्लेस बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू जब 1979 के कानून में आया इस, इसके बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन आपको मेरी किताब में मिल जाएगी यहां आपको जो चीज समझने वाली है वो सिर्फ इतनी है कि जिस वक्त 1979 का कानून आया उस वक्त 1922 के कानून वाली पुरवियन इस कानून ने अडॉप्ट नहीं की उसमें तो एग्जिस्ट करती थी जिसके तहत सर्कुलर इशू लेकिन जिस 79 में है, तो उसमें टैक्स टैक्स एंड नाम की कोई चीज़ नहीं करती। उसके बाद जब 79 वाला 2001 में खत्म होता है, तो उस कानून में कोई नहीं करती थी अब सेक्शन टू थर्टी नाइन देखें तो उसमें रिपील्ड का जिक्र किया और इनकम टैक्स ऑर्डिनेस तो 79 की ऑर्डिनेंस में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और फिर इसमें जब ट्वेल्व थ्री जिसमें आती है तो उसमें बड़ा वाजे लिखा हुआ कि सैलरी इनकम ऑफ द इंप्लाई शेल बी इंक्रीज द द्लॉयर इसका मतलब ये है कि वो सर्कुलर जो तीन स्टेजेस पे था वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं दूसरे उस वक्त के जो रेट्स थे वो डिफरेंट थे उस पे वो फार्मूला लग सकता था अब जो आपके रेट्स हैं उस पे वो फार्मूला नहीं लग सकता आपकी स्लैब रेट्स हैं डिफरेंट हैं उस पे अगर वो लगाना भी चाहे तो नहीं लग सकता सो so, सिंपल सी कहानी कि जो आपको सैलरी दी हुई है अगर आप इसकी ट्वेल्थ uh, थ्री uh, की वर्डिंग पढ़ें तो उसमें बड़ा सिंपल लिखा हुआ है कि शैल बी ग्रॉस अप

ये खास चीज थी उसके हवाले से ठीक है जी ये ये जेन में रखना अच्छा सैली में बेसिक उसकी डेफिनेशन जो मैंने नचोड़ निकाला है वो ये है इट इज बेनिफिट टू द इंप्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। किसी भी किस्म का बेनिफिट उसको मिल रहा है अगर आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं उसकी वैल्यू कर सकते हैं तो डेट इज पार्ट ऑफ द सेल सवाए उनके जो वाजे तौर पे एग्जैम्ड किए गए हैं नंबर फिर टैक्सेबल ऑन रिसीट पेसिस इसका मतलब यह कि टैक्स पीरियड में अगर आपने कोई एरियस वसूल कर लिए हैं या कोई एडवांस सैलरी वसूल कर ली तो डेट इज नॉर्मली टैक्सेबल इन दर ऑफ रसीट लेकिन एक्सेप्शन क्या है इन इसमें ऑप्शन दिया गया है टू कि वो अगर चाहे तो इसको उसकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी टैक्स ऑन दीवल बेसिस तो ये उसको ऑप्शन दिया गया है वो चाहे तो इसको एक्सरसाइज कर सकता है दूसरा ए प्राइवेट कंपनी और जान बोझ सैली डेफर की गई है ताकि टैक्स अवॉइडेंस स्कीम का हिस्सा बन सके तो इस सूरत में उसके पास इख्तियार है आप उसे अप्रूवल बेस पे कर सकते हैं बाकी तमाम केसेज में इट इज टैक्स ऑन बेसिस अच्छा रिडक्शन अलाउंस मैंने एक दो तो जगहों पे ये पढ़ा है इसमें जो अंडरलाइन एक वर्ड अवेलेबल टू पर्सन कानून में ये लिखा हुआ है कि कब हम समझेंगे कि उसने बेनिफिट अवेल कर लिया है कब हम समझेंगे कि उसकी इनकम होगी बेनिफिट पक अर्धी सैलरी

मेड अवेलेबल टू दर्सन ऐसा नहीं है मेड <coughs> अवेलेबल का मतलब क्या है कि आपने जैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है जो पैसे वो ले सकता है जिस वक्त चाहे वो ले ले दिस इज दस ऑफ मेकिंग दिट पर्कज इट अवेलेबल फॉर दैट पर्पन पर्सन तो अगर लेसर अमाउंट पे वो एग्री करके ले रहे हैं तो डेट इज इस तो इसमें इस, इस किस्म की चीज नहीं फैसिलिटी बड़ी सिंपल सी कहानी है लेकिन इसमें जो चीज देखने वाली है जी ये आपके पास होगा जी सर एक साइड पे वो कह रहे हैं कि जो एक्चुअली वो रिसीव करेगा हाँ। अमाउंट

उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जैसा कि अब होता है तो जब चाहे उसको अवेल कर सकता है दिस मेड अवेलेबल। लेकिन सर उस टाइम मिले से, से हाँ तो ही इसकी चंद लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन किया किताबों में मौजूद है मैं उसी को दूर कर रहा हूं कि वो नहीं है एक्चुअली जो उसने रिसीव की अच्छा इसी से एक डिबेट और निकली है जो पिछले दिनों जब ये मसला पड़ा हुआ था कि ये जो तोशा खाने के हैं इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा सैलरी की डेफिनेशन में पड़ा एनी बेनिफिट टू द्लॉय फ्रॉम दॉर उसमें आपने एक चीज और भी पढ़ी थी वो ये है कि अगर कोई बेनिफिट पर्कज एसेट सर्विसेज उससे प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट आर एट ए लेसर प्राइस फेर मार्केट वैल्यू लेस प्राइस पेड इज टेकन एज पार्ट ऑफ दलिंग अब इंप्लॉय की डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस तो जोन से भी <coughs> सरकारी मुलाजमीन यानी कि उसमें कैबिनेट भी शामिल है और बाकी मुलाजमन भी शामिल हैं अगर उनको गिफ्ट मिलता है और वो उन्होंने सेंडर करना है टू द्लॉयर डेट इज द गवर्नमेंट और वो उन्हें फेयर मार्केट वैल्यू की बजाय लेसर अमाउंट पे एज पर लॉ उनको दे देती <coughs> तो उन्हें एक बेनिफिट हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गिफ्ट एंड द प्राइस पे टू द गवर्नमेंट कैन इट बी टैक्स्ड एज ए सैलरी इनकम और नॉट शुड बी टैक्स एज एज बेनिफिट ठीक है तो इसमें एक इशू ये है ये चूंकि आप लोगों ने प्रोफेशनल लेवल पे ये ओपिनियंस देनी है बहुत कम लोगों ने इसको डिस्कस किया होगा बल्कि नॉर्मली इस तरफ ध्यान भी नहीं किया तो इट कैन बी ए पार्ट ऑफ ठीक है? चाहे वो आज के हैं या माजी के लोग हैं और फिर इट मे बी टैक्स अवॉइडेंस इफ दे हैव नॉट पेड टैक्स ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट लेकिन ये इम्तिहान की चीजें नहीं है ये प्रैक्टिकल दुनिया की <clears throat> अच्छा कन्वींस फैसिलिटी में जो चीज जेन में रखने वाली बेसिकली अगर कन्वींस प्रोवाइड की है फॉर पिक एंड ड्रॉप इट इज नॉट ए बेनिफिट टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर सो नथिंग विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द इम्प्लॉय पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के हवाले से कोई चीज ऐड नहीं करनी ये बेसिकली एम्प्लॉयर का बेनिफिट आप यहां जानते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो शहर से बाहर हैं अब नॉर्मली एक अच्छा एम्प्लॉ जो है वो जाने को तैयार नहीं होगा अगर रोज उसने 40 मील एक तरफ जाना और वापस आना गाड़ी चला के जाएगा वो नहीं जाएगा तो ये प्रोवाइड करते हैं सो पिक एंड ड्रॉप इज नॉट ए बेनिफिट टू द द्लॉ सो नथिंग विल बी एडिट ऑन अकाउंट ऑफ दिक एंड ड्रॉप देन ये जो वैल्यू है इट इज फॉर द होल ईयर वो जो लामे दी हुई कि फाइव परसेंट या टेन परसेंट इट इज फॉर द होल ईयर

अगर उसे रेंटेड गाड़ी लेके दी हुई है और उस पे वो यानी यह, कि इन ऑफ प्रोवाइडिंग देयर ओन व्हीकल तो व्हाट सो एवर इज इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन दैट पर्टिकुलर कन्वींस दैट इज पार्ट ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द इंप्ला चीज है एक उसे रेंट पे गाड़ी लेके दे दी तो उस पे जो रेंटल पे किए वो सारी उसकी इनकम ऐड हो जाएंगी तो ये चार चीजें हैं जो आपने इसमें खास तौर पे जरूर अब एक इश्यू है डेली अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस अगर आप सेक्शन बारह की टू सी देखते हैं उसमें एक टर्म ये इस्तेमाल की गई होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर ऑफ़ बिज़नेस डेली अलाउंस को सेग्रीगेट आपने करना है और ये क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल विजिट के लिए ही इंप्लॉय को पे किया जाता है इसलिए नथिंग विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द इंप्लॉय लेकिन ट्रेवलिंग अलाउंस इसके अब तीन डिफरेंट मोड्स हैं और उसका डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट होगा पेड इन मंथली सैलरी ऑन द फिक्स्ड बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी अब इस वक्त कोई सा भी अलाउंस विच इज पेड एज फिक्स्ड अमाउंट पार्ट ऑफ द सैलरी और परसेंटेज ऑफ द सैलरी इफ इट इज पेड विद द सैलरी बिल इट इज टैक्सेबल टोटली टैक्सेबल हाँ, अगर उसमें ये साबित कर सकें इसमें से इतना फॉर द सेक ऑफ द्लॉयर इस्तेमाल हुआ था उतने की आपकी छूट हो सकती है बाकी सारे का सारा इट बी टेकन एज पार्ट ऑफ सैलरी दूसरा पेड अदरवाइज देन एज पार्ट ऑफ द मंथली सैलरी और ये बहुत सारी कंपनीज कर रही है कि सैलरी बिल की बजाय बजायदा से यानी कि उन्होंने तय किया कि इतने पैसे इसे कन्वेंस के देने हैं लेकिन वो इलादा से वो पे उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ स्पेंट होली एक्सक्लूसिवलीफ दी एग्जाम बेसिस पे उसको पे हो रहा है टैक्सेबल क्योंकि डेफिनेशन अब इसमें शामिल करने की सेक्शन बारह में कि ये जो इस तरीके से अलाउंस होते हैं वो दो हजार नीट एज इनकट फॉर द बिजनेस लेकिन अगर एविडेंस उसका मौजूद हो तो उसके साथ ये वाला सेकंड वाला तरीका किया जा सकता है कि अगर सैलरी के साथ नहीं मिला जो उसके साथ अलाउंस का ट्रीटमेंट है, वो ही उसके साथ भी हो सकता है नो बेनिफिट ऑफ दीबर्समेंट है, no employer, है न, खर्चे हो चुके एंड फॉर दी इंप्लॉयर हुआ सो नथिंग विल बी टैक्सेड लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री तो मैच मार्क रेट से आपने करना और इसमें लिमिट आपको पता है कि वन मिलियन अच्छा मसला इसमें कहा आएगा जहां एट द लोन अमाउंट इज मोर देन वन मिलियन और रीपेमेंट हो रही है तो ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड इट बिकम्स लेस देन वन मिलियन वहां फटा आएगा बाकी तो सीधा सीधा है ना जी एक और चीज जो इसमें फटा आ सकती है वो ये है कि नॉर्मली लोन इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट और बेंच मार्क रेट इज टेन परसेंट पर एन तो वहां कितने पैसे उसकी इनकम में ऐड करने ये जरा कैलकुलेशन थोड़ी सी आ, मुश्किल हो जाती है आपने फर्मूले पड़े हुए हैं कि किस तरीके से आपने उसकी एजिंग करनी है और कैसे आपने करना है ना हो तो सीधा सीधा इतना इतने महीने के लिए और इतना इतने के लिए उसके साथ कर सकते हैं आप सो so, जेन में रखना है नंबर टू अगर तो सारा साल सेम फिगर है फिर तो मसले ही कोई नहीं लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो आ, हर महीने उसमें से रीपे हो रहा होता है जब वन मिलियन तक पहुंच जाए उसके बाद आपने मार्कअप इस पर चार्ज नहीं कर ठीक है वन मिलियन से एक्सीड कर रहा है तो ये चार्ज करना है और टेन परसेंट पर एन के हिसाब से चार्ज करना और फिर ये देखने के एक्चुअली अगर तो मार्कअप फ्री है तो कोई चीज ऐड नहीं आ, सारी, सारा कुछ ऐड होगा अगर ये इंटरेस्ट बियरिंग है लेकिन लेस देन बेंच मार्क है तो बेंच मार्क के हिसाब से जितने बनते हैं उनमें से माइनस कर देंगे जितना एक्चुअली पे किए डिफरेंस इज एडिट एंड इफ इट इज मोर देन बेंच मार्क रेट तो नथिंग विल बी एडिट एज there is no benefit to the employee from this particular transaction. <coughs> employee share scheme में जो चीजें note करने वाली हैं वो क्या है कि <coughs> value of right or option ये आपको पता है कि ये marketable item है जब तक आप इसे exercise नहीं कर सकते जो ड्यू डेट है उससे पहले पहले इसे मार्केट में बेचा जा सके तो उसकी एक वैल्यू होती है बट इट्स वैल्यू इन इट्स इज नॉट taxable. इसका मतलब क्या है कि जब तक आप उसको बेचते नहीं इसके हवाले से कोई बेनिफिट इंप्लाई को नहीं मिला और इंप्लाई को नहीं मिला तो कोई चीज भी उसकी इनकम में ऐड नहीं करें अगर वो इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं अच्छा अगर इसको बेच देते तो जितने में बेचा लेस एनी प्राइस नॉर्मली नहीं होती फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है एनी प्राइस पेड बाई बाई दर फॉर दिस ऑप्शन लेटर वो माइनस कर देंगे बाकी उसकी सैली इनकम अगर उसको एक्सरसाइज कर लेता और शेयर परचेज कर लेता है, तो उसे <coughs> और एक्चुअली कितने में खरीदा है उसमें अगर राइट right की कोई प्राइस है और शेयर की जो कुछ पे किया वो माइनस कर देट इज दिस इज एडेड इन द इनकम ऑफ द्लॉय और इसकी हम कॉस्ट ऑफ द शेयर एक पैसा उसने पे किया दूसरा उसकी इनकम में सैलरी इनकम में एड हो गया उसकी इनकम आई ना एक्चुअली तो उसने वसूल नहीं किया तो इन दोनों को ऐड कर लें तो दिस विल बिकम कॉस्ट ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड थ्रू शेयर की इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट द टाइम व्हेन द एसेट व्हेन इट इज परचेस्ड की अच्छा इस में एक चीज़ और में रखने वाली है अगर आपने कॉपर लाभ है तो उसमें ये परमिशन जब लेते हैं फ्रॉम दी सी तो उसमें कंडीशन होती है कि ये इंप्लाई एक सर्टन मुद्दत तक इनको बेच नहीं सकेगा तो जब तक फ्री राइट टू टू सेल दी शेयर्स उसके पास अवेलेबल नहीं है उस वक्त तक देर इज नो बेनिफिट टू द इंप्लाई तो ये फिर फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ द इशू की बजाय फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन दी फ्री राइट टू एक्वायर द शेयर ये उसको मिलता है उस तारीख की नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में <coughs> इसमें लैंड आरे बिल्डिंग शामिल जो पुराना कानून था उसमें लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड वो वाली विच इज टू तो डेट पर्टिकुलर बिल्डिंग वो शामिल इस कानून में लैंड और बिल्डिंग दोनों इलादा -इलादा से प्रॉपर्टी है और इसको अगर रेंट पे दिया है तो इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये जो ब्रशत थ्री है इसमें क्या लिखते हैं कि ओनरशिप ऑफ दी लैंड और बिल्डिंग हैज ए डायरेक्ट नेक्सेस विद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसका मतलब यह है कि सिर्फ उस बंदे की ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी हु इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग अगर कोई ऐसा शख्स है इज नॉट ओनर ऑफ द बिल्डिंग अगर वो किराए पे देता है तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस तो हो सकती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो हो सकती है लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं फिर फेयर मार्केट रेंट ये लिया जाता है और ये फेयर रेंट क्या है कि जिसपे रीजनेबली आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये किराए पे चढ़ेगी तो एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट विच एवर हायर बी टेकन एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स फिर इसमें भी जो मार्केट रेंट है वो नॉर्मली सारे साल का दिया होता है तो जितनी मुद्दत के लिए इसे किराए पे चढ़ाया था उतनी मुद्दत के लिए ही होगा ठीक है तो फेम आकिडेंट और एक्चुरेंट ये कंपैरिजन करने सेल्फ हायरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ये कंसेप्ट तो पता है ये कंसेप्ट समझाने की जरूरत तो नहीं है क्यों जी मुझे लगता है कि शायद आप इस पे क्लियर नहीं है सेल्फ हायरिंग <coughs> <-hiring> क्या है <coughs> बुनियादी तौर पे अगर किसी बंदे के पास या उसके स्पाउस के पास घर मौजूद है वो अपने एम्प्लॉयर को वो घर दे देता है रेंट पे और एम्प्लॉयर उसे वही घर एज रेंट फ्री अकोमोडेशन के तौर पे प्रोवाइड कर है। दिस इज टॉम्ड एज सेल्फ हायरिंग ऑफ ए पॉवर्टी ठीक है अब इसमें दो चीजें एक तरफ तो उसे बेनिफिट मिला है फ्रॉम रेंट फ्री अकोमोडेशन का वो टैक्सेबल वैसे ही होगा जैसे आपने सैलरी में देखा होगा दूसरी तरफ पर्सन आर पाउस इज रिसीविंग रेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग तो दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अब जब अकोमोडेशन की करते हैं तो वहां भी हमने ये पढ़ा हुआ कि फेमा की रेंट बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर सैलबरी तो ये जो सेक्शन पंद्रह पांच और एफ बी आर का इट इज सैलरी इनकम फेयर मार्किट रेंट शैल बी कंसिडर्ड वाइल वैल्यू जब तो इम्प्लॉय तो की एस इनकम आप देख रहे होंगे तो उसमें आपने फेय मार्केटेंट को देखना है लेकिन जब बिल्डिंग की बात कर रहे होंगे

सैलरी में भी जब अकोमोडेशन uh, प्रोवाइड की जाती है बाई द इंप्लॉयर तो उसमें भी यही है कि जी फेयर मार्केट रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी आर ऑफ द या बेसिक सैलरी एवर इज हायर तो अगर ये सेल्फ हायरिंग का केस है तो जब सैलरी इनकम कर रहे होंगे तो वहां फेयर मार्केट रेंट का कंपेरिजन करना है लेकिन जब उसी बिल्डिंग की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देख रहे होंगे तो एक्चुअल रेंट रिसीव बी टेकन एज उसमें फेयर मार्केट रेंट का कंपेरिजन नहीं कर क्लियर हो गया अब रेंट अगर आप देखते हैं सेक्शन पंद्रह का सब सेक्शन वन रेंट रिसीव आर रिसीवेबल ये लफज लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे यह समझते हैं कि यह कैश बेसिस पे भी हो सकता है अक्रोल बेसिस पे भी हो सकता है लेकिन आ, ये कैश बेसिस पे नहीं होगा सर्कुलर सेवन ऑफ टू थाउजेंड थ्री जो है उसने बड़ा कैटेगोरिकली किया हुआ है और उसमें क्या कहते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एडवांस रिसीट वुड बी चार्ज टू टैक्स इन टैक्स ईयर टू विच द इनकम परटेन्स आखिरी फिक्र वाजे तौर पे लिखा हो कि जिस पीरियड से वो पटेन करता होगा उसकी बेस पे आप उसे इनकम ऐड करेंगे इसका मतलब क्या होगा अक्रोल बेसिस सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टैक्स ऑन रसीड बेसिस इट शैल बी टैक्स ऑन अक्रोल बेसिस अब इससे फटा एक आता है सेक्शन एक सौ पचपन उसमें क्या है कि जब आपने एडवांस रेंट वसूल कर लिया सेक्शन 155 ये यह कहती है कि आपने उस पर टैक्स एट सोर्स काटना है जब एक्चुअल पे कर रहे होंगे सो <ख्थ> so अगर एडवांस आपने रिसीव कर लिया तो ऐसी सूरत में टैक्स एट सोर्स तो कटा होगा पूरी अमाउंट पे जो एडवांस इवन उसमें ये जो एडवांस रिसीव किया हुआ है वो भी शामिल है यानी कि रेंट के साथ अगर एडवांस है या एडवांस रेंट भी है वो सारा कुछ जितनी पेमेंट कर रहा होगा उस सेक्शन फाइव उसने टैक्स सोर्स काटना है पर्सन मेकिंग पेमेंट और वो भी आपको पता कि प्रेस्क्राइब पर्सन है सारे के सारे लोग वो नहीं कर सकते अब इनकम उसकी होगी ऑन अक्रोल बेसिस ये जो टैक्स कटा है इसका क्या करेगी फर्स करेंगे तीन सालों का एडवांस टैक्स उसने एडवांस रेंट पे कर दी अब तीन सालों का एक ही साल में जब उसने पेमेंट की होगी तो टैक्स एड सोर्स कट चुका होगा इसका क्या करें दिस इज द्वेश्चन जी <coughs> <coughs> इनकम ऑन एक टैक्स एक्चुअल पेमेंट बेसिस करना ये है बड़ी सिंपल कहानी कानून ये कहता है कि जिस टैक्स पीरियड में आपने टैक्स एट सोर्स काटा था उसका क्रेडिट उसी टैक्स पीरियड में लेना है <coughs> सो कम या ज्यादा जितना भी था आपने उसी में ले लिया अगर ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होती जो कुछ अर्सा पहले थी तो फिर इसका ट्रीटमेंट कुछ और होता आज बड़ी सिंपल कहानी है इनकम आपने उसी पैटर्न पे लेनी है जो उस पीरियड से पटेन करती जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसमें से ये जो टैक्सोर्स कटाता है एडजस्ट करने के बाद जो पेबल है या रिफंडेबल है वो क्लेम कर लेना है सो so, इसका उस तरीके से टैक्स लाइबिलिटी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं क्लियर हो गया <coughs> कौन कौन से रेंट्स हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे बिल्डिंग लेट आउट टुगेदर विद प्लांट एंड मशीन। इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एग्रीकल्चर बिल्डिंग एग्जाम फ्रॉम टैक्स प्रॉपर्टी नॉट ओन्ड बाय द लैंडर jointly owned property by persons if respective share of the joint owners are not definite and ascertainable and the property is used by the joint owners in the business of renting out of the land and building in this case income will be income from business and not income from अगर उस एओपी का या जाइंट ओनर्स का बुनियादी काम ही किराए पे देना है बिल्डिंग्स बना के या लेके तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं रेंट इंक्लूसिव ऑफ यूटिलिटीज आमतौर पे हॉस्टल्स में या बड़ी बिल्डिंग्स में ये चीज होती है तो उसमें क्या है कि यूटिलिटीज में सारा कुछ शामिल है जिसमें गैस <coughs> पानी बिजली भी है जेनिटोरियल uh, सर्विसेज है सिक्योरिटी है लिफ्ट है ये जो uh, बड़ी बिल्डिंग्स है उसमें जो भी मुश्तर खाता है और अगर आप उनके एग्रीमेंट देखें तो आपको uh, दो किस्म की चीजें मिलती हैं एक तो रेंट की है फिर अगर कोई बंदा ओनर भी है तो एक तयशुदा रेट के हिसाब से पर स्कोर फिट नॉर्मली उन्होंने तय किया होता है उसके हिसाब से हर महीने उसकी मैनेजमेंट एक बिल उनको देती है जो इन तमाम सर्विसेज के लिए अगर तो रेंट और यूटिलिटीज के पैसे अलग-अलग सेग्रीगेटेबल हैं तो फिर रेंट प्रॉपर्टी में चला जाएगा और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा और अगर ये सेग्रीगेटेबल नहीं है तो जो पैसे पे किए हैं फॉर प्रोवाइडिंग दीज यूटिलिटीज वो माइनस कर दें और बाकी सारा रेंट समझ के उसमें आ जाए बिल्डिंग ऑन लीस्ट लैंड ये भी एक सर्कुलर है अब ये सर्कुलर 1959 का पहले हमने डिस्कस किया था 1940 वाला तो नेचुरली ये भी इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत इशू हुआ था क्या वो आज वैलिड है यानी उन्हीं कंडीशंस के साथ अगर वो अगले कानून में प्रोविजन मौजूद थी उसी किस्म की प्रोविजन थी ये एट द टाइम ऑफ रिपीलमेंट मौजूद थी और इसको खत्म नहीं किया गया तो वो एप्लीकेबल होगी सेवेंटी तो नाइन के ऑर्डिनेंस में भी ये चीज मौजूद थी और टू थाउजेंड वन में भी है इसलिए ये सर्कुलर वैलिड होगा जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करते <coughs> तो लैंड पे अगर है तो ओनर ऑफ द लैंड रेंट आर लीज अमाउंट रिसीवेबल फॉर लेटिंग आउट दैंड शेल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अमाउंट ऑफ द रेंट रिसीवेबल फॉर द टैक्स ईयर फॉर लेटिंग आउट द बिल्डिंग शेल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनर ऑफ द बिल्डिंग क्योंकि ओनर ऑफ द बिल्डिंग है लेकिन उसे खर्चे के तौर पे जो उसने लीज पे अमाउंट पे की थी वो खर्चे के तौर पे उसे में जो चीज़ देखने वाली है, एक मैंने बोल्ड करेक्टर में लिखे बिल्डिंग इसकी जरूरत क्या सिर्फ दो चीजों के हवाले से एक इंश्योरेंस और दूसरा रिपेयर अलाउंस ये बिल्डिंग के हवाले से होगा तो मिलेगा दो जगह पे आपको ये नजर आ रहा है ठीक है ना पॉइंट वन एंड टू सो अगर बिल्डिंग क्योंकि आरसीटी में ओपन प्लॉट भी शामिल है लैंड भी शामिल लैंड और बिल्डिंग है ठीक है तो ऐसी सूरत में बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर बिल्डिंग किराए पे दी है तो ये वन फिफ्थ माइनस करना है नहीं तो नहीं करना है फ्रॉम आर इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो सिर्फ बिल्डिंग के हवाले से है लैंड के हवाले से इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल एज डिडक्शन तो ये और फिर किसी भी किस्म का टैक्स अच्छा ये रिपेयर अलाउंस के बारे में ये ये कह रहे हैं कि ये किसी भी किस्म की और डिडक्शन करने से पहले करना है इसको सबसे पहली डिडक्शन ये होनी चाहिए किसी भी किस्म का टैक्स इफ इट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग Not income tax. Income tax को छोड़ते हुए बाकी सारे के सारे ओनर लेकिन आप ये जानते हैं कि जो भी टैक्सेज प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वो पे करेगी अगर उसने पे करना है लीगली इट इज दर्डन ऑफ दिच इज बी पेड बाई द्या इसका कि टेनेंट हैज पेड सर्टन अमाउंट टू दी ओनर एज रेंट एंड सर्टन अमाउंट टू गवर्नमेंट दिगेशन ऑफ ओनर एज एज टैक्स तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे देन इट विल बिकम सो एनी ऑब्लीगेशन ऑफ दी ओनर विच इज बीइंग पेड बाय टेनेंट इज पार्ट ऑफ द रेंट चार्जेबल टैक्स इसका इंपैक्ट कहां पे होगा नीचे ये खर्चे के तौर पे भी अवेलेबल है तो अगर आपने दस रुपए ऊपर ऐड कर दिया दस नीचे माइनस कर दिया तो इंपैक्ट क्या होगा इसका इंपैक्ट है ये जो पहला पॉइंट है रिपेयर ऑफ़ दी तो RCT बढ़ गई रिपेयर का खर्चा बढ़ गया तो इतना उसको employee, ओ, इतना उस ओनर को बेनिफिट हो जाएगा ग्राउंड एंड एनी प्रॉफिट ऑन एनी मनी बारोट किसी किस्म की बोरिंग की थी फॉर फॉर देक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट इज अलाउड एज डिडक्शन यानी कि किसी भी किस्म की किसी को भी किसी भी नाम से इसमें इंटरेस्ट मार्कअप वगैरह वगैरह तो शामिल है ही फिर अगर आप देखें तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर इन रेंट का नाम दे रहा होता है बाद शेयर इन एप्रिसिएशन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट कर रहे होते ये सारे नाम डिफरेंट है एक्चुअल चीज ये है कि बारोड कैपिटल था उस उसपे तयशुदा रेट के हिसाब से पैसे उसने पे करने हैं दिस विल बी अलाउड एज डिडक्शन इफ इट रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग लेकिन ये एक पॉइंट जो है पॉइंट नंबर सेवन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट पेड चार्ज इफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज और अदर कैपिटल चार्ज मैंने जब पहली दफा किताब लिखना शुरू की <coughs> तो उसमें ये जब चीज आई तो मेरा इलम जरा महदूद तो मैंने दुनिया में मॉटगेजिस की टाइप्स तलाश करना शुरू की को 20 22 टाइप्स तक में पहुंच गया <coughs> लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं मॉटगेज आप जानते हैं इट इज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन नॉट ऑन दिक्योरिटी तो मुझे दुनिया में कोई एक भी टाइप नजर न आई विच इज इन विच द इंटरेस्ट इज पेड ऑन द मॉर्गेज इट इज पेड ऑन द लोन विच इज सिक्योर्ड बाय ए मॉर्गेज तो मेरे जेन में ये है कि जब इंटरेस्ट पे ही नहीं की ऑन द मॉर्गेज तो इट कैन नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फिर टैक्स वालों से बहुत सारे लोगों से किया तो पता ये चला कि फर्क ऊपर वाले और इसमें ये है ऊपर वाले में ये था कि डैट लोन वाज यूज्ड फॉर सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रमेसिस प्रॉपर्टी देन इट इज अलाउड एज अलाउडक्शन लेकिन इफ इट इज अगेंस्ट ए मॉर्डगेज देन दूस ऑफ द प्रॉपर्टी आर इंटरेस्ट जिस पे पे कर रहे हैं फर्ज करें कि एक शख्स ने अपने बच्चों की शादियों के लिए लोन लिया और प्रॉपर्टी मॉर्डगेज कर दी तो उसका इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ एस सच कोई ताल्लुक नहीं है उस लोन का भी कोई ताल्लुक नहीं।, तो नहीं है लेकिन इफ द प्रॉपर्टी देन दिस अमाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन बाई कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो ये जरा लीगल एक्सपेंसिस डिफेंडिंग दाइटल और एनी अदर सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी एनी अदर सूट नॉर्मली टाइटल को हम देख रहे होते तो किसी भी किस्म का और सूट जो इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है उसके हवाले से और एनी अदर एक्सपेंडिचर इन दी रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्शन चार्जेस लेकिन इसके साथ कैपिंग कर 4%. दी गई है फोर परसेंट आप मतलब एक्चुअल खर्चे होने चाहिए लेकिन चार परसेंट से ज्यादा नहीं होंगे <clears throat> सिंपल सी कहानी है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है किसी और के तहत नहीं होंगे और ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी वन बिजनेस में वो जो ट्वेंटी वन में इन एडमिजिबल चीजें हैं जैसे पे टू दी पार्टनर टैक्स काटना था नहीं काटा वगैरह 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 तो वो कहते हैं कि अगर इन डिडक्शन पे भी वो सेक्शन ट्वेंटी अप्लाई होगी <coughs> अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस यहां भी जरूरत पड़ेगी ठीक है अगर प्रॉपर्टी कुछ आपने यूज की है ऑफ़ बिज़नेस और कुछ यूज किया है, तो है उसी रूल की बेस पे जो आपने पहले पढ़ा हो टैक्स विद होल्डिंग इसकी बेसिक चीज हमने डिस्कस कर ली कि टैक्स विद होल्ड होना है पेमेंट और जो इनकम है वो दूसरे तरीके से क्या होना चाहिए हमें देख ली बिजनेस इनकम में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन आर डीम टू हैव बीन कैरिड ऑन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन जैसे यहाँ आपको कुछ किताबें मिलती हैं जो आप खरीदते तो नेचुरली सब्सिडाइज होने के बावजूद

और इनसे रिलेटेड कोई सा भी बेनिफिट है वो इसमें शामिल है अच्छा इस बेनिफिट में ये एक सर्कुलर ट्वेंटी नाइन ऑफ टू थाउजेंड ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है इसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोई पैसे आपने पे करने थे वो माफ कर दिए गए या उस पर माकअप माफ कर दिया गया तो डेट इज आल्सो बेनिफिट वो भी यहाँ पे टैक्सेबल कौन सी इनकम्स इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एस इनकम सेक्शन फाइव रिटर्न इन्वेस्टमेंट एंड अंडर सेक्शन फाइव डबल है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन सिक्स रॉयलिटी एंड फीस शिपिंग एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ दॉन रेजिडेंट्स फिर रेजिडेंट प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव बाई पर्सन मेन बिजनेस इज नॉट लैंडिंग ऑफ मनी एंड अर्निंग प्रॉफिट ऑन डेट ये वो लोग हैं

और लॉसेज हैं उसको भी इलाहजा से ट्रीट किया जाए और बेसिक रूल होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर डेट पर्टिकुलर इनकम वो खर्चे माइनस हुए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इसमें एक रेड मस्ट इसका मतलब क्या है कि आपने डेप्रिसिएशन लाजमी चार्ज करनी है अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है ये सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन टू में ये लफज मस्ट इस्तेमाल किया हुआ <coughs> मतलब क्या इसका हम्म hmm? शैल भी लिख सकते थे ना <coughs> माइक इस्तेमाल करें ताकि रिकॉर्डिंग में चीजें आ, आ जाएगा तो ऑप्शनल तो के लिए है जब लफ शेल इस्तेमाल करते हैं ना तो ये लाजमी कर है और मस्ट इसको मतलब इससे ऊपर वाली को कहा नहीं है इसमें क्या है इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, है? हाँ. हाँ, तब भी चार्ज करें बिल्कुल अगर इनकम एक्सम्प्ट है और अगर उसका कोई और सोर्स नहीं है तो फिर तो इनकम टैक्स के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते ना अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी टोटल इनकम इज एक्ट फ्रॉम टैक्स तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उस पर रूल्स अप्लाई इनकम टैक्स अप्लाई ही नहीं होता ना उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना रिटर्न फाइल करनी है ना कुछ और करना है ये सूरत वो है जो हमारे यहाँ बहुत मिसकनसेप्शन मौजूद है कि अगर लॉसेस पीछे से आ रहे हैं जिसे हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कहते हैं, वो दो किस्म के हो सकते हैं दैट इज ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसे एंड दैट इज दिस अदर वन इज ड्यू टू अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन अब साल ये है जिसमें पिछले साल के ये लॉसेस आ रहे हैं डेप्रिसिएशन भी आ रही है और नॉर्मल बिजनेस लॉसेस भी आ रहे हैं उस साल के अकाउंट्स कैसे बनाएंगे ये है उसके लिए इसका मतलब ये है कि जिस साल के आपने अकाउंट्स बनाने हैं इनकम निकालनी है उस साल की जो डेप्रिसिएशन बनती है अगर उस साल के प्रॉफिट्स उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो करने हैं अगर पूरी डेप्रिसिएशन uh, की अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो जितनी है उतनी करनी है बाकी आप कैरी फॉरवर्ड कर लें <coughs> लेकिन बिफोर सेटिंग ऑफ दी बिजनेस लॉसेस अगेंस्ट करंट ईयर इनकम पहले इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करके इनकम निकालनी है और फिर लॉसेस को सेटअप करना है ये है इसका क्लियर हुआ के हर टैक्स ईयर इज ए सेपरेट यूनिट अगर आप सेक्शन फोर देखते हैं एवरी पर्सन शेल पे टैक्स टैक्सेबल इनकम फॉर ए टैक्स ईयर। यह सेक्शन फोर का नचोड़ ये सब सेक्शन वन का कि हर शख्स ने पर्टिकुलर टैक्स ईयर के हवाले से जो उसकी टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स पे करना है ठीक है तो हर टैक्स इज ए सेपरेट यूनिट उसकी इनकम आपने कैसे निकालनी है ये एक मिसकनसेप्शन था कि शायद उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी पहले पुराने लॉसेस कर लेंगे तो ये डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर कर लेंगे और लेंगे उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अगर उस साल की इनकम इतनी है कि उसको एबजॉर्ब कर सकती है अगर इनकम कम है और डेप्रिसिएशन या मोटराइजेशन ज्यादा है तो उतनी चार्ज करनी है जितनी हो सकती है बाकी ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड होमल कमीशन एक्सपेंसेस बिल्कुल कर सकते हैं जी एम्प्लॉई ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज में जो चीजें जेन में रखने वाली है कि किसी भी किस्म का खर्चा किया हो अनएम्प्लॉयई ट्रेनिंग आपने वहां अपने ऑफिस में उसकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में किया हुआ है या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है व्हिच आर मेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉईज ऑफ अदर कंपनीज तो जो भी खर्चा किया होगा उस पे होगा इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज या एजीड या रन इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आपने पैसे दिए जो व्हिच आर मेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज तो फिर दैट इज अलाउड एज डिडक्शन फाइनेंशियल कॉस्ट के हवाले से एक मोटा सा असूल ذہن में رکھ لیں اف دی اماؤنٹ از باروٹ وہ کسی بھی نام سے ہو مضاربہ مشارکہ مرابیہ कोई नाम दे ले उसका इस्लामी हो या कन्वेंशनल इफ द मनी इज बोर एंड दैट इज यूज़ फॉर सीक ऑफ द बिजनेस उसकी बोरिंग कॉस्ट जो आपने पे की है दैट इज अलाउड एंस्टिट्यूशन किसी भी नाम से किसी भी नाम से हो और लीज रेंटल्स <coughs> इसमें से क्यों मैं क्योंकि हमने देखा है कि लीज रेंटल में बेसिकली दो चीजें होती हैं लेकिन लीज के हवाले से टैक्स लॉ ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक प्रोविजन दी हुई है तो उसकी रोशनी में लीज रेंटल पेड इज टेकन एज एक्सपेंस फाइनेंशियल कॉस्ट एंड रिसीव्ड बाय द लीजिंग कंपनी टेकन एज इनकम तो बाकी किसी भी नाम से हो दैट इज अलाउड एस्टिडक्शन इन एडविजबल में

विदहोल्ड करना था किए बगैर कर दिया है तो डेथ इज इन एडमिज लेकिन इसमें यह दो तीन चीजें रखनी है यह गलती हम कर रहे हैं और एग्जामिन परचेज ऑफ रॉ मेटीरियल एंड फिनिश गुड जिसमें आप डील कर रहे हैं शल नॉट एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ सच परचेज इज मेड मेड विद डिडक्शन ऑफ टैक्स विद डिडक्शन ऑफ टैक्स जो आपने की उसके 20 परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये जो इन एडमिजिबिलिटी अब इसमें गलती और हो रही है और एक आध क्वेश्चन में एग्जामिनर ने भी की है और वो उसे पिन पॉइंट किया गया शायद अब नहीं करेगा वो क्या है कि फर्ज करें कि एक हजार रुपए की परचेजेस है ठीक है इसमें से जो टैक्स विद होल्ड हुआ है वो छे सौ रुपए का हुआ है टैक्स विदहल्ड हुआ है, ठीक है अब नॉर्मली इन एडमिजिबल क्या है चार सौ और ये इन एडमिजिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड अपू ट्वेंटी परसेंट ऑफ सच परचेज इज मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स सो ट्वेंटी परसेंट इसका लेना है इसका नहीं लेना है गलती क्या की है एक क्वेश्चन में कि उसने टोटल का ले लिया ऐसा नहीं है क्या लिखा हुआ है कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ सच परचेज इज मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स 600 सौ तो वैसे ही एडमिजिबल है ना उसका इन एडमिजिबिलिटी के साथ ताल्लुक ही नहीं तो ये कोर्ट में भी जाके सेटल हो चुका क्योंकि टैक्स वालों ने उसको भी मिस किया उन्होंने ये, ये तो दो सौ रुपया इन एडमिजिबल होगा अब इस ट्रांजेक्शन में अस्सी रुपये इन हो सकता है इससे ज्यादा इन नहीं हो सकता तो जब कोर्ट में जाके गए तो वहां सेटल हो गया कि नहीं भाई ये जो इन एडमिजिबल है जिस पे टैक्स सोर्स कटना था और नहीं कटा उसके ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ये जब भी आपने देना है नोट के साथ देना है ठीक है एग्जामिनर पूछे तो इसपे नोट देना है <coughs> फिर दूसरा रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 161 और 162 सिक्सटी टू शैल बी कंसिडर्ड एज टैक्स पेड इसका भी बहुत अहम इंपैक्ट है और 161 पे तो सैकड़ों जजमेंट मौजूदी 161 क्या है कि अगर टैक्स एट सोर्स काटना था और नहीं काटा तो जिस शख्स ने नहीं काटा उससे ये पैसे रिकवर हो सकते हैं अलॉन्ग और 162 क्या है कि जिससे कटना था अगर उससे पैसे रिकवर कर ले तो ये समझ लिया जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन डिफॉल्ट सरचार्ज इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम हैज मेड द डिफॉल्ट जिसने टैक्स काटना था और नहीं काटा ठीक है अब इसमें <coughs> जो आपके लेवल पे देखने वाली चीज है कि अगर रिटर्न फाइल कर दी है बाय द पर्सन जिससे टैक्स कटना था तो टैक्स हैज बीन पेड 162 सिक्सटी टू खोले जी जरा वन <coughs> ये जरा ऊंची आवाज से पढ़े Mike, Mike. Where a person fails to collect tax as required under Division two of part uh, of this part or Chapter twelve or deduct tax from a payment as required under Division three of this part or Chapter thirteen, the commissioner may pass an order to that effect and recover the amount not collected or deducted from the person from whom the tax should have been collected. टू होम दॉमेट सो इसमें जो उसमें लाइबिलिटी आ सकती है Oh. Where at the time of recovery of tax under subsection one, it is established that the tax that was to be deducted from the payment made to a person or collected for from a person has meanwhile been paid by that person. No recovery shall be made from the person who had failed to collect or deduct the tax, but the said person shall be liable to pay default surcharge at the rate of 12% per annum. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 161 सिक्सटी वन बेसिकली उस पर पाबंदी लगाती है कि आपने करना था और नहीं किया तो आपसे रिकवर होगा 162 सिक्सटी टू ये कह रही है कि जी अगर उससे नहीं हुआ तो ये कर लेंगे और वन बी ये कहती है कि अगर उससे हो गया है तो फिर कहानी खत्म समझी जाएगी तो ये समझा जाएगा कि टैक्स पे हो चुका है इस सूरत में उससे ओरिजिनल अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती डिफाल्ट सरचार्ज और बाकी चीजें हो जाएंगी इसका मतलब ये है कि जब रिटर्न एक बंदे ने फाइल की जिसे टैक्स कटना था ये जजमेंट की बेस पे मैं कर रहा हूं तो उस बंदे ने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी इंक्लूडिंग ऑन सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स और जिस पे टैक्स नहीं कटा और जब उसने डिस्चार्ज कर दी तो अब देर इज नो लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे टैक्स विद होल्ड होना था ऐसी सूरत में वो ओरिजिनल अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती डिफॉल्ट सरचार्ज हो सकती ठीक है क्वेश्चन so ये है अब सेक्शन 153 है उसमें पेमेंट के टाइम पे जो टैक्स काट रहा है सर्विसेज के केस में वो मिनिमम है जब फॉर एग्जांपल हमने नहीं काटा जो अगली पार्टी है उसने रिटर्न फाइल इसमें मैं आपको फिफ्टी थ्री में क्या लिखा हुआ है कि डिडक्टेबल वहां डिडक्टेड नहीं कह रही कि टैक्स डिडक्टेबल शेल बी ट्रीटेड एज मिनिमम टैक्स या फाइनल टैक्स या जो भी है deductible. अच्छा अगर डिडक्ट नहीं हुआ तो डिडक्टेबल तो था ना तो लाइबिलिटी सही कह रहे हैं कि लाइबिलिटी वो देखेंगे कि क्या उसकी लाइबिलिटी इसके हवाले से कितनी बनती थी लफज डिडक्टेबल इस्तेमाल हुआ ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको तो अब आपकी ब्रेक का टाइम लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लें अच्छा जी इसमें एक और चीज पॉइंट नंबर फोर इस पे भी बहुत ध्यान देना वो क्या है कमीशन ऑन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स इन थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट जो आपको पता है रिटेल प्राइस पे जैसे टैक्स लगना था इफ इट एक्सीड पॉइंट टू परसेंट ऑफ द ग्रास अमाउंट ऑफ सप्लाईज एंड दॉट अपियरिंग इन ए टी एल इन एडविजेबल की बात कर रहे हैं कि अगर आइटम्स वो हैं जो थर्ड शेड्यूल में होते हैं और उस पर कमीशन पे की है कमीशन पे की अनसुप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स और इफ इट एक्सीड्स पॉइंट टू परसेंट ऑफ द ग्रास अमाउंट ऑफ द्लाईज एंड द रेसिपियंट इज नॉट अपियरिंग इन एटीएल एटीएल नहीं है उसमें नहीं है सुप्लाईज पे जो कमीशन पे की है वो पॉइंट टू परसेंट ऑफ ऑफ़ सप्लाई ग्रास अमाउंट तक तो एडमिसिबल है चाहे वो एटीएल में है या नहीं लेकिन अगर उसे बाहर निकल जाता है तो फिर पॉइंट टू फाइव परसेंट पॉइंट टू परसेंट तक तो एडमिसिबल है इसी ऊपर वाली एडमिसिबल इसी तरीके से ये पॉइंट नंबर एट में देखें कि जो कंट्रीब्यूशंस एम्प्लॉइज बेनिफिट जो फंड्स हैं जिसमें तमाम ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड सुपर फंड इसमें ये कहते हैं कि इफ इट इट इज एक्सेस ऑफ 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय दी सो 50% तक की हद में अगर ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो इट इज एडमिजिबल इससे ऊपर जो होगा वो इनएडमिजिबल होंगे देन फाइंस पेनल्टीज फॉर द ऑफ एनी लॉ रूल आर रेगुलेशन ये रेड में इसलिए किया है कि सिर्फ यही वाले इन एडमिजिबल है. हैं मिसाल के तौर पे तय हुआ कि जी आपने फिलहाल तारीख तक ये माल प्रोवाइड करना है और उस तारीख तक तो प्रोवाइड नहीं होता और ये लिखा हुआ था कि आपने इतने पैसे या इतने परसेंट पैसे आपने देने हैं फाइन के तौर पर आपको होगा वो फाइन अगर है तो डेट इज डिडिटी डैमेजेज सिर्फ किसी कानून के तहत अगर है तो वो फाइन पेनल्टी इज नॉट अवेलेबल एज डिडक्शन पर्सनल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एक्सपेंडिचर बाय ये टैक्स पेयर अंडर द सिंगल अकाउंट हेड ये इसमें आपको पता है कि टू फिफ्टी थाउजेंड की अब आ चुकी हुई है इसमें तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है कंपनी का अच्छा कंपनी के लिए क्लास मौजूद है इसमें आ, आ, एल और ये जो कंपनी का आया था ये इस तरीके से था कि इस पर अमल हो ही नहीं सकता था अभी ने समझ आ गया है इसलिए उसमें उन्होंने ये कह दिया कि ये उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब हम नोटिफाई करेंगे और तब तक वही जो आम लोगों पे अप्लाई होता है वही इस पर अप्लाई होगा सेम सारा कुछ सारा कुछ वही है सिर्फ इसमें चीज क्या है इसमें डिजिटल मीन और वो एक्सप्लेन किए किताब में कि क्या होते हैं इसका मतलब है कि इसमें तो वो चेक के को भी uh, उसमें से निकल जाता है तो ये उसमें कुछ मसाइल थे <clears throat> अच्छा ये पॉइंट नंबर सत्रह जी ये वो चीजें जो नोट करने वाली है बाकी तो आपको पता ही है एनी एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग टेन परसेंट ऑफ दर्न ओवर सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी इनकट बाई फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चर टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर तक एडवर्टीजेंटिकल इंडस्ट्री के लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकते इसे ज्यादा करेंगे तो इन एडमिसबल हो जाए <coughs> ये पोर्वियंस अगेंस्ट प्रॉफिट और ये बाकी हाँ इसमें ट्वेंटी वन जो है sales by industrial undertaking to persons not registered under the sale tax act ye dhyan mein rakhna hai ki ye log registered hain ya nahi theek hai industrial undertaking is not allowed to deduct any expenditure attributable to sale अब सारी की सारी तो उन लोगों को नहीं होगी ना तो फिर आपने उसे अपोर्शन भी करना है Made to to unregistered persons who are required to be registered under कि आपने किस तरीके से इसकी इन एडमिजिबल डिडक्शन बनानी है A divided by B total deductions divided by turnover multiplied by the sales जो इनको है लेकिन इसमें भी जो जेन में रखना है कि जिन लोगों को सेल्स की है हंड्रेड मिलियन पर ये जरा जेन में रखना है नॉर्मली ऊपर वाली पुरवियन जेन में रह जाती है ये चीज निकल जाती है कि अगर हंड्रेड मिलियन से सीड कर रहा है पर पर्सन तो उसपे ये पुरवियन अप्लाई होगी अदरवाइज नहीं होगी और फिर ये जो है

और फिर एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल से वो अगर नहीं करता तो बहुत सारी सजाएं वहां मौजूद है सेल टैक्स में यहां ये कहते हैं कि ये भी डिस अलाउ होगा लेकिन डिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर शेल नॉट एक्सीड एट्टी परसेंट ऑफ द अलाउ एबल डिडक्शन इस मद में ट्वेंटी परसेंट तक अलाव होंगे बाकी अलाउ नहीं होंगे <coughs> तो इसके साथ ही हम, हम ब्रेक करते हैं जी थैंक यू मैंने क्या कहा था कि कल हम <clears throat> करेंगे और ब्रेक की बात करेंगे あ、そう。

जी बेड डेट्स के हवाले से सिर्फ एक चीज जेन में रखने वाली है कि ये डेट या तो पहले इनकम में शामिल था जैसे सेल्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया था टू आर इनकम ये बेसिक चीज है और एक्चुअली राइट ऑफ किया हो और ये मुमकिन है कि जो कमिश्नर ने अलाउ किया हो डेट इज लेस देन दिटर्न ऑफ तो ऐसी सूरत में जब ये पैसे मिलते हैं अगर सारे के सारे पैसे अलाउ हो गए थे एज बैड डेट तो जितने पैसे मिलेंगे डेट विल बी टेकन एज इनकम इन दर ऑफ रिकवरी और अगर डिडक्शन वॉज अलाउड लेस देन डेट रिटर्न ऑफ तो दो सूरतें हो सकती हैं रिकवरी इज मोर देन दैड नॉट अलाउड वो जो एक्चुअल डेट्स लेस दैड डेट्स अलाउड ये जो डिफरेंस था अगर इट वॉज इट इज लेस देन डेट्स रिटर्न ऑफ तो ऐसी सूरत में ये जो डिफरेंस है इट शैल बी अलाउड एज एजन इन द ईयर ऑफ रिकवरी एंड इफ इट इज मोर देन देन इट शैल बी टेकन एज इनकम इन द ईयर ऑफ रिकवरी नॉन पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी तीन साल तक नहीं है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे और बाद में अगर पे करना पड़ता है अच्छा तीन साल कहां से गिनने हैं थ्री द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन डिडक्शन वाज़ अलाउड सो जिस साल की डिडक्शन है उसके बाद अगले तीन साल तक अगर पेमेंट नहीं होती तो देन इसे राइट ऑफ कर देंगे इनकम हो जाएगी और अगर बाद में पे करना पड़ता है तो इट शेल बी अलाउड एज डिडक्शन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेज नॉर्मल लॉसेस तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग सिस्टम उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है और एब्नॉर्मल सूरत में सिंपल सी बात यह कि uh, ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट ये एसेट करंट भी हो सकता है और फिक्स्ड uh, भी हो सकता है और फिर उसके एवज जो कुछ जहां से मिल गया वो माइनस कर दें बाकी जो कुछ होगा दैट विल बी टेकन एज़ एडमिसिबल डिडक्शन सॉकेटेड ये आप जानते ही हैं ट्रांजेक्शन अंडर डीलरशिप अरेंजमेंट्स ये सेक्शन वन जीरो एट बी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ डीलर्स मार्जिन शेल बी एडेड इन इनकम ऑफ पर्सन मेकिंग सप्लाई ये एक नई प्रोविजन है इसको समझने की जरूरत है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ डीलर्स मार्जिन शेल बी एडेड इन इनकम ऑफ द पर्सन मेकिंग सुप्लाईज जो सप्लाई कर रहे इफ गुड्स बीइंग सप्लाइड आर लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द सेल टैक्स एक्ट और एनी अदर एफबीआर प्रस्क्राइब प्रोडक्ट्स एंड मेड अंडर डीलरशिप अरेंजमेंट टू सच डीलर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एक्ट एंड आर नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डर्स आइटम थर्ड शेड्यूल के हैं या एनी अदर व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय द और फिर ये डीलरशिप अरेंजमेंट के तहत आपने सप्लाई किया उन लोगों को हुल टैक्स हु एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डर ये दोनों कंडीशंस भयक वक्त जुड़ी हैं कि वो एटीएल में भी हो और सेल टैक्स के यहां रजिस्टर्ड भी हो अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगी तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी अब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डीलर्स मार्जिन एड करना डीलर्स मार्जिन है क्या इट इज परसेंट ऑफ दाइसूफर टेन परसेंट ऑफ दाइस ऑफ द मैन्युफैक्चर इट इज डीलर्स मार्जिन इसका सेवेंटी फाइव परसेंट एड करना है सप्लायर की इनकम में <coughs> ये जरा एग्जाम्पल <coughs> रूब हार लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर ऑफ एरिएटेड बेवरेजिज एंड मेक सप्लाईज थ्रू डीलरशिप अरेंजमेंट समरी ऑफ दशन क्या है कि सेल्स है फिफ्टी मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल थर्टी मिलियन ग्रास प्रॉफिट ट्वेंटी मिलियन और एडम सेलिंग टेन मिलियन एंड टेन मिलियन इज दी प्रॉफिट इसके साथ एजम्पन क्या है नंबर वन एंटायर सेल ऑफ कंपनी आर टू डीलर्स अंडर डीलरशिप अरेजमेंट टू द सेल टैक्स नॉट अपियरिंग इन एटीएल, एंड ऑल फिगर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसिस क्वालिफाई एस एडमिसिबल डिडक्शन के सारा कुछ कानून के मुताबिक ठीक है तो क्या करेंगे कि 75 परसेंट ऑफ द डीलर्स मार्जिन इस इनकम में ऐड कर देंगे और इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 10 मिलियन दिया हुआ है देन 75% परसेंट ऑफ दी डीलर्स मार्जिन और डीलर्स मार्जिन क्या है कि इट इज 5 मिलियन क्योंकि अगर हम देखें तो 50 मिलियन सेल्स और इसका टेन परसेंट इजन एज डीलर मार्जिन उसका सेवेंटी फाइव परसेंट थ्री पॉइंट सेवन फाइव मिलियन इट इज टू बी एडेड इन द इनकम ऑफ दि सेलर सो थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव मिलियन शेल बी टैक्सेबल इनकम तो यह कंसेप्ट समझ आ गया कि अगर अंडर डीलरशिप अरेन्जमेंट है वो बंदा सेल टैक्स और इनकम टैक्स में एक्टिव नहीं है और ऐसी सूरत में 75% ऑफ द डीलर्स मार्जिन एंड दैट इज 10% ऑफ द सेल्स शैल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द सेलर डेप्रिसिएशन में हम मस्ट देख चुके हुए हैं और ये अपनी मर्जी से नहीं करना जैसे कानून में कहा हुआ उसी तरीके से करेंगे और ये पॉइंट नंबर 4 में डेप्रिसिबल एसेट

ये समझेंगे कि इट इज ट्रीटेड एज होली ओन बाय द टैक्स पेयर ठीक है तो ये जरा एक डिफरेंट चीज थी बाकी तो हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स की वही तीन चीजें इन तीनों में से एक भी मिसिंग होगी तो दैट विल नॉट बी टेकन एज डेप्रिसिएबल एसेट और वो क्या है कि इसकी लाइफ एक साल से ज्यादा है और इसकी वैल्यू में कमी होनी है एंड इट इज होली एंड पार्टली यूज द पर्सन ड्राइविंग टैक्सेबल इनकम इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगी तो फिर नहीं होगी एज सच ओन बाई ए पर्सन अब समझते हैं कि इट इज ओन बाई ए पर्सन नंबर वन वेयर ए पर्सन कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ द ओनरशिप एंड इज इन टाइटल टू दूस आर इनकम देर देयर ऑफ विद आउट लीगल टाइटल लीगल टाइटल उसके पास नहीं भी है लेकिन तमाम के तमाम वो राइट्स जो ओनरशिप के होते हैं वो एक्सरसाइज कर सकता है इंक्लूडिंग उसे जो इनकम आ रही है वो भी वसूल कर सकता है इंटायर कंस्ट्रेशन पेड बट फॉर्मल कन्वेंस डीट नॉट येट एंटर्ड के जी सेल परचेज हो चुकी पैसे दे चुके उसकी पोजीशन ले ली हुई है लेकिन अभी तक वो जो ट्रांसफर डीड है जिसे कन्वेंस कहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम समझेंगे दैट इट इज ओन पर्सन दर्सन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन आर एनी अदर टेंजिबल एसेट फिक्स्ड टू दैंड नॉट ओन्ड जमीन किसी और की है उसके ऊपर बिल्डिंग जो है वो आपका है बिनामी ट्रांजेक्शन टेंजिबल एसेट्स ऑफ एन एसोसिएशन पर्सन आर ए पार्टनरशिप हेल्ड िटी जो है वो दो जगहों पर हो सकती है जी कॉमनली uh, हम समझते हैं कि है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिस में भी है जहां प्लांट एंड मशीनरी के साथ कोई बिल्डिंग किराए पर चढ़ी है तो उसके जो डेप्टीसी है ये नॉर्मल रेट के हिसाब से आपने अलाउ करना है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइनस हो जाएगी पार्टली यूज एसेट अगर हम इसकी पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर सम अदर समर तो सिंपल सी जी बात यह कि डेप्रिसिएशन उतनी ही अलाउ करेंगे जितनी बिजनेस से रिलेटेड और बाकी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है जैसे रेजिडेंस के लिए हो रही है या आपने किराए पे दी हुई तो उसको कंसिडर नहीं करें दूसरी सूरत है कि एसेट यूज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर जिस साल आपने एक्वायर किया है उस साल आप फुल डेप्रिसिएशन अलाउ करेगी ये पिछले साल तक इसमें एक गड़बड़ मौजूद थी कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रोपोर्शनेटली आप अलाउ करेंगे इन ऑफ एक्विजिशन और फिर कुछ और था अब वापस उसी पे चले गए हैं जो हम पहले से अकाउंटिंग में भी जानते हैं और टैक्स में भी था कि जिस साल एक्वायर किया उस साल पूरी पूरे साल की डेप्रिसिएशन और जिस साल डिस्पोजल किया उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी वो नॉर्मल चीज पे आ गए रिटर्न डेप्रिसिएशन एसेट एक्वायर किए

तो दूसरा तरीका ये कि जो written down value for depreciation है, उसमें कर दें जितनी पिछले सालों में अलाउ नहीं हुई थी वो माइनस कर दें तो इट विल बिकम रिटर्न ऑन वैल्यू फॉर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ क्लियर हो गया इसमें क्या है कि अगर करें कि एसेट जो है एक हजार रुपए इट इज कॉस्ट डेप्रिसिएशन इसकी एज्यूम करते हैं कि चार सौ रुपये हो चुकी और इस चार सौ में से दो सौ पचास अलाउ हुए और वन फिफ्टी अलाउ नहीं हुए ये अलाउड और ये नॉट अलाउड ठीक अब जब हमने इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो इसकी कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे क्योंकि गेन और लॉस क्या है डिस्पोजल कंसेशन माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू तो अब इसकी अगर हम देखें तो एक्चुअल रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो छह सौ रुपया बनी हुई है ठीक है एक हजार माइनस चार सौ दो तरीके एक तरीका क्या है कि कॉस्ट ये ठीक है जो एक हजार है हमारे इस केस में लेस डेप्रिसिएशन अलाउड जितनी डेप्रिसिएशन अलाउ की है और हमारी इस एग्जांपल में हमने कितनी वन फिफ्टी अलाउ की हुई नहीं टू फिफ्टी टू फिफ्टी अलाउ की है वो माइनस कर दें तो ये सेवन फिफ्टी विल बी रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर केन और लॉस एंड डिस्पोजल दूसरा तरीका क्या है कि रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन जो हमारी इस एग्जाम्पल में छ सौ रुपया है एड डेप्रिशिएशन नॉट अलाउड और वो एक सौ पचास रुपए नॉट अलाउड है तो सेवन फिफ्टी ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं जिन तरीकों से हम इसको निकाल सकते <coughs> क्लियर होगी <coughs> <coughs> पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फाइव हार्ड कॉस्ट सेवन पॉइंट फाइव मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट आर सेवन पॉइंट फाइव मिलियन अच्छा नॉट प्लाइंग फॉर हायर के आप इसे चला के पैसे नहीं कमा रहे जैसे बसें हैं वैगने हैं दूसरी हैं ये कमर्शियल भी यूज हो सकती हैं और फैक्ट्री के अपने लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं कंपनी के अपने लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती है जो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल हो, हो रही है दैट इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर जो प्लाइंग फॉर हायर है वो तो नॉर्मल तरीके से जितनी भी उनकी कॉस्ट होगी वो लेंगे तो नॉट प्लाइंग फॉर हायर की एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट मिलियन एवर इज लेस बी टेकन एज और ये सेक्शन बाईस में कहा हुआ है इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको सामने रखना है देन डिस्पोजल पे कंसेशन रिसीव जो की है उसको इस फार्मूले के तवस्थ से एक्चुअल कंसिडरेशन डिडेड बाई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्सिशन और मल्टीप्लाइड बाई दस्ट फॉर डे विच इज लेसर ऑफ एक्चुअल सेवन पॉइंट फाइव मिलियन इसका मतलब सेवन पॉइंट फाइव मिलियन से अगर नीचे है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना डिवाइड भी उसी से कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन भी उसी से हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो एक्चुअल कंस्ट्रेशन है वही आ जाएगी और लेकिन अगर कॉस्ट उसकी एक्चुअल ज्यादा थी तो फिर ये एक्चुअल कंसीडेशन जो आपने रिसीव किया है ये कम हो जाएगी प्रोपोर्शनली और इसकी बेस पे गेन और लॉस कंप्यूट कर लेंगे <coughs> इंवोल प्रॉपर्टी में जो आ, देखने वाली चीज है वो ये है कि अगर इसकी डिस्पोजल की है तो उस पे क्या ट्रीटमेंट है कंसीडेशन मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट इंवोल प्रॉपर्टी में कंसीडेशन मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट तो इसमें क्या कहते हैं कि इस सूरत में द दंसिडरेशन रिसीव शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट कंसिडरेशन इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट इज हंड्रेड रुपीज कंसिडरेशन फर्ज करें कि डेढ़ सौ रुपया है तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे द कंसिडरेशन रिसीव शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट अब फर्स करें कि इस पे डेप्रिसिएशन थी इसी पे डेप्रिसिएशन एज्यूम करें कि बीस रुपए की डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट कहते हैं डेप्रिसिएशन ये कंसिडरेशन रिसीव शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट तो कॉस्ट अब जो ट्रीटेड है वन फिफ्टी है इट इज डिस्पोजल कंस्ट्रेशन अगर हम यहाँ डिस्पोजल कंस्ट्रेशन लिख लें दैट इज 150, 150 में बेचा था ठीक है लेस रिटर्न ऑन वैल्यू होती है डिस्पोजल कंस्ट्रेशन लेस रिटर्न ऑन वैल्यू ठीक है अब डब्ल्यू डी निकालनी है तो आपने कॉस्ट लेस डेप्रीसीशन और डेप्रिसिएशन यहां ट्वेंटी है तो वन थर्टी इसका मतलब ट्वेंटी इट विल बी गेन इसका बड़ा सादा सा मतलब यह है कि इस सूरत में अगर इमोल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं और उस पे डेप्रिसिएशन थी ये बात हो रही है उसकी जो डेप्रिसिएबल एसेट है एक इमोल प्रॉपर्टी हमारे कैपिटल गेन में भी आ रही है ये जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी बात हो रही है कि अगर उसकी डिस्पोजल कंसेशन इज मोर देन द कॉस्ट देन अकामोलेटेड डेप्रिशिएशन शेल बी गेन ऑन डिस्पोजल क्योंकि डिस्पोजल कंसन इज स्ट्रीट एज कॉस्ट उसमें से डेप्रिशन माइनस करेंगे तो रिटर्न ऑन वैल्यू सेम अच्छा यही एक केस है अच्छा अगर इसी में कंसेशन लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट तो रोटीन में जैसे करते हैं वैसे करेंगे यहां एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट इसमें इसके उलट लिखा हुआ है

Not previously used in Pakistan. इसका मतलब पाकिस्तान में अगर नया आपने अक्वायर किया तो भी ठीक है अगर इंपोर्ट किया तो पुराना या नया दोनों जो है दो नॉट प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान सो दो फॉर्म पार्ट ऑफ दी एलिजिबल डेप्रिशिए इस पे ट्वेंटी कॉस्ट शेल बी अलाउड एज इनिशियल डेप्रीसिएशन और यह नॉर्मल डेप्रीसिएशन से पहले अलाउ की जाएगी एक्सेलेटेड एप्लीसिएशन जो अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट ये नाइनटी परसेंट ऑफ दॉ है और ये पहले साल जिस साल ये होगा उस साल होगी और इत, किस चीज के लिए इंडस्ट्रियल कैपिटल गेन्स में जो चीजें जेन में रखने वाली है ये वाली प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी विच इज ओन बाई ए पर्सन

पार्ट ऑफ टैक्स अवॉयडेंस स्कीम तो अगर यहां भी है तो टैक्स अवॉयडेंस स्कीम के हवाले से वो फे मार्केट वैल्यू ले सकते टू थर्टी एफ जो है उसमें प्रोसिक्यूशन फॉर टैक्स अवॉयडेंस भी हो सकती है और इसमें सेक्शन थर्टी सेवन वाले एसेट्स भी शामिल कैपिटल एसेट्स की टैक्सेशन के लिए गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ दीज एसेट्स तीन मुख्तलिफ कैटेगरी <coughs> इमोल प्रॉपर्टीज दे सिक्योरिटीज ऑल अदर कैपिटल एसेट्स इन दोनों को छोड़ते हुए इमोल प्रॉपर्टीज पे अगर आप देखते हैं तो इसमें कैपिटल गेन नॉर्मल तरीके से कंप्यूट करेंगे <coughs> और फिर उस पर ये टैक्स रेट्स हैं जो आपके टेबल में दिए होंगे किताब में मौजूद है उसको इस्तेमाल करना है सिंपल सी कहानी ये कि अगर ओपन प्लॉट है तो छह साल के बाद इट इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स सो कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ओपन प्लॉट इज आफ्टर और सिक्स जो है अगर इसमें देखें तो ढाई परसेंट पर हिसाब से है सो so, पहले साल ढाई परसेंट ये छठे साल की बात हो रही अच्छा ऊपर से अगर आप देखें तो पंद्रह परसेंट के हिसाब से टैक्सेबल है अगर पहले साल डिस्पोज ऑफ करते हैं फिर ढाई ढाई परसेंट आप कम करते चले जाएं तो आखिरी जो छठा साल है उसमें 2.5 परसेंट के हिसाब से ये टैक्सेबल होगा सो इट इज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इसे इलादा से रखना अच्छा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज चार साल के बाद जो है वो एग्जेप्ट हो जाती है और इसमें 15 परसेंट टेन परसेंट सेवन पॉइंट परसेंट है फाइव परसेंट के रेट्स हैं इसमें पहले वाले स्टेज पे दूसरे साल में टेन हो जाता है पहले साल इट इज फिफ्टीन और फ्लैट्स हैं तो पंद्रह परसेंट और सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और दो साल के बाद अगर फ्लैट बेचते हैं तो उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा सो <coughs> so, कौन से जो हैं वो कैपिटल एसेट्स के तौर पे नहीं आएंगे एक वो जो बिजनेस एसेट है दूसरे इमोवल प्रॉपर्टी हेल्ड आर डिस्पोज बाई ए बिल्डर आर डिवेलपर Who opts to pay tax under section 100D of the income tax ordinance? Tax shall be computed and paid as provided in the 11th schedule of the income tax ordinance. So yeah, illa yoga, it will not be taken as capital asset. So illadasio. <coughs> fair market value and disposal constitution. So capital gain ke liye, property pay. Disposal constitution should not be less than the fair market value. Notified by FBR. या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए कॉस्ट के हवाले से कोई बात नहीं की हुई जितने में आप लेंगे डेट विल बी टेकन एज कॉस्ट लेकिन डिस्पोजल कंस्टिट्यूशन शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द एबीआर आर फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू सिक्योरिटीज के हवाले से जो सेक्शन थर्टी ए में डिफाइंड है

वो कहते हैं कि अगर इनको डिस्पोज ऑफ किया है विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टॉक एक्सचेंज या इफ दिस इज नॉट सेटल्ड थ्रू नेशनल कंपनी कलियनिक तो इससे हम फिर सिक्योरिटी के तौर पर टैक्सेबल नहीं करेंगे बल्कि जो बाकी कैपिटल एसेट्स हैं उस तरीके से करेंगे जैसे शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी डील करते हैं एक्जैक्टली उस तरीके से करेंगे ये जरा खास इनमें सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आते हैं रूटीन में इट इट इज इज सिक्योरिटी बट इफ नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या इसकी क्लियर थ्रू एनसीसीपीएल नहीं हुई तो ऐसी सूरत में इसको हम नॉर्मल तरीके से एनटीआर में टैक्सेबल करेंगे ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होगी सो जैसे शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी डील किए जाते हैं इस तरीके से इन सिक्योरिटीज को भी डील करें सिक्योरिटीज का रेट <coughs> वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सो सेम होल्डिंग पीरियड एक से लेके छ साल तक छह साल के बाद एग्जेम नहीं है है छ साल तक टैक्सेबल है और रेट वही फिफ्टीन परसेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट वगैरा वगैरह लेकिन टैक्स एंड सिक्योरिटीज टैक्स एंड कंपनीज कंपनीज के हवाले से अगर है तो इन पे नॉर्मल रेट अप्लाई होगा और वो रेट क्या है समॉल कंपनी के लिए ट्वेंटी परसेंट बैंकिंग कंपनीज के लिए थर्टी नाइन परसेंट और अदर कंपनीज के लिए इट इज ट्वेंटी नाइन परसेंट तो इस रेट पे होगा और बाकी जो लोग हैं इंडिविजुअल्स एंड पी फॉर द टैक्स ट्वेंटी थ्री जो इस वक्त आपके एप्लीकेबल होना है जो टेबल हमने पढ़ा उस टेबल के हिसाब से टैक्स लगेगा और 2022 के हवाले से अगर है तो फिर 12.5 परसेंट टैक्सेबल था नेचुरली इट इज नॉट टेस्टेबल इन योर दिस एग्जामिनेशन इसमें तो आपका जो टैक्स ईयर 2023 होगा वो एप्लीकेबल होगा और उस पे उस टेबल के हिसाब से टैक्स पे करना है अब टैक्स विद होल्डिंग शेयर्स ये एक नई चीज आई इसको जरा ध्यान से देखना है

डिस्पोजल पे टैक्स होल्ड करना है एट द रेट ऑफ टेन परसेंट दार्केट वैल्यू जब शेयर्स की पेमेंट आप कर रहे हैं उसके पंद्रह दिनों के अंदर अंदर पे करना है एंड फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटर्म सेक्शन इनकम टैक्सने तहत आपने

सिक्योरिटीज विच आर टैक्सेबल शेयर विच आर टैक्सेबल एंड एन टी आर या वो सिक्योरिटीज जो है तो लिस्टेड सिक्योरिटीज बट डेट आर नॉट ट्रेडिड थ्रो स्टॉक एक्सचेंज और उसके साथ उसमें उन्होंने एन uh, सी सी पी एल से भी क्लियर नहीं ली तो उसके हवाले से ये अब इसमें जो पॉइंट ऑफ कंसर्न इसमें हैं टैक्स विद होल्डिंग ऑन शेयर फेय मार्केट वैल्यू उसका टेन परसेंट है अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको इम्तिहान के हवाले से याद नहीं करना क्योंकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता इस पे एफ को मैंने लिखा हुआ है अब हमने कंप्यूट क्या करनी है फेयर मार्केट वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी माइनस टी डिड बाई मल्टीप्लाइड बाईड बाई एफ ये इसका फार्मूला है

जो इन एसेट्स को ईमेल प्रॉपर्टी और एसेट्स मेंशन इन सेक्शन 38 ये जो है ये तो फेयर मार्केट वैल्यू जैसे सेक्शन 68 में डिटरमाइंड है वो लेने बाकी बुक वैल्यू पे आ जाने और सी जो इसमें ऐड करवा रहे हैं दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एज कंप्यूटेड अबव तो ये वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है <coughs> ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए इम्तिहानी हवाले से ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ही डिटर्मन करनी है और फेयर मार्केट वैल्यू वन ऑफ़ दी फॉर्मूला है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है Then, और जो सेक्शन हमने वन वन ए पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि ये माइनस डी जो है इट इज लाइबिलिटीज डी अगर आप देखें बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज शोन इन बैलेंस शीट तो वहां लिखा हुआ है कि इट शैल नॉट बी रिड्यूस्ड प्रैक्टिकेबल नहीं है इसमें मैं तो को कर रहा हूं कि इस जो finance बिल आएगा उसमें इसमें तब्दीली हो जाएगी अदरवाइज प्रैक्टिकेबल नहीं <coughs> और शेयर्स आर नॉट इक्विटी शेयर्स ये ऊपर वाले तो इक्विटी शेयर्स थे अब अगर शेयर्स आर नॉट इक्विटी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो क्या होगा

वन वन ए डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान एनी गेन ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी अराइजिंग फ्राम डिस्पोजल ऑफ इट्स एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान एंड द एसेट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान शैल बी ट्रीटेड एज पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ दिकम सो कंपनी नॉन रेजिडेंट है एसेट्स उसके पाकिस्तान में लोकेटेड और लेकिन इनकी डिस्पोजल उन्होंने नॉन रेजिडेंट कंपनी इट ओंस एसेट इन पाकिस्तान बट इट इज डिस्पोज आउट साइड पाकिस्तान एज पाकिस्तान सोर्स इन And where the asset is capital asset taxable under section 37 or 37a, then tax withheld under section 101a of the income tax ordinance at the time of disposal shall be final tax. So, this yeah, final tax. گا, 101a is tax at source. What asset, asset it is owned by a company which is not resident, and asset is disposed outside Pakistan? <coughs> अब आते हैं डिविडेंट इन स्पेश। इसको डिफाइन क्या किया हुआ है इज ए डिविडेंट पेड इन फॉर्म ऑफ शेयर इन ए कंपनी अदर देन देयर ऑफ द कंपनी डिक्लेयरिंग डिविडेंट अगर हम इनकम uh, टैक्स से हट के बाहर देखें तो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी इटमे भी डिबेंचर इट में भी शेयर इट मे बी बॉन्ड एनी सिक्योरिटी

such shares shall be held in the account of the company are transferred to the respective shareholders account the shareholders who receive such shares become the owner and may dispose of such shares so iska matlab ye listed company hai wahan se ye shares udhar ja rahe ab isme जिस कंपनी ने इसको ट्रांसफर किया है उसने बेचा नहीं है ये जरा दिन में रखें लेकिन डिस्पोजल होगी जब उसने ownership change कर दी तो it becomes disposal. So, where a company transfers shares as dividend in specie it will be taken as disposed of uh, disposal of such shares and will be subject to capital gain tax. <clears> of <throat> capital gain tax naturally to uh, disposal consideration anybody. And shares received as dividend shall be acquisition of the asset uh, uh, at the date on which shares are credited to the shareholder's account. Aur jab, <coughs> उसका कैपिटल गेन टैक्स उसमें लगाना है तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे उसकी वैल्यू जो है जो डिविडेंड इन स्पेशी दिया है जिस कंपनी ने इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ किया है हम समझेंगे कि जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दो शेयर्स दैट इज डिस्पोज़ल कंसिडरेशन और जितने में उसने लिया था वो माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम कैपिटल गेन दो सिक्योरिटीज और चूंकि लिस्टेड है तो लिस्टेड टैक्सेशन एस टैक्सेशन एसटीआर के तहत होती है। अब जिस बंदे ने लिए हैं उसके पास ये डिविडेंट आ गया अब रूल क्या कहते हैं कॉस्ट शेल बी टेकन एट जीरो जीरो इसकी कॉस्ट समझी जाएगी इसका मतलब ये है कि जब भी इन शेयर्स को वो शेयर होल्डर डिस्पोज ऑफ करेगा जितनी डिस्पोजल कंसिशन होगी डेट शेल बी टेकन एज गेन एंड डिस्पोजल ऑफ दिस एसेट बिकॉज कॉस्ट इज टेकन एस यू बोनस शेयर्स बोनस शेयर्स का इशू बड़ा ही ट्रिकी किस्म का इशू है और ये चार दफा बदल चुका है पिछले कुछ सालों में <coughs> डिविडेंड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें ये कहते हैं कि वेदर कैपिटलाइज नॉट सेक्शन टू सेक्शन नाइनटीन उसमें डेफिनेशन दी हुई डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स वेदर कैपिटलाइज्ड नॉट इज टेकन एज डिविडेंड सो बोनस शेयर इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इट इज कन्वर्जन ऑफ द प्रॉफिट इन टू दैपिटल ठीक है तो अपेरेंटली <coughs> इट डिविडेंड लेकिन ये सेक्शन में से वाजे तौर पे निकाल दिया गया कि इट इज नॉट डिविडेंड एक्सक्लूजन कर दी गई कि बोनस बोनस और शेयर दो ये 2002 में ही कर दिया गया था 2001 का ये कानून है और 2002 में इसमें तब्दीली कर दी गई थी <coughs> अगर ये डिविडेंड नहीं है तो इनकम नहीं होगी इनकम नहीं है तो टैक्सेबल नहीं हो ठीक है <coughs> देन इसकी कॉस्ट जो है वो कैसे डिटर्मन करेंगे uh, कुछ अर्सा पहले तक अगर आप किताबें देखें तो उसमें ये लिखा होगा कि इट्स कॉस्ट शेल बी टेकन एज जीरो लेकिन फिर वापस चले गए जो पुराना सिस्टम था उस पर उसके मुताबिक क्या है कि डायल्यूटेड वैल्यू ऑफ द शेयर एज कॉस्ट कि अगर फर्ज करें दो तो शेयर्स से पहले और वो परचेज किए थे दो हजार में अब पचास शेयर्स और मिल गए ये कैलकुलेशन के लिए हम इसे तीन हज़ार कर देते हैं आसानी और कोई पैसा पे नहीं किया टोटल शेयर्स वन फिफ्टी हो गए कॉस्ट तीन लाख हो गई तो पर शेयर जो है इट बिकम्स ट्वेंटी ठीक है थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी तो ये आप समझ कि डायल्यूटेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएगी कि टोटल जो शेयर्स परचेज किए थे उसकी कॉस्ट स्प्रेड कर देंगे इन शेयर्स में प्लस बोनस शेयर्स और फिर उसके बाद जिसको भी डिस्पोज ऑफ करेंगे इसी कॉस्ट ये जो तब्दील फिदा कॉस्ट है हालांकि खरीदे थे तीस रुपए के हिसाब से और अब ये बीस रुपए के हिसाब से हो गए हैं नेचुरली तो क्या होगा बीस रुपए की कॉस्ट को सामने रखे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर क्लियर कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अनिस्टेड कंपनी इज कन्वर्टेड इंटू लिस्टेड कंपनी कॉस्ट ऑफ इट शेयर शेल बी दैल्यू एंड द डेट ऑफ एक्शन शेल बी दिन एज अवेलेबल विथ सी डी सी ये उनकी बात हो रही है जो अनलिस्टेड थी और अब लिस्टेड में कन्वर्ट हो रही है तो जब सी डी सी पे ये चली जाएंगी उस तारीख को डेट ऑफ एक्सिशन समझेंगे और फेस वैल्यू शेल बी टेकन एज कॉस्ट ठीक कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सच कंपनी शेल बी आईपीओ प्राइस इफ सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड इनिशियल आईपीओ तो बुक बिल्डिंग शुरू हो गया जिस वक्त आपने यह काम शुरू किया और फिर आईपीओ जब आप करते हैं इसके दरमियान में अगर करते हैं तो आईपीओ प्राइस टेकन एस कॉस्ट ऑफ दीज शेयर देन वाइल कंप्यूटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कॉस्ट दॉल बी कंप्यूटेड ऑन मैथ ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं जी हयात हैज होल्डिंग Uh, was holding 1000 shares of xyz limited in his account with a broker he acquired 1000 shares of the company on 1st january 2000 uh, 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 x1 at the rate of rupees 10 per share when the company was an unlisted company 1000 shares 10 rupees value of the shares was rupees 10 on 1st February, shares were transferred in electronic form with CDC. See? On first March, XYZ Limited initiated the listing process and offered shares to investors during IPO period at IPO price of rupees 15 per share. He purchased 500 shares. During IPO period at the rate of fifteen per shares, okay, I think a company was listed on first July at a listing price of rupees twenty per share. On first September, Hayat purchased five hundred shares from the stock market at the rate of rupees twenty two. Hayat disposed shares. फर्स्ट जनवरी 2004 को 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 फर्स्ट फरवरी को 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 और फर्स्ट ये जनवरी तो नहीं होना चाहिए फर्स्ट सितंबर को होना चाहिए चले 35 अब अगर हम देखें तो कंसीडरेशन रिसीव्ड रूटीन में जितने जितने का बेचा है, उतने उतने की आ गई और ये हर एक शेयर्स के हवाले से हमने इलादालाहदा लिखी कास्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन पांच सौ शेयर्स दस रुपए के हिसाब से लेकिन इनमें जेन में रखना है पॉइंट फाइव परसेंट जो है ये ब्रोकरेज कमीशन ये रूटीन की काम तो जिस वक्त कॉस्ट आपने करनी है तो उसमें छह सौ पचास और फाइव हंड्रेड शेयर्स बाईस रुपए के हिसाब से किए थे और प्लस पॉइंट फाइव परसेंट ग्यारह हजार अट्ठासी और यूं अगर आप देखें तो ये गेन आ जाता डिस्पोजल ऑफ डिस्पोजल कंसेशन माइनस कॉस्ट <coughs> ठीक होगी जी जी पीछे वाला अच्छा कॉस्ट जो है अब ये वन थाउजेंड शेयर जो है ये जो आईपीओ ये 500 शेयर्स उस पर जाके देखें ठीक है एक्चुअल जो लिस्टिंग के बाद जो फिर फेयर मार्केट वैल्यू उस पर आगे बाकी आईपीओ प्राइस पे आ गए ये माइक पकड़ लें आपके पास माइक है पड़ा हो बड़ी चेक करो माइक नहीं चल रहा चेक अच्छा आप बात करें यह कॉस्ट की बात हो रही है ठीक है ना क्योंकि जो बंदा ये ट्रांजेक्शन कर रहा होता है पॉइंट फाइव परसेंट उसने देना है दूसरे ने भी देना है तो जिसकी कॉस्ट है ऐसा ही है ऐसा ही है लेकिन जब आपने कॉस्ट डिटरमिन करनी है तो जो उसने एट टाइम परचेज पे किया होगा ना उस पे करेंगे ठीक तो है ना? ना तो आप ये कह रहे हैं कि जी जो डिस्पोजल uh, कंस्ट्रक्शन है उसमें से कॉस्ट माइनस करनी बिल्कुल सही अच्छा अगर हम इसे स्ट्रेच करना चाहें तो सेक्शन 75, 76 वगैरह में <clears throat> जो uh, कॉस्ट की डेफिनेशन दी हुई है उसमें इवन ये भी लिखा हुआ है कि जो कास्ट ऑफ डिस्पोजल है वो भी इज इज टेकन टेकन डिस्पोजल आल्सो एज कॉस्ट ऑफ द एसेट वो उसमें ऐड करते हैं जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई आ, आ, प्लांट एंड मशीन लगाया था तो बाद में उसमें डिस्मेंटल के एक्सपेंसिज भी उसमें करने तो अगर आप स्ट्रेच करके उसको भी लेना चाहें तो वो हो सकते हैं डिस्पोजल पे लेकिन नॉर्मली जो करना है वो यही है कि जो उसने एक्विजिशन पे कमीशन ब्रोकरेज दी थी उसको ऐड कर अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेसिक रूल क्या है इसका इसका बेसिक रूल यह है कि इनकम टैक्सेबल है और इनमें से किसी कैटेगरी में फाल नहीं करती सो इनकम इज टैक्सेबल और इन चारों में से तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती है देन इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और वो कौन से है इनकम एस टी आर एस टी आर ये रेजीम, आज ही हमने डिस्कस किया है कि जिन्हें आप टोटल इनकम ऐड नहीं करते बल्कि रखते हैं और अलहदा से रेट लगाते हैं एफ टी आर क्या है कि जो उस पर टैक्स कटा था वही फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाभ ठीक है तो इसमें किसी हेड ऑफ इनकम ऐड नहीं हो रहे जो आपके इनकम प्रॉपर्टी बिजनेस और कैपिटल गेन्स हैं उसमें नहीं आ रहे एस में फाल नहीं करते FTR में फाल नहीं करते हैं वो टैक्सेबल एग्जैम्प नहीं है तो फिर इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अब इसमें प्रॉफिट एंड डेट रिसीव जो है इसके हवाले से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है तो इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉट एज इनकम फ्रॉम Uh, other Then जो नहीं है उनकी इनकम फ्रॉम अदर पांच मिलियन तक है तो एफ में जा रहे हैं और पांच मिलियन से अगर ज्यादा है तो देन इनकम फ्रॉम अदर के तौर तो पर नॉर्मल तरीके से आएंगे लोन्स एडवांस डिपोजिट फॉर शेयर एंड गिफ्ट सारे के सारे शेल बीटेड एज इनकम लेकिन किन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता लोन इज फ्रॉम ए बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका रूटीन में काम ही है. कि लोन लेना है तो उस बंदे से लेना है जिसका एनटीएन मौजूद है और बैंक से आपके बैंक में ट्रांजेक्शन आए <coughs> और एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर सेल ऑफ गुड्स कैटेगरी में नहीं आती अदरवाइज एडवांस फॉर शेयर्स लिया हुआ है गिफ्ट लिया हो तो डेट विल बी टेकन एज इनकम फ्रॉम सोर्स अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिउंट में किसी किस्म का अमाउंट इज क्रेडिट इन बुक्स इन्वेस्टमेंट इज मेड पर्सन इज ओनर ऑफ एनी मनी आर वैल्यूएल आर्टिकल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड कंसिलेट पर्टिकुल उस पर्सन के पास या तो इसके हवाले से कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है या जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो ऐसी सूरत में दिस अमाउंट शेल बी डीम्ड एज इनकम एंड इट शेल बी टेकन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अब इनकम लेनी कितनी है जिस हद तक वो एक्सप्लेन नहीं कर सका सो so फर्ज करें कि वो कहते हैं जी एग्रीकल्चर इनकम सोर्स ऑफ दिस क्रेडिट अमाउंट तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम में उतना ही लेंगे जितना उसने एग्रीकल्चर इनकम पे सुबाई टैक्स पे किया हुआ है उससे रिलेटेड जितनी इनकम बनती है वो हम वैलड समझेंगे बाकी हम उसका सोर्स नहीं समझेंगे तो बाकी उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी देन कंसीलमेंट ऑफ एनी इनकम और फर्निशिंग ऑफ इन एक्ट पर्टिकुलर तो नेचुरली सारे का सारा या जितना उसमें से एकट नहीं है उसको हम उसकी इनकम ऐड कर लेंगे किस टैक्स ईयर में इसको लेना है अगर इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यूएबल आर्टिकल्स इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान और एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन पाकिस्तान या कंसील्ड इनकम इज पाकिस्तान सोर्स इनकम तो दर टू विच रिलेट्स जिस साल का ट्रांजेक्शन है अच्छा इसमें कोई कैपिंग नहीं है पांच साल छह साल जिस साल का भी ट्रांजेक्शन है उसमें ले लेंगे और अगर ये आउटसाइड पाकिस्तान है या इट इज ए फॉरन सोर्स इनकम तो फिर टैक्स ईयर इमिजिएटली प्रोसीडिंग टैक्स ईयर ऑफ डिस्कवरी जिस साल आपको पता चला उसके फौरी पिछले टैक्स ईयर को ओपन करेंगे और उसमें इस इनकम को डाल के असेसमेंट कर लेंगे एक्सचेंज रिमिटेंसेस अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो फिर इस पे हम आ, इसे वैलड सोर्स समझेंगे नंबर वन तो ये कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आया हो और नॉर्मल बैंकिंग चैनल में अब ये मनी सर्विस ब्यूरोस एक्सचेंज कंपनीज और एम ये सारे के सारे शामिल हैं पांच मिलियन से ज्यादा सालाना ये अमाउंट नहीं होनी चाहिए और फॉरन एक्सचेंज आपने पाकिस्तानी बैंक से पाक रुपीस में कन्वर्ट किया और उसका सर्टिफिकेट मौजूद है ये अगर कंडीशन हैं तो फिर फॉरन रिमिटेंसिस शेल नॉट बी टेकन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अच्छा इनकम सब्जेक्ट टू एफ वन 11. अलेवन अगर हम देखें तो अनएक्सप्ले इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो इसमें वाइल एक्सप्लेनिंग एंड सोर्स ऑफ एनी अमाउंट ए पर्सन इज इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इज समक्वल टू इम्प्यूटेबल इनकम इफ हिज सोर्स ऑफ इनकम फॉल्स अंडर एफ डी आर एंड टैक्स पेयर मेक क्लेम क्रेडिट ऑफ ए सम

हद तक आप ले सकते इसके लिए सेपरेट नोटिस की जरूरत नहीं है 111 के लिए। अगर 122 .9 के तहत नोटिस पहले से दिया हुआ कार्रवाई चल रही है तो इसके लिए फिर इलाह से किसी किस्म की नोटिस की जरूरत नहीं है और इसमें इनमें से कोई चीज भी अगर है वो हो रही है जैसे अमाउंट क्रेडिटेड इन दर्सन बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट मेड फंडक्सपेंडिचर वे इन सब के हवाले से अगर पहले से 122 के तहत कार्रवाई चल रही है तो फिर इलादा से 111 के तहत नोटिस दे की काम करने की जरूरत नहीं एग्रीकल्चर इनकम सोर्स ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया इनकम ऑन री एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी ये टैक्स अवॉयडेंस स्कीम के तौर पर यह लोग इसको करते हैं इसमें क्या है कि सिक्योरिटी पहले बेचती और बाद में उसी को रीअक्वायर कर ली The amount of income from security shall be treated as income of the owner and not of the person receiving the income. Original ki income jayegi. if owner disposes of the security. Security thereafter is reacquired by him, and income payable in respect, uh, in respect of the security is receivable by any person other than the owner. Ke kia kia hai ke जब इनकम ड्यू होनी है उससे पहले किसी और बंदे के नाम ट्रांसफर कर दिया और बाद में उसे रीअक्वायर कर लिया तो ऐसी सूरत में उससे होने वाली इनकम जो ओरिजिनल ओनर था उसकी समझी जाएगी न कि जिस बंदे ने इनकम रिसीव की टैक्स क्रेडिट्स में ये चीज हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए जी, इस, सीक्वेंस नहीं इस सीक्वेंस के मुताबिक सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट

मेंबर ऑफ एओपी को टैक्स क्रेडिट जब देना है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स एआरटी एआरटी वैसे तो है टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड दिस इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स अब अगर कोई शख्स मेंबर ऑफ एन है विच एज डिस्चार्ज इज टैक्स लाइबिलिटी तो शेयर रिसीव फ्रॉम फ्रॉम इज टैक्स लेकिन इस शेयर को हम रेट पर्प के लिए एड करेंगे सो टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनाएंगे उसकी बेस पे रेट अप्लाई करते हुए टैक्स निकालेंगे और फिर उसकी बेस पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स आएगा तो ये जरा जी में रखना है और इसी एवरेज रेट ऑफ टैक्स को तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल करना

Losses में जो चीज ब्रीफली और ये लॉसिस के एडजस्टमेंट में आमतौर पे हम गलती कर रहे होते हैं सैली की सेक्शन बारह चार में लिखा हुआ कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है खर्चा माइनस नहीं करना तो लॉस कोई नहीं है लॉस कोई नहीं है तो एडजस्ट कोई नहीं है और फिर इस इनकम को किसी और लॉस को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है इसका लाभ सेटअप हो सकता है <clears throat> किसी भी इनकम के अगेंस्ट अदर देन दिस लेकिन उसके बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं होता सेम इज द केस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किसी भी दूसरी इनकम और ये बार बार इसमें लिख रहा हूं मैं इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम कि ये फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते <coughs> Non business, किसी भी दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम और सैलरी को छोड़ते हुए उसके अगेंस्ट एडजस्टेबल है और अगर कुछ और लॉसिस भी हैं तो इसको सबसे आखिर में सेट ऑफ करना है क्योंकि बाकी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और छह सालों तक फॉरवर्ड करेंगे और अगर एक से ज्यादा सालों के लॉसेज कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो तो सबसे पुराने को पहले एडजस्ट करना और इस तरीके से आगे मूव करना <सबते थाँगे> था. <सबते> था> स्पेकुलेशन इसमें क्या है कि इट मे बी अप अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेन्स ओनली, यानी कि बाकी बिजनेस के लॉसेस किसी भी दूसरी इनकम के अगेंस्ट अगेंस एडजस्टेबल है सवाईशाली इसका मतलब यह भी है कि बाकी लॉसेस इस स्पेकुलेशन गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं लेकिन स्पेकुलेशन लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेंस ओनली और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं छह सालों तक के लिए और फिर वहां भी सिर्फ कैपिटल गेंस uh, के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है और वही पुरानी चीज के अगर एक से ज्यादा सालों के हो तो सबसे पुराने वाले को पहले करेंगे कैपिटल गेंस इनवोल्व प्रॉपर्टी पे वो कहते हैं कि ना सेटअप हो सकता है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सिक्योरिटीज के हवाले से अगर कोई है तो ये अगर कोई इसमें लॉस है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और ये एक्सेप्शनल केस है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लॉस को सेट ऑफ करने की इजाजत है अदरवाइज बेसिक रूल जो सेक्शन एट में डिस्कस है कि एस या अगर एफ में है तो उनके लॉसेज वगैरह एडजस्ट नहीं होते लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि अगर आप सिक्योरिटीज uh, को डील कर रहे हैं सेपरेट ब्लॉक के तौर पे तो तीन सालों तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लेकिन अगेंस्ट सिक्योरिटीज गेन ही आप इसे कर सकते हैं ये पेंटिंग स्कल्पचर वो जो पांच छह नस्ल के एसेट्स हैं जो जाति संभाल के लिए भी हों तो भी कैपिटल एसेट हैं उनके बारे में कानून ये कहता है कि इस पे लॉस हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर इसका मतलब लॉस अगर हो भी तो उसको मानना नहीं उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है और अगर गेन है तो वो नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल बाकी तमाम एसेट जो है जो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में है ये सेटअप और कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं जी <coughs> और अगेंस्ट कैपिटल गेन्स सेटअप भी कैपिटल गेन्स और कैरी फॉरवर्ड होके भी अगेंस्ट कैपिटल गेन्स ओनली सो इसका और स्पेकुलेशन बिजनेस का ट्रीटमेंट सेम है और छह सालों तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं <coughs> फॉरेन सोर्स लॉसेस के हवाले से नेचुरली ये किसी रेजिडेंट के ही होंगे क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम या टैक्सेबल नहीं है अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो नेचुरली लॉसेस के हवाले से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो तो रेजिडेंट के फॉरेन सोर्स लॉसेस इसमें क्या कहते हैं लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किसी भी हेड से होने वाला नुकसान सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है स्ट इनकम सेड ऑफ इनकम सो हर हेड का लॉस से लेकिन अगेंस्ट दिन और छह सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसके लिए भी रूल एक्जैक्टली exactly हुई है कि अंडर देड ऑफ इनकम ओनली आप किसी और के अगेंस्ट ना सेटअप कर सकते हैं ना कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं। सर सर ये जो है है की की बात की बात कर रहे हैं जी अच्छा इसका एक मतलब है, अगर फॉरेन सोर्स इनकम है तो जो पाकिस्तान सोर्स लॉसेस हैं जो अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्टली वो इसके अगेंस्ट एडजस्टेबल हो सकते हैं लेकिन ये किसी और के अगेंस्ट नहीं हो सकते ये ये जो इसमें पॉइंट नंबर फाइव अगर हम देखते हैं दिस में लीड टू ए कंक्लूजन डेट पाकिस्तान सोर्स लॉसेस मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट फॉरेन सोर्स इनकम बट ए फॉरेन सोर्स लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम एज द सेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेम हेड ऑफ इनकम ऑफ ठीक है लॉसेज ऑफ एओपी सिंपल सी कहानी तो यही है कि जिस पर्सन के लॉसेज हैं वही सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सो so, एओपी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकती <coughs> लेकिन कंपनी शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी इसमें दो तीन चीजें बड़ी <coughs> मुख्तलिफ किस्म की और उसके नतीजे में इसका इंपैक्ट भी डिफरेंट हो सकता है बेसिक प्रिंसिपल तो वही है कि जिसका लॉस है वही सेट करे इसका मतलब एओपी करेगी लेकिन एक और जो रूल है जो इसमें डिस्कस किया कि लाबल टू टू पे टैक्स एंड डिडक्शन एग्जेंशन टैक्स क्रेडिट एंड अदर बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन इनकम को एग्जिस्ट कि अगर इनकम टैक्सेबल है तो लॉस भी एडजस्टेबल होना चाहिए ये बेसिक लेकिन यहां क्या है स्पेशल एक्सक्लूडेड फ्रॉम दर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन एंड कंपनी आर द कंपनी शेल बी टैक्सेबल कि अगर कोई कंपनी इज ए मेंबर ऑफ एन ई पी ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो शेयर ऑफ एओपी की इनकम से बनता है आप कंपनी उससे एओपी की इनकम से निकाल देंगे कंपनी के यहां वो नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल होगा और बाकी जो बचेगा उसके एओपी करेगी एक चीज दूसरी चीज इस सेक्शन में क्या इट डिस्कसेस अबाउट द शेयर एंड नॉट शेयर इन द इनकम ऑफ द एओपी received by the company. In case of other persons, Section 92 क्या कहती है? The amount received by a member of the association in capacity as member out of the income of the association. वहाँ शेयर की बात करें या income में से शेयर की बात हो? इसका मतलब है कानून इसमें differentiate करते हैं. Further, Section 2 में कहा हुआ है कि loss includes income includes the loss of the income.

अच्छा दूसरी तरफ ये इनकम में शामिल है फिर एक और प्रोविजन क्या आती है ये सेक्शन 168 की टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम एओपी शेल बी अ पोर्शन बिटवीन एओपी एंड द कंपनी इन दोर्शन ऑफ शेयर ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ दी एओपी एंड कंपनी ये बड़ी यूनिक चीज है बुनियादी तौर पे हमने क्या देखा हुआ है कि जिस बंदे से टैक्स विद होल्ड होता है वही उसके लिए एडजस्ट करता है और कोई नहीं कर सकता ठीक है ना लेकिन यहां क्या है वो कहते हैं कि नहीं अमाउंट शेल बी हैंडेड ओवर टू दी कंपनी और वो अपनी इनकम के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकती है तो ये यूनिक चीज वाइल्ड डिस्कसिंग लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसिस इनकम टैक्स क्या प्रोवाइड करता है कि इन केस ऑफ एनी लॉस बी सेट सेट ऑफ ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड ओनली फिर साथ ये भी कहते हैं कि नथिंग सेक्शन सिक्स सेवन एट एंड नाइन शेल इन टाइटल एनी मेंॉस बाई सी आर हैव इट कैरीड फॉरवर्ड क्या है कि भले उसमें कुछ भी लिखा हो एक मेंबर के पास ये राइट नहीं है कि वो एओपी के लॉस को सेट फॉरवर्ड कर सके ये चीजें लिखी अब इसके नतीजे में दो ओपिनियंस बन सकती हैं एक क्या है कि शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम एओपी शेल नॉट बी टैक्स एज इनकम ऑफ यूपी रादर इज इनकम ऑफ द कंपनी द टर्म इनकम इंक्लूड लॉस इट मे बी इंटरप्रेटेड दैट शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम यूपी मे बी बाय द कंपनी Shifting a proportionate amount of tax withheld from AOP favors adoption of this interpretation. This the company can adjust share from loss of AOP. But another equally valid interpretation may be based on Section 59A, whereby loss sustained by AOP should not be shifted to the company being member, instead it should be set off and carried forward by AOP. ये तो है टेक्निकल डिस्कशन जिसे आप अपनी प्रैक्टिस में इन दोनों में से जिसको चाहे यूज कर सकते हैं लेकिन इम्तिहान में क्या करना है ये सेकंड इंटरप्रिटेशन को लेना लॉसेस ऑफ एओपी शैल बी एडजस्टेड ओनली बाय एओपी इम्तिहान में आपने इसको यूज करना है इसके अलावा कोई और चीज यूज नहीं करना टू बिजनेस अगर थ्रू इनहेरिटेंस है तो कोई मसला नहीं रूटीन में चलता रहेगा और अगर इससे हटके है यानी कि सेल कर दिया लिक्विडिट हो गया वगैरह कोई भी और मोड इस्तेमाल हुआ है तो लॉसिस को सेट अपरी फॉरवर्ड नहीं कर सके अन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बेसिक रूल ये है कि डेप्रिसिएशन शेल बी चार्ज लॉस्ट सबसे आखिर ठीक है तमाम खर्चे माइनस करने के बाद और फिर उतनी चार्ज करनी है जितने उस साल के एब्सॉर्ब कर सकते हैं अगर उस साल के प्रॉफिट्स काम हैं और ये ज्यादा है तो फिर उतनी ही चार्ज करनी है बाकी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या मोटरशन हो जाएगी इसको कैरी फॉरवर्ड करना है बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए और इसे इनडेफिनेट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है जब तक ये एडजस्ट नहीं होता आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसमें कोई लिमिट टाइम लिमिट नहीं है लेकिन इसमें कुछ कैपिंग आ गई है वो क्या है ये डॉट थ्री

जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज़ हैं वो माइनस करने हैं और बाकी जो कुछ बचेगा डेट इज टर्म एज रिमेनिंग बैलेंस इनकम ये स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको सारी मिल जाएगी वैसे ही मिल जाएगी मैंने कह देता हूं ये आपको सबको प्रोवाइड कर बल्कि साइट पे डाल दें जिसको भी चाहिए लोग ठीक अच्छा ये जो है दिस इज अमाउंट अवेलेबल फॉर अनएप्लॉय एफ अच्छा अपनी टेक्स्ट बुक में एडवांस टैक्सेशन में मैंने इसका ये लॉसेस को एडजस्ट करने का एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है बड़ा लंबा चौड़ा लेंथी है और वो कारामद चीज है अगर नजर से गुजर जाए अब बैलेंस आ गया अगर बैलेंस इनकम इज टेन मिलियन रुपीज आर मोर अब एडजस्टमेंट टेन मिलियन रुपीज आर मोर अगर है तो क्या करेंगे any brought forward amount of unabsorbed depreciation shall be set off against 50% of the balance in uh, business income wo jo balance income humne nikali hai business losses ko minus karne ke baad uska 50% use karna hai for adjusting the unabsorbed depreciation theek <coughs> hai so पहले उस balance को लेंगे उसका 50 परसेंट और फिर उसमें से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे अगर वो अनएबजॉर्ब एप्रीसिएशन सारी एडजस्ट हो जाती है ठीक है नहीं होती तो बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे ठीक है और <coughs> जो टैक्सेबल इनकम निकलती है वो कर लेंगे और फिफ्टी परसेंट जो है इसको ही आप यूज कर सकते हैं और अगर टेन मिलियन से कम है तो फिर जितनी अनएब्जॉर्ब एप्रिसिएशन एडजस्ट हो सकती है वो सारी की सारी कर लेंगे फिर ये देखने की जरूरत नहीं <coughs> इसका मतलब क्या हो कि पहले आपने नॉर्मल बिजनेस लॉसेस को एडजस्ट करना है और उसके बाद जो इनकम फ्रॉम बिजनेस बचेगी उसमें से अनएप डेप्रिसिएशन करनी और अगर वो टेन मिलियन से ज्यादा है तो फिर फिफ्टी परसेंट करना है अदरवाइज सारा करना <coughs>

अपियर नहीं होता टैक्स विद होल्डिंग रेट फॉर सेक्शन 231 थर्टी वन बी शैल बी इंक्रीज बाई टू हंड्रेड परसेंट इसका मतलब इफ दर्सन इज नॉट अपियरिंग इन ए देन टैक्स विद होल्डिंग रेट फॉर सेक्शन टू थर्टी सिक्स के शेल बी इंक्रीज बाई टू फिफ्टी परसेंट स्टार्ट इन तो ये जेन में रखना है कि ये नॉर्मल रेट्स हैं आम तौर पे हंड्रेड परसेंट इंक्रीज हो जाएगा टू थर्टी वन बी के तहत है तो टू हंड्रेड परसेंट हो जाएगा और टू थर्टी सिक्स के तहत है तो टू फिफ्टी परसेंट हो जाएगा इंपोर्ट के ये रेट दिए हुए अब ट्वेल्थ शेड्यूल में चीजें मैंशन है उसके तीन पार्ट हैं <laughs> इंपोर्ट बाई कमर्शियल इंपोर्टर 3.5 परसेंट तो ये अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर है तो उस पर थ्री परसेंट ही होगा ये जेन में होना चाहिए बाकी अदर uh, पर्सन की इंपोर्ट्स वो जो आइटम दिए हुए हैं पार्ट वन में पार्ट का रेट टू परसेंट और पार्ट थर्ड का फाइव पॉइंट फाइव परसेंट सो नॉर्मल रेट अगर आप देखें तो ये फाइव पॉइंट फाइव परसेंट है लेकिन तो <coughs> बाकी रेट्स याद करने की जरूरत नहीं बाकी रेट आपकी किताब मौजूद है उसमें दिए होंगे अब इसमें आप देखेंगे बाद में दोनों में एक फर्क है 148.7 क्या कहती है टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड मुझे सवाल आया था ना कि अगर कलेक्ट होगा तो कलेक्टेबल मैंने कहा रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड सो एट इंपोर्ट स्टेज शेल बी मिनिमम टैक्स ऑन इनकम ऑफ द इंपोर्टर अराइजिंग फ्रॉम द इंपोर्ट तो मिनिमम टैक्स किन सूरतों में ये एडजस्टेबल है

इसको ध्यान से देखने कि टैक्स रिक्वायर्ड टू तो बी कलेक्टेड एट इम्पोर्ट स्टेज शेल बी मिनिमम टैक्स इनकम ऑफ एवरी पर्सन अराइजिंग फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल पैकेजिंग मटेरियल पेपर एंड बोर्ड पेपर बोर्ड और प्लास्टिक और एपीआर के पास इख्तियार है कि इस लिस्ट में कमी बेशी कर सकते अब ये इतना आसान नहीं है मिनिमम टैक्स जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं आर के दो कंपोनेंट्स अंडर एन टी आर एंड टू टैक्स विधह ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। इन दोनों में से एक भी मिसिंग हो तो ये एम टी आर अप्लाई नहीं हो सकता अब नॉर्मल तरीके से उसकी इनकम कितनी थी और फिर उसके बाद टैक्स विदहेल्ड कितना हुआ था वो जो सेक्शन एट के तहत अब ये आइटम ऊपर सेवन सेक्शन सेवन में सीधा सीधा कहा हुआ है कि अगर वो आ, उसी फॉर्म में बेच देता है तो इट विल बी मिनिमम टैक्स अदरवाइज एडजस्टेबल होगा और इंडस्ट्रियल टेकिंग के लिए एडजस्टेबल होगा अब यहां जब कहते हैं एडिबल आयल पैकिंग मटेरियल पेपर एंड पेपर बोर्ड एंड प्लास्टिक इसमें अगर हम पहले आइटम को छोड़ते हुए बाकी तीनों आइटम्स देखें तो ये नॉर्मली पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं। अब अगर तो उसी फॉर्म में बेचते हैं तो फिर तो हमारे पास उसकी कोई इनकम उससे पटेनिंग आ सकती है अगर वो पैकिंग मटेरियल के तौर पे आपने यूज कर लिए इन योर ऑन मैन्युफैक्चरिंग तो फिर उस पर मिनिमम टैक्स कैसे निकालेंगे यू डोंट चार्ज एनी प्राइस सेपरेटली फॉर पैकिंग मटेरियल वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है उसका हिस्सा बना के बेचते हैं आप इलायदा से उसको बेचते नहीं अगर तो ये इसी फार्म में खरीद के आगे बेच रहे हैं फिर तो मसला ही कोई फिर तो मसला ही कोई लेकिन इसके लिए इलायदा से एक सब सेक्शन डेडिकेट करने का मतलब यह है कि यह जिस भी में में से मैं अगर देखूं तो इसमें से बहुत सारी चीजें एडि, तो कर लें बाकी जो पैकिंग मटेरियल अगर उन्होंने अपने लिए यूज किया है अगर तो बेचा है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं फिर तो उसकी इलाद से इनकम आ जाएगी अदरवाइज इट कैन नॉट बी टेकन एज मिनिमम टैक्स ये मसला होगा लेकिन इम्तिहानी वाले से अगर पूछे तो ये जो सेवन ए है इसमें चारों चीजें मिनिमम टैक्स की कैटेगरी में आती <coughs> वैल्यू ऑफ गुड्स सिंपल सी बात है जी थर्ड शेड्यूल के अगर आइटम्स हैं <coughs> अच्छा ये हम थोड़ी देर बाद ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद इस सिस्टम को यहां लगा दें ठीक है तो फॉर गुड्स टैक्सेबल एट रिटेल प्राइस एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ दिल टैक्स एक्ट रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज बाई दिल्ली गुड्सूल ड्यूटी जो रिटेल प्राइस विच इज फिक्स बाई द मैनुफेक्चर इंपोर्ट तो उसमें सेल टैक्स एड कर ले तो इट विल बी वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी ये स्पेसिफिक चीज है हालांकि वैल्यू

एट सेल टैक्स इट इज वैल्यू फॉर इट इज वैल्यू फॉर इनकम टैक्स अब इसमें पीछे वाली सारी ड्यूटी छोड़ दी रिटेल प्राइस प्लस सेल टैक्स दिस विल बी वैल्यू ऑफ द गुड विच आर बी इंपोर्टेड और वो थर्ड शेड्यूल्ड के आइटम्स बाकी सबके हवाले से वैल्यू हमने देख ली है चले जी छोटी सी ब्रेक करते हैं ठीक है <laughs> 네 <sweak> 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 Hello. Hello. Hello, hello Mike Test. Hello. 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 que

Thank mm -hmm. you. ही <coughs> स्टार्ट करें जी टू थर्टी फोर अभी देख लेते सो so, <coughs> आगे हम अगर देखते हैं पेमेंट ऑफ फॉर गुड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट इसमें जनरल रेट जो कंपनीज uh, के लिए डेट इज फोर परसेंट और बाकी लोगों के लिए इट इज फोर पॉइंट फाइव परसेंट इसको देन में रखने की जरूरत है क्योंकि इसकी uh, uh, ज्यादा एप्लीकेशन होगी सब्सिज के लिए जनरल रेट फॉर कंपनीज इट इज एट परसेंट एंड फॉर अदर परसेंस इट इज टेन परसेंट इसको देन में रखना है और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कंपनी का सिक्स एंड अदर केसेस के हवाले सेवन अब इसमें मेन चीज देखने वाली है और यही बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इन एग्जामिनेशन दैट इज व्हाट इज स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिडक्शन तो टैक्स डिडक्टेबल इसमें देखिए मैंने इसको बोल्ड भी किया अंडरलाइन भी किया है ये नहीं कि जो टैक्स कटा है जो टैक्स डिडक्टेबल है इनकम ऑफ द रेजिडेंट पर्सन एक्सेप्ट ये जो नीचे मेंशन है शेल बी मिनिमम टैक्स। सो ये नीचे जो तीन चार हैं इनको छोड़ते हुए बाकी सब के हवाले से इट विल बी टेकन एज मिनिमम टैक्स इसका मतलब नॉर्मल तरीके से टैक्स कंप्यूट करेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और विच एवर इज हायर शेल बी दी टैक्स लाइब एडजस्टेबल किन की सूरत मेंचरिंग कंपनी के लिए एडजस्टेबल है ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी इसके लिए मैनुफैक्चरिंग की कोई कंडीशन नहीं है देन मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मैनुफेक्चर बाय सो ये तीन किस्म के लोग हैं जिनके हवाले से इट इज एडजस्टेबल नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल है हवाले से इट इज मिनिमम टैक्स अब ब्रांडिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस के हवाले से भी इट इज मिनिमम टैक्स इसका मतलब यह कि अब अकाउंट सबने बनाने नॉर्मल तरीके से इनकम सबने देनी और फिर यह चेक करना है कि कौन सी टैक्स लाबिलिटी है उसको देखें स्पेसिफाइड सर्विसेज जो हैं, टू एक्सपोर्टर आर एक्सपोर्ट हाउस ये सात किस्म की हैं स्टिचिंग डाइंग, प्रिंटिंग वगैरह तो इसमें टैक्स डिडक्टेबल

<clears throat> अब जिन चीजों को जेहन में रखना है वो ये वाली है बाकी तो रूटीन की चीजें वेयर ए पर्सन रेंडिंग आर प्रोवाइडिंग सर्विस रिसीव पेमेंट थ्रू एन एजेंट और एनी अदर थर्ड पर्सन एंड डैट पर्सन रिटेन सर्विस चार्जेस आर फीस बाई वट एवर नेम कार्ड फ्रॉम द पेमेंट रिमिटेड टू द रेसिप

मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर एज ए प्रेस्क्राइब पर्सन प्रेस्क्राइब पर्सन जिसने ये टैक्स विद होल्ड करना है इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स विद होल्डिंग उस पर टैक्स नहीं लग सच पर्सन पर्सन शैल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम पेमेंट्स मेड इन इंस्पेक्ट ऑफ गुड्स होल्ड इन पाकिस्तान लेकिन जो पाकिस्तान में चीजें बेच रहा है उस पर एंड पेड टैक्स ऑन <coughs> टेड फ्रॉम पेमेंट अन अकाउंट ऑफ दप्लाई ऑफ गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन पाकिस्तान इफ द सेल्स इन पाकिस्तान आर इन एक्सेस ऑफ फाइव परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स ये है असल चीज नोट करने वाली अगर फाइव परसेंट ऑफ द एक्सपोर्ट सेल्स से ज्यादा है इन लोकल मार्केट तो फिर टैक्स विद होल्डिंग उस पर अप्लाई होगी और अगर ये फाइव परसेंट के अंदर अंदर है तो फिर उससे टैक्स नहीं काटा जाएगा लोकल सप्लाईज पे भी नहीं काटा जाएगा और जो लिमिट है वो आप जानते हैं कि गुड्स पे सेवेंटी फाइव थाउजेंड और बाकी पे थाउजेंड एक्सपोर्ट वन परसेंट सिंपल सी कहानी इसके हवाले से जो चीज देखने वाली है कि किस की सूरत में ये फाइनल टैक्स है और किन की सूरत में मिनिमम टैक्स नॉर्मली सबके हवाले से फाइनल uh, टैक्स है लेकिन मिनिमम टैक्स कहां पे है इन केस ऑफ ए पर्सन हु दैट हिज इनकम शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन सो नॉर्मली इट इज एफ लेकिन अगर कोई शख्स ऑप्ट करता है कि जी मैं इसको एफ में नहीं नॉर्मल तरीके से जाना चाह रहा हूं तो उसके लिए ये मिनिमम टैक्स हो मिनिमम टैक्स ये एडजस्टेबल नहीं मिनिमम टैक्स कम अज कम तो उसने इतना पे करना अगर उसे ज्यादा पे जाना चाह रहा है तो वो कर सकता है और ये जो ऑप्शन है ये हर साल उसने एक्सरसाइज करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन वन फोर्टी डिविडेंट एंड स्कूक्स के हवाले से एक दो चीजें जेन में रखने वाली हैं कि रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए फॉरन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान इज टेकन एज डिविडेंट सेक्शन दो की सब सेक्शन नाइनटीन में कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की कंपनीज की ब्रांचेज हैं वो अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रिमिट करते हैं तो डेट इज ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड पाकिस्तान और प्राइवेट कंपनी जो है अगर उसने अपने शेयर होल्डर्स को ये दो में से दो चीजें पूरी होती हैं तो फिर को पैसे दिए तो डेट एडवांस लोन इज टेकन एज डिविडेंट और वो क्या है बाई वे ऑफ एडवांस लोन टू द शेयर होल्डर शेयर होल्डर इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर अगर ये दिए और फिर कंपनी के पास अकोमोडेटेड प्रॉफिट भी है देने को पैसे भी है प्रॉफिट भी मौजूद है तो ये जो है इट विल बी टेकन एज डिविडेंट लेकिन अगर ये बाद में कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड पे किया और ये लोन जो है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाएगा अगर वो लोन उसने पे करती है और अगर उस डिविडेंड कंपनी ने नहीं पे किया और ये लोन उसने रीपे कर दिया हुआ तो जब वो रीपे करेगा उस वक्त उसकी टैक्स लाइबिलिटी उतनी कम कर देंगे जितनी पहले उसकी डिविडेंट इनकम समझ के टैक्स लाबिलिटी बढ़ाई हुई थी या उसको अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो फिर उसको वो रिफंड मिल जाएगा ये जो पैसा <coughs> बोनस के हवाले से हमने चीज पढ़ ली है ठीक है करंट so पोजीशन इसकी बड़ी सिंपल सी है कि इट इज नॉट इनकम जब बोनस शेयर रिसीव करेंगे टैक्सेबल नहीं होगा जब बेचेंगे तो टैक्सेबल होगा और कॉस्ट इसकी डायल्यूटेड वैल्यू ली जाएगी ये डिविडेंड के टैक्स रेट्स हैं सो नॉर्मल रेट जनरल रेट इज फिफ्टीन परसेंट उसको दिन में रखें अब इसके नतीजे में एक कैलकुलेशन कहीं आ जाती है और वो कैलकुलेशन क्या है कि ग्रॉस डिविडेंड कैसे निकालना है

टैक्स एंड जकत शेल बी पे टू देयर होल्डर तो ये उसकी सीक्वेंस तो करेंगे क्या जो नेट डिविडेंट रिसीव है उसमें सबसे पहले जकात एड करेंगे ठीक है ये जो फिगर आ गई इट इज डिविडेंट बिफोर डिडक्शन ऑफ जक इसको ग्रॉस कैसे करना है इट शैल बी टेकन एज एटी फाइव परसेंट क्योंकि बाद जो चीजें हैं वो नेट आपने देख लिया नेट आपको मिल गया वो पहले टैक्स उसमें से माइनस किया फिर जकत माइनस की और फिर नेट आपको दे दिया तो नेट में पहले जकत ऐड कर दी ये जो फिगर है इट इज एटी फाइव परसेंट इसको एटी फाइव परसेंट से डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स द्रॉस अमाउंट ऑफ दिवीडन जहां ग्रास अमाउंट की जरूरत हो तो ये इस सीक्वेंस से करना है अच्छा प्रॉफिट एंड डेट का इससे बिल्कुल डिफरेंट है हाँ जी ये क्लियर हो गया अच्छा इसी जरा एक मिनट पहले यहां प्रॉफिट एंड डेट का भी हम साथ ही देख लें ताकि ये दोनों चीजें बयक वक्त क्लियर हो जाए प्रॉफिट ऑन डेट को कैसे आपने ग्रॉसअप करना है इसका सीक्वेंस देखिए ये पॉइंट नंबर वन टू थ्री जकत सेल बी डिडक्टेड एज पर जकत एंड और उशर ऑर्डिनेंस फ्रॉम दी ग्रास अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड डेट वहां सीक्वेंस क्या थी कि पहले टैक्स एट सोर्स कटना था फिर उसमें से जकत माइनस होकर फिर नेट होता था यहां क्या है कि पहले जकत कटेगी फिर टैक्स अंडर सेक्शन 151 फिफ्टी वन शेल बी विधह और वो भी उसका रेट इज फिफ्टीन परसेंट और फिर प्रॉफिट नेट ऑफ जकत एंड टैक्स विदहल शैल बी पेड तो जो नेट आपको मिला है ठीक है इसे ग्रॉस करना है बिफोर जकार डिडक्शन क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से ग्रॉस में से पहले जकत माइनस हुई फिर फिफ्टीन परसेंट लगा और फिर नेट मिली तो ये जो फिगर आपने नेट रिस की इसको ग्रॉस करना है बिफोर जकार डिडक्शन नेट रिसवाइडेड बाई एटी फाइव परसेंट अब इसमें जकत एड करनी है तो यूं ग्रॉस अमाउंट पे जाएंगे तो ये चीज जो है इन दोनों की सीक्वेंस को जेन में रखना है ठीक होगी अब वापस चलते हैं जहां हूँ हाँ जी ये डिविडेंट हम देख रहे थे स्टेटस ऑफ टैक्स विदाइल हमने देख लिया हुआ है डिविडेंट इन भी देख लिया डिटेल से हमने पढ़ लिया हुआ है टैक्स ट्रीटमेंट हमने इसका देख लिया रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन स्कूट कंपनी पे ट्वेंटी फाइव परसेंट इंडिविजुअल्स एंड एओपीस अगर रिटर्न इज लेस देन वन मिलियन तो टेन परसेंट मोर देन वन मिलियन ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट और इसके टैक्स विद होल्डिंग के रेट भी सेम है

तो एफटीआर और पांच मिलियन से ज्यादा है तो फिर एन टी आर से इट इज एट रेट ऑफ़ 15%। टैक्स ऑन प्रॉफिट सिंपल वही अभी जो चीज हमने पढ़ी सेक्शन सेवन बी वो कहते हैं कि किन लोगों पे ये अप्लाई नहीं होगैम्प्ट फ्रॉम टैक्स अगर इनकम मोर देन फाइव मिलियन रिसीव फ्रॉम ए पर्सन अदर देन दो स्पेसिफाइड इन द रूल्स लोन एग्रीमेंट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंपल सी कहानी है इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग अच्छा इस पे विद होल्डिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो पेमेंट करनी है उस पर टैक्स विद होल्डिंग नहीं इन्वेस्टमेंट इन बैबू सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है प्रॉफिट इन एरियस इसका ट्रीटमेंट भी वही है जो सैलरी रिसीव्ड इन एरियस है लेकिन चूंकि बहुत सारे जो हैं अगर हम देखते हैं जैसे बहबूथ फंड है और दूसरे तीसरे नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स से हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो वो एफ में जा रहे हैं एफ में अगर जा रहे हो गो कि ये सेक्शन थर्टी नाइन फोर ए और फोर बी मौजूद है अगर कोई इनकम एफ में जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरियर में रिसीव किए या कैसे किए क्योंकि रेट इज सेम तो जहां रेट की बिना पे टैक्स लाइबिलिटी डिफरेंट हो जाए तो वहां आपको ये राइट है कि आप अक्रूवल बेसिस पे चाहें तो कर सकते हैं यहां इसकी जरूरत नहीं होगी

कि अगर सेवन बी के तहत है तो इट इज फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स अगर कंपनी का है तो इट इज एडजस्टेबल अड़िस और बाकी जितने उनके लिए इट इज मिनिमम टैक्स तो बड़ी ब्रीफ सी फॉर्म में सेवन बी है तो फाइनल टैक्स कंपनी है तो एडजस्टेबल और बाकी सब की सूरत में अगर ये एन में जाए तो इट इज मिनिमम टैक्स अच्छा इसमें एक इश्यू है कि प्रॉफिट एंड डेट इज टैक्सेबल अंडर एस टी आर अगर है या एफ टी आर है तो ग्रास अमाउंट पे

वो डिफरेंस अगर बनता है तो डेट इज टू बी पेड फॉरन सोर्स प्रॉफिट ऑन डेट सेम है जी कोई तो मसला नहीं है इसमें इंटर कंपनी लोन्स वन फिफ्टी वन को छोड़ते हो जो टैक्स एट सोर्स पे अप्लाई हो अब इंटर कंपनी लोन्स अगर हैं तो उस पे अगर एग्रीमेंट के मुताबिक प्रॉफिट एंड डेट पे होना है तो वो पे भी होगा और इनकम फ्रॉम अदर के तौर पे जाएगा और फिर जहां कहीं डिडक्शन है वहां एडमिसिबल भी होगा और अगर इस पे अच्छा ये एक चीज इनमें रखनी है कि टैक्स विद होल्डिंग के लिए स्पेसिफाइड हैं भी हर बंदा प्रॉफिट एंड डेट पे टैक्स विद होल्ड नहीं कर सकता ठीक है उन लोगों से हटके जिनका उसमें जिक्र है कि ये विदहोल्डिंग एजेंट हो सकते हैं अगर किसी और ने इंटर कंपनी प्रॉफिट किया है, तो उस पे एट सोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये चीजें इनमें रखने वाली <coughs> अच्छा और अगर विदहोल्डिंग अप्लाई होता था और नहीं किया तो फिर वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा अच्छा जहां ये रिसीवेबल नहीं है प्रॉफिट एंड डेट तो अब कोई ट्रीटमेंट नहीं किसी जमाने में ये ट्रीटमेंट होता था कि एटलीस्ट जो बारिंग कॉस्ट ऑफ दी कंपनी है वो चार्ज की जाए अब उस पर किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होगा अगर नहीं चार्ज किया तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा <laughs> इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स पंजाब में कानून मौजूद है कि प्राइवेट लोन्स नहीं दिए जा सकते ऑन इंटरेस्ट अगर किसी ने दिया है तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लेकिन अगर ये प्राइवेट लोन्स किसी ने पे किए हैं तो जो कानून इसका मौजूद है उसके मुताबिक ये सजा हो सकती है सो ये बहुत ही अहम चीज स्कूक्स सेम मिनिमम टैक्स के हवाले से सेक्शन 113 सिंपल सी कहानी है कि किन लोगों पे अप्लाई होता है रेजिडेंट कंपनी पी या फिर नॉन रेजिडेंट कंपनी इंडिविजुअल हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ पीस मिलियन आ, उससे ज्यादा एओपी की भी यही सूर्त हाल है अच्छा कंपनी में रेजिडेंट कंपनी कह दिया इसका मतलब तमाम कंपनी शामिल है चाहे वो प्राइवेट है सारी उसमें आ जाएंगी और इसके लिए कहते हैं कि अगर किसी किस्म की कोई उस और उसकी टैक्स लाबिलिटी नहीं है या टैक्स लाबिलिटी उसकी जो है वो जनरल रेट इज 1.25 परसेंट तो 1.25 परसेंट से कम है तो फिर एटलीस्ट 1.2% परसेंट द टर्नओवर ये उसने पे करना है। और वो इसमें ये है कि किसी भी रीजन की बिना पे और रीजन में पॉइंट नंबर थ्री अगर आप देखते हैं डेट इज एग्जemption फ्रॉम टैक्स सो अगर कोई टैक्स पेयर 113 जिस पे अप्लाई होती है इफ द इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इवन देन 1.25% इज टू बी पेड एज मिनिमम टैक्स अब ये जो <coughs>

एओपी की है तो कंपनी का जो प्रपोशनेट शेयर है फ्रॉम एओपी इन चीजों का वो भी एड करना है जब हमने कंपनी की वन थर्टीन के तहत टर्न ओवर कंप्लीट करनी लेसर लाइबिलिटी है तो आपने पे करना है यह वन पॉइंट टू फाइव परसेंट और इसे तीन सालों तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते इसका मतलब अगर अगले सालों में टैक्स अंडर एन टीआर इज मोर देन टैक्स अंडर सेक्शन वन थर्टीन तो फिर उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो सकता टैक्स लाइबिलिटी है तो भी आपको ये पे तो करना है वैसे भी आप तीन सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते इंडिविजुअल्स के हवाले से जो चीज नोट करने वाली है कि शेयर फ्रॉम एओपी अगर तो एओपी एग्जेप्ट फ्रॉम टैक्स पहले इसकी चीज सूर्त्याल कुछ और थी इस दफा उन्होंने एक, इसमें सेक्शन 92 में पहले सिर्फ ये था कि इफ द फर्म हैज पेड टैक्स लायबिलिटी देन शेयर रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम एओपी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लेकिन यहां सूरत अलग डिफरेंट हो गई है कि अगर एओपी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स तो ऐसी सूरत में शेयर फ्रॉम एओपी भी एग्जेम्प्ट समझा जाएगा एओपी इज टैक्सेबल बट हैज नॉट पेड टैक्स तो ये एक सूरत रह जाती है कि एओपी

अगर उस बंदे की कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो दिस इज और उससे कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी लेकिन अगर उसकी कोई और एन में टैक्सेबल इनकम्स हैं तो उसमें इसको ऐड करना है और उसके साथ एवरेज रेट ऑफ टैक्स की टैक्स लाबिलिटी डिटर्मन करना है और फॉर टैक्स क्रेडिट भी इसी चीज को यूज करना है बाय एडिंग शेयर फ्रॉम यूपी इनकम ऑफ ए माइनर अगर उसकी बिजनेस इनकम है तो वो उसके वालदेन में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके साथ ऐड कर देगी लेकिन अगर उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जैसे इसमें लिखा हुआ कि उसने ये अक्वायर किया थ्रू इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ये भी वरासत सक्सेशन भी वरासत सक्सेशन इमीडिएट वालदेन की तरफ से और इनहेरिटेंस बाकी किसी और रिश्तेदार की तरफ से जो आ सकते हैं तो अगर उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जैसे इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो फिर उसकी बिजनेस इनकम सेपरेटली टैक्सेबल होगी उसके वाले इनकम के साथ क्लब नहीं होगी और बिजनेस इनकम से हट के अगर कोई माइनर की इनकम है तो वो उसकी इंडिविजुअल की इनकम के तौर पे असेसबल होगी वो वालदेन की इनकम के साथ कलब नहीं होगी और ये अट्ठारह साल की उम्र की बात की है माइनर एट ईयर ये जब देखना है कि क्या ये अठारह साल का है फॉर दर्पज ऑफ सेक्शन नाइनटी वन तो एट टैक्स ईयर अगर उसकी उम्र 18 साल तक है तो वो इस कैटेगरी में आएगा एओ <coughs> पी की सूरत में लॉस हमने डिस्कस कर लिया जी लेकिन लॉस फ्रॉम एओपीज नॉट पेड टैक्स अगर उसकी इनकम टैक्सेबल थी तो ये लॉस भी उसी तरीके से जाएगा बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं डि कर लिया कि उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा और इसी की बेस पे फिर उसके लॉस ये सारी चीजें देख लेंगे कंपनी के हवाले से समॉल कंपनी जो है जो कंपनी लॉ के तहत तो रजिस्टर हुई हो, हो और

पब्लिक uh, कंपनी को सवाल किया गया ए कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है और आगे चल के अगर आप देखें तो फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है देन थर्ड में ए कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और इसमें भी क्या है एंड रिमेंड लिस्टेड एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर अगर एट दी एंड ऑफ द टैक्स ईयर ए कंपनी इज नॉट लिस्टेड तो डैट नॉट बी टर्म एज पब्लिक और अगर अगले आखिरी महीने में वो लिस्टेड हो जाती है तो वो पब्लिक कंपनी गिनी जाएगी <coughs> और यूनिट्स जो है यूनिट ट्रस्ट वो भी इसी कैटेगरी में आते <coughs> टैक्सेशन बड़ी सिंपल सी कहानी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है से उसकी टैक्स लाबिलिटी और इलाह से सारा कुछ कंप्लीट हो गया सेक्शन थर्टी वन ऐसी है जिसमें रिजर्व को जो पैसे ट्रांसफर किए गए अलाउड एज डिडक्शन कंपनी सेक्शन सिक्सटी सिक्स जो है उसके थ्रू पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल कैपिटल इशू किया जाता है और उसमें कहा हुआ है कि आपने पार्टिसिपेटरी रिजर्व क्रिएट करना है और वो जो रिजर्व क्रिएट करना है दैट इज अलाउड एज डिडक्शन और वो कितना है

और ओवरऑल टेन परसेंट कर सकते अब आ जाते हैं सेक्शन वन थर्टीन सी अल्टरनेट कारपोरेट टैक्स ए सी टी टी अगर हम देखें तो यह हाल यूं बनती है कि कंपनी की जिस कंपनी पे यह अप्लाई होता है उस कंपनी के लिए टैक्स लाइबिलिटी <coughs> मिनिमम टैक्स कैसे डिटरमिन करना है कार्पोरेट टैक्स और कार्पोरेट टैक्स क्या है टैक्स अंडर एनटीआर बल्कि यहां दिया हुआ लिखा हुआ है इसको लिखने की जरूरत नहीं है सो कार्पोरेट टैक्स इज हायर ऑफ टैक्स अंडर एनटीआर एंड टैक्स अंडर सेक्शन 130 तो पहले आपने ये फिगर तय करनी है इन दोनों में से कि बड़ी कौन सी फिर इसको कंपेयर करना है विद अल्टरनेट कार्पोरेट टैक्स इन दोनों में से जोंसी सी फिगर बड़ी होगी दैट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी जो इस कैटेगरी में फॉल करती सो नॉर्मल टैक्स

सर ये जो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है इसकी सर समाइम उन्होंने कुछ ऐड किया होता है कुछ लेस किया होता है हाँ वो, वो अभी आते हैं ना जी वो इस पे ये देखते हैं कि कार आ, ये अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है क्या सो इट इज द टैक्स एट द रेट ऑफ 17 परसेंट और 17 परसेंट किसका है ये जो एंड पे हम फिगर डिटर्मन कर हैं और वो फिगर कैसे डिटर्मन होगी अकाउंटिंग इनकम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत हमने इनकम निकाली हुई है ठीक है उसमें से माइनस क्या हो रहा है एग्जेप इनकम इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर एसटीआर, ये माइनस होगी इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65 फाइव डी और 65 फाइव ई और इसी तरीके से अंडर डी जो है ये वो इनकम्स हैं जो इसमें टैक्स क्रेडिट पे अवेलेबल है इनको माइनस करने के बाद जी

इसे ऊपर कंपेयर करने के बाद जो फिगर आएगी दैट विल बी टेकन एज द टैक्स लाइबिलिटी अब इसमें सूरत क्या है <coughs> ये जरा पॉइंट नंबर थ्री अगर आप देखते हैं कि अनएडजस्टेड एक्सेस टैक्स मे बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू टेन इयर्स पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वन थर्टीन का जो एक्सेस टैक्स है वो तीन सालों तक कैरी फॉरवर्ड करना है अब फर्ज करें कि वो वाला भी है और ये वाला भी ठीक है थीक? सूरत कहां पैदा हो सकती है जहां <coughs> वहां भी एक हायर फिगर आ रही है फिर यहां भी एक हायर फिगर आ रही है तो किस को कैसे एडजस्ट करना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले तो उसकी एडजस्टमेंट है वन थर्टीन की फिर वन थर्टीन सी की ठीक है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो <coughs> दोनों में से जोन सा हायर होगा उसको आपने चेक कर लेना कि टैक्स अंडर एन टी आर कितना था और बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर लें तीन सालों तक तो पहले वाला हो सकता है ये दस सालों तक हो सकता है तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा परमानेंट स्टेब्लिशमेंट डेफिनेशन आप जानते हैं जी इसमें जो खास चीजें देखने वाली के पी की टैक्सेशन अच्छा पी की टैक्सेशन बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मली करते हैं जैसे किसी रेजिडेंट पर्सन की करते हैं लेकिन इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं जो इसके हवाले से देखनी है और वो क्या है कि ये सेपरेट एंटिटी होगा फ्रॉम नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन रेजिडेंट की हालांकि उसी की पी है लेकिन उससे बिल्कुल इलाहदा से हम इसको लेंगे देन फॉलोइंग अमाउंट आर रिसीवेबल बाय पी फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम एनदर पी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ पी ये तीन किस्म की चीजें हैं जो अगर इसकी हेड ऑफिस पैसे ये रिसीव होते हैं या अनदर पी ऑफ दी नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है तो इसको इनकम नहीं समझेंगे इसी तरीके से यही तीन चीजें अगर खर्चे के तौर पर तो खर्चा भी नहीं लेंगे और क्या है क्या ये रॉयल्टी फीस एंड अदर सिमिलर पेमेंट्स फॉर यूज ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल कंपनसेशन फॉर एनी सर्विस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट सर्विस फी एंड प्रॉफिट ऑन डेट ये अगर आप देखें प्रॉफिट ऑन डेट अनमनी मनी लेंट टू पी सवाए बैंकिंग सेक्टर के सो so ये तीनों किस्म की पेमेंट्स ना इनकम में शामिल होंगी और ना ही एक्सपेंस के तौर पे लेंगी ठीक हो गया तो ये खास चीज दूसरी चीज डिडक्शन जो है वो किन चीजों किस तरीके से रेगुलेट करेंगे एक्सपेंसेस शेज बी एडमिसिबल एज पर नॉर्मल प्रोसीजर अमाउंट पेड और ये ये हमने तीनों पढ़ने की ये अगर आपने पे किया तो इसको नहीं लेंगे देन हेड ऑफिस के एक्सपेंडिचर जो है वो उसी फार्मूले के तवसस से जो हमने पहले देखा हुआ है कि इसकी टोटल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस की फिगर को डिवाइड कर देंगे विद टोटल वर्ल्ड वाइड टर्नओवर ऑफ द नॉन रेजिडेंट और पाकिस्तान में जितनी उसकी टर्नओवर है पी की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हेड ऑफिस एक्सपेंसेस इस अमाउंट पे एलोकेट हो जाएंगे और ये एडमिजिबल होंगे एडवांस <laughs> रूलिंग रेजिडेंट के हवाले से है ये बड़ी एक, अच्छी एक सेक्शन थी इसमें क्या है कि अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो ये देखता है कि मेरा कितना टैक्स इम्प्लीकेशन होगा इस पर्टिकुलर केस में वो अपने सारे फैक्ट डिस्क्लोज करता है टू एफ और एफ उसकी बेस पे उसे लिख के थ्रू कमिश्नर ये देते हैं कि जी ये वाला आपकी टैक्स इम्प्लीकेशन होंगी अंडर द लॉ जब आप इन सारी चीजों के साथ आ रहे होंगे

The taxpayer has made a full and true disclosure of the nature of all aspects of the transactions relevant to the ruling. And the transaction has proceeded in all material respect as described in the application for ruling. Sara binding Status Nepal Controlled foreign companies. Section 109A. कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनीज होती क्या है नॉन रेजिडेंट कंपनी शैल बी कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी कंडीशंस क्या है नंबर वन इट्स शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्ड मोर देन फिफ्टी परसेंट बाई वन आर मोर परसेंस रेजिडेंट इन पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट कंपनी की बात हो रही है उसके 50% परसेंट या उससे ज्यादा शेयर रेजिडेंट पर्सन के पास या 40% परसेंट बाई ए सिंगल पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान 50% परसेंट या 40% परसेंट टैक्स पेड अंडर फॉरेन टैक्स क्रेडिट आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट बाय एनआरसी टू एनी फॉरेन टैक्स अथॉरिटी ऑन इट्स इनकम डिराइव्ड आर अक्रूड ड्यूरिंग ए फॉरन टैक्स ईयर

यहाँ नॉट रेजिडेंट कंपनी जो है वो एक्टिव बिजनेस इनकम अर्न नहीं कर बिजनेस नहीं उस तरीके से कर एंड द शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड जिस मुल्क की ये रेजिडेंट है वहां वो लिस्टेड नहीं अब एक्टिव बिजनेस इनकम भी डिफाइन कर दी गई है कि इससे क्या मुराद है इट मींस इनकम ऑफ अ कंपनी व्हिच प्रइंसिपली डिराइव्ड डराइव्स

सेल आर लाइसेंसिंग ऑफ इंटेजिबल्स मैनेजमेंट होल्डिंग इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा इनसे नहीं बल्कि आ रही है तब हम इसे कहते हैं इट इज एक्टिव बिजनेस इनकम और जिस कंपनी को हम नॉन रेजिडेंट कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी की एक्टिव बिजनेस इनकम नहीं है अब टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सी एफ सी कंट्रोल फॉरन कंपनी से जो इनकम आ रही सी एफ सी शेल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट कंट्रोल फॉरन कंपनी है बट इट शेल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट एंड इनकम ऑफ CFC एफ शेल बी एन अमाउंट इक्वल टू इट्स टैक्सेबल इनकम डिटर्मन अंडर द इनकम टैक्स ऑन तो इसकी इनकम यहां करेंगे सच इनकम शेल बी डेल्ट एज बिलो इट बी टैक्सेबल एट द रेट एप्लीकेबल टू डिट इनकम फिर इट बी ट्रीटेड एज जीरो इफ इनकम इज लेस देन टेन मिलियन मिलियन से कम है तो इट शैल बी एग्जेम फ्रॉम टैक्स इससे ऊपर है तो इसे हम डिविडेंट इनकम के तौर पे टैक्सेबल अब रेजिडेंट जो था जिसकी बिना ये कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी बनी उस रेजिडेंट की इनकम एट्रीब्यूटेबल टू तो सी कैसे निकालें और उसका क्या ट्रीटमेंट करना है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू सी एफ टैक्सेबल इनकम रूटीन बाकी प्रोवीं इनकम शेल बी ट्रीटेड एज जीरो राइट ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन इज लेस देन टेन परसेंट

और फिर परसेंटेज ऑफ दी वोटिंग राइट्स डायरेक्ट डायरेक्टरी जो है वो परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी इनकम निकल आएगी टोटल इनकम ऑफ सी एफ सी और फिर जितने परसेंटेज इसके पास शेयर होल्डिंग है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू सी एफ सी इनकम ऑफ दिस कंपनी शैल बी करेंसी ऑफ दैट कंपनी एंड कन्वर्टेड ज्यादा की बात हो रही है अगर उसके हवाले से टैक्स उसने पे कर दिया तो फिर क्या होगा टोटल इनकम तो जब वो फॉरेन कंपनी उसे उसका हिस्सा इनकम का देते हैं तो फिर दोबारा से टैक्सेबल नहीं हो the person shall be allowed a tax credit if in पर्सन tax बी अलाउड ए receives इफ इन CFC after फ्रॉम of tax on that dividend। अगर डिविडेंड इनकम वहां से आ रही है और उस डिविडेंड इनकम पे वहां टैक्स कट गया था तो यहाँ उसे टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा अंडर सेक्शन और टैक्स क्रेडिट वही जो हमने पढ़ा हुआ है कि फॉरन टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स बाई अप्लाइंग द रेट ऑन डिविडेंट रिसीव्ड वो चीज हो जाएगी अब फॉरन कंट्रोल्ड रेजिडेंट कंपनी ये उसके उलट है। वो नॉन रेजिडेंट कंपनी थी ये रेजिडेंट कंपनी है तो इसमें रूल अप्लाई होता है थिन कैपिटलाइजेशन थिन कैपिटलाइजेशन क्या है कि जिसमें कंपनी यानी कि फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी है रेजिडेंट कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कैपिटल कम है और लोन्स की सूरत में ज्यादा है लोन्स की सूरत में इसलिए कि डेट इज अलाउड एज डिडक्शन वो जो मार्कअप है वो डैट इज अलाउड एज डिडक्शन तो उसको टैप करने के लिए ये काम किया गया है कि थिन कप इसमें क्या कहते हैं कि नंबर वन ए फॉरन कंट्रोल्ड रेजिडेंट कंपनी शेल नॉट बी अलाउड ए डिडक्शन फॉर द प्रॉफिट ऑन हंड्रेड पेज बाई इट ऑन डेट पार्ट ऑफ द डेट एज एक्सी प्रस्क्राइब रेशो कि रेशो से ज्यादा अगर है तो फिर वो अलाउ नहीं होगा तो जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही आपने देखना है कि ये इसका कितना फालतू प्रॉफिट डेट है जो डिस अलाउ करना है और वो रेशो कौन सी है फॉरन डेट टू फॉरन इक्विटी रेशियो डेट इज थ्री टू वन इसका मतलब है कि इक्विटी अगर वन है तो थ्री तक उसको डेट अलाउड है उस हद तक अगर है तो फिर कोई मसला नहीं और जो उसपे टैक्स ये अपने प्रॉफिट एंड डेट है डेट विल बी अलाउड और अगर इससे हटके तो फिर उसपे डिडक्शन अवेलेबल नहीं <coughs> अब इसमें वेयर डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड थ्री टू वन एट एनी टाइम एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर एट एनी टाइम एनी अमाउंट पेड एज प्रॉफिट एंड डेट And that part of the debt as exceeds three to one ratio shall not be allowed as deduction. Or And financial institutions or banking companies apply new. A foreign controlled company resident company means a resident company in which 50% or more underlying ownership of the company is held by a non resident person either alone or to together with an associate. आर एसोसिएट्स। सो नॉन रेजिडेंट्स जो हैं, अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी के फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं तो इट विल बी टेकन एट एज फॉरन कंट्रोल्ड रेजिडेंट कंपनी ये खुद से भी कर सकते हैं और जो इसके एसोसिएट्स हैं वो भी कर सकते हैं। और फॉरन डेट इन रिलेशन टू फॉरन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी मीन द्रेटेस्ट अमाउंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग दर ग्रेटेस्ट अमाउंट तो आपने पूरे साल में देखना है किस कि स्टेज पे कितना लोन था अच्छा उसमें रीपेमेंट भी आजानी चाहिए हाइस्ट अमाउंट देखनी है किन चीजों की दैलेंस ऑफ एनी डेट ओड बाई एफ सी आर सी टू ए फॉरन कंट्रोलर आर हिस्स नॉन रेजिडेंट एसोसिएट्स अच्छा रेजिडेंट एसोसिएट्स की बात नहीं हो रही नॉन रेजिडेंट एसोसिएट्स प्रॉफिट इधर एक्जेम कंडीशन क्या है या तो उसमें प्रॉफिट था या जो कारपोरेट रेट ऑफ टैक्स हैदर देन दो स्पेसिफाइड अब इफ डैट पर्सन इज ओइंग ए सिमिलर अमाउंट ऑफ डेट टू दिन कंट्रोलर आर हिस्स एसोसिएट और ये <coughs> जो है एट एनी टाइम आप उसको देख रहे हैं ठीक है और फॉरन इक्विटी के हवाले से जो एंड पे चीज लिखी हुई है एट बिगनिंग ऑफ टैक्स ईयर देखना है कि कब था और यह बिगनिंग पे इक्विटी कितनी थी और इक्विटी कैसे आप निकालते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर सेल्ड शेयर प्रीमियम अकोमोलेटेड प्रॉफिट एसेट रिवेल्यूशन रिजर्व इन सबको एड कर लें और इसमें से डेट ऑब्लिगेशन ओन टू एफ सी आर सी बाई फॉरन कंट्रोलरिएट शेयर इन अकोम ये माइनस कर दें तो दिस विल बिकम इक्विटी इस फार्मूले के तौर से आपने फॉरन इक्विटी निकालनी है इसका थ्री टाइम्स कर लेना है उसे कंपेयर करना है विद दी डेट एट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग टैक्स ईयर और अगर वो उसके अंदर है तो कोई मसला नहीं अगर उससे ज्यादा है so pay a proportionate amount of the profit and debt shall not be allowed as deduction. <clears throat> <coughs> एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एस को प्रॉफिट एंड डेट के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्श ए पार्ट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड एज फॉरन कंट्रोल डेट इज क्लेम्ड बाई ए फॉरन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी ड्यूरिंग ए टेक्स इल बी डिस अलाउड एज पर फॉलोविंग फॉर्मूला ये इलादा से इंडिपेंडेंट सेक्शन है वो सेक्शन इंडिपेंडेंट के इस फॉर्मूले के तवस्थ से बी माइनस ए प्लस बी पॉइंट वन फाइव इसमें क्या कह रहे हैं कि ए इज द टैक्सेबल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड बी इज द फॉरेन प्रॉफिट अंडर क्लेम्ड एज डिडक्शन इसको इस फॉर्मूले में इन करना है और पॉइंट वन फाइव से मल्टीप्लाई कर देना है इस हद तक अगर जो फिगर बनती है तो डेट इज डिस हमने पढ़ लिया कि फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी क्या होती है फॉरेन प्रॉफिट एंड डेट क्या होता है ये पढ़ लिया जी असेसमेंट और इसमें वैलेट के लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है प्रेस्क्राइड फॉर्म पे और पेक्सर सारे ठीक हों होंट पर्टिकुलर्स उसमें दिए हुए हों एविडेंस पेमेंट ऑफ टैक्स मौजूद हो उस बंदे के साइन हो वेल्थ स्टेटमेंट नेचुरल पर्सन की सूरत में होनी जरूरी है और इसी तरीके से नेचुरल के हवाले से कंप्लेन बाई एन इनकम एंड एस एस स्टेटमेंट और ये अगर है तो ठीक अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो डिमांड कर सकते हैं आफ्टर गिविंग ए नोटिस वन फोर्टीन फोर तो उसके लिए नॉर्मली थर्टी डेज टाइम पीरियड दिया होता है कि थर्टी डेज के अंदर अंदर ये रिटर्न फाइल करनी होती है। और किन सालों के हवाले से हो सकती है फाइव कंप्लीटेड टैक्स के हवाले से नोटिस दिया जा सकता रिवाइज आप कर सकते हैं रिटर्न अगर आपने फाइल की है या असेसमेंट ऑर्डर उसका हो गया तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने खुद फा, फाइल की थी और उसमें कोई मिस स्टेटमेंट या कोई कैलकुलेशन uh, आ जाती है तो ऐसी सूरत में विद इन सिक्सटी डेज अगर आप रिवाइज uh, करते हैं <coughs> तो कर सकते हैं जी लेकिन अगर आपने उसमें अपनी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ानी है और अगर रिफंड कम करने तो फिर कमिश्नर से पूछने की जरूरत नहीं अदरवाइज कमिश्नर से पूछ के ये करनी और अगर किन सूरतों में अप्रूवल नहीं चाहिए रिटर्न इज बींग रिवाइज इन सिक्स डेज एंड डिक्लेयर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन लेस देन और इज लेस देन द इनकम लॉस इस सूरत में 120 डेज के अंदर अंदर अगर आप सेक्शन 120 के तहत कर रहे हैं तो फिर सारा कुछ हो सकता है लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है फ्रॉम कमिश्नर और उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं ड्यू डेट पता है इसमें कोई चीजें नहीं <coughs> पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग सिंपल सी कहानी पॉइंट वन परसेंट ऑफ टैक्स पेबल आरोपीज वन थाउजेंड पर डे लेकिन मिनिमम कह दिया कि सैलिड पर्सन के लिए दस हजार होगा और अदर केसेस के लिए पचास हजार होगा लेकिन मैक्सिमम भी साथ बता दिया गया है कि लाख से ज्यादा ये पेनल्टी नहीं हो। और फिर अगर आप पहले महीने में रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये जो फाइन है इसका सेवेंटी फाइव परसेंट कम कर देंगे दूसरे महीने करते हैं तो फिफ्टी परसेंट कम कर देंगे तीसरे महीने करते हैं तो ट्वेंटी फाइव परसेंट कम कर देंगे अगर टैक्स डिपॉजिट नहीं किया तो फर्स्ट डिफॉल्ट पे फाइव परसेंट ऑफ टैक्स सेकंड पे एडिशनल ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्ड पे एडिशनल फिफ्टी परसेंट ये पे करना पड़ेगा <coughs> अच्छा रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय ड्यू डेट इसके इंपैक्ट्स क्या है AT, निकल जाएगा बंदा वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता ठीक है इसी तरीके से उसे रिफंड भी नहीं मिलेंगे और फिर जो एडिशनल पेमेंट है फॉर लेट रिफंड वो भी उसे अवेलेबल नहीं एसेट्स एसेट्स की अच्छा एसेट्स के वाले से अगर वेल्थ well स्टेटमेंट आ जाती है तो ये दो चीजें जेन में रखनी है, वाली हैं ये मैंने एस आर ओ ग्यारह साठ से ली है इसमें क्या है कि आल एसेट्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट कॉस्ट एंड नंबर टू ऑल एसेट्स हेल्ड अब्रॉड आर टू बी डिक्लेयर्ड एट कॉस्ट इन पाक रिवैल का कोई इंपैक्ट उस पर नहीं होगा असेसमेंट hmm. जो है सिंपल रिटर्न अगर कंप्लीट हार बी टेकन एज असेसमेंट ऑर्डर पास रिटर्न वॉज फर्निश्ड और इसमें जो टैक्स लाइबिलिटी है या रिफंड है वो असेस्ड टैक्स या रिफंड बन जाएगा अगर डेफिशिएंट है तो उसे 180 डेज के अंदर अंदर डेफिशिएंसी बताई जाएगी और उसकी बेस पे अगर वो रिस्पॉन्ड कर देता है तो फिर एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो आगे इम्प्लीमेंट होगा अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बहरहाल उसके नतीजे में उस अगर वो डेफिशिएंसी रिमूव कर देता है तो ये समझा जाएगा कि उसकी असेसमेंट होगी ऑन द डेट व्हेन द रिटर्न वाज फाइल और अगर नहीं करता तो सिंपल सी कहानी ये है ये समझा जाएगा कि उसने रिटर्न फाइल ही नहीं किया सिस्टम वन ट्वेंटी टू ए और सेवन में दिया हुआ है <coughs> लेकिन यह सिस्टम अभी तक इंप्लीमेंट uh, नहीं हुआ यह प्रोसेसिंग थ्रू ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो सिस्टम जनरेट करेगा इसमें कौन सी चीज इनकरेक्ट थी जब रिटर्न फाइल की और फिर उसको इंटीमेट करेगा और उसके तवस से कार्रवाई होगी और फिर ये बात होगी ये अभी इंप्लीमेंटेड नहीं बेस्ट जजमेंट अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं गई रिटर्न फाइल नहीं की तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विद विदी

कमिश्नर साहब अगर रिवाइज करना चाहे जिसमें ये सेक्शन टू ए वन ट्वेंटी टू में तो रिविजन करनी है टू एनहांस टैक्स टू ए में अगर टैक्स पेयर को बेनिफिट पहुंचाना है तो इसके हवाले से होगा और ये कब हो सकता है कि अगर टैक्स पेयर ने कमिश्नर अपील्स के पास अपील फाइल नहीं की या टाइम पीरियड अभी नहीं गुजरा जिसके तहत तो वो अपील फाइल कर सकते हैं तो इस सूरत में कमिश्नर के पास इख्ती है कि वो रिवाइज कर सकते रविन भाई चीफ कमिश्नर ये कोई भी ऑर्डर पास बाई दी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी स्पेशली इसमें एग्जेपन सर्टिफिकेट की बात है तो उसके हवाले से प्रोसीडिंग मंगवा सकता है और उसके बाद अपना फैसला कर सकता है बस चीज के साथ ही आज हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं थैंक यू dear students, we have completed the first of two exam-focused review sessions of cff5 text planning and practices. the material being used today will be shared using a link under the video of this session on facebook page, which is icap.ca students. for his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. sir, thank you so much. CFAP 5 text planning and practices session will be conducted tomorrow on May 11, 2023 from 10 a.m. to 5 p.m. Today, we have another session on CFAP 3 strategy and performance measurement by Mr. Irfan Qadir from 6 p.m. to 9.30 p.m. Till then, take care. Allah Hafiz. Thank you. I didn't find any. <clears throat>